इलेक्ट्रिसिटी में 99.99% गारंटी है कि तुम्हारा 10 के 10 नंबर का पेपर यहां से आने वाला है। ये दोनों रिएक्शन, ये भाई ये दोनों रिएक्शन तुम्हारे आने वाले हैं तुम्हारे पेपर में, प्री बोर्ड में। ये रिएक्शन तुम्हारा छपने वाला है 5 नंबर, 80 नंबर का तुम्हारा प्री बोर्ड का पेपर होता है और तुम्हारा उसमें 10 नंबर का पेपर सीधा लाइव प्रोसेस। ये टेलीस्कोप वाला न्यू पैटर्न क्वेश्चन है, 100% कंफर्म है कि 4 नंबर का तुम्हारे बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आने वाला है। और ये 10 से 11 एमसीक्यू कभी केमिस्ट्री से मिलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो 20 में से 11 एमसीक्यू दिमाग से केमिस्ट्री से आएगा तो एमसीक्यू ही आएगा ज्यादा। तो ये क्वेश्चन तुम अच्छे से देख लो भाई, ये जो प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन है 100% कंफर्म है कि तुम्हें बोर्ड में 5 नंबर ही दिलवा के जाएगा, इस बात की गारंटी है। स्नेल क्या करता है, वो मेल फीमेल दोनों रहता है, वो ऐसा रहता ना कि आप फीमेल देख ली तो मेल बन गया, अब मेल देख लिया तो फीमेल बन गया। इतना अगर तुम कर लेते हो यार साइंस के पेपर में, तुम्हारे 80 में 80 बिल्कुल कंफर्म है, अब बिल्कुल तुम टॉपर बनने जा रहे हो। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम भैया। अगर यार तुम क्लास 10 में हो और तुमने अभी अपने साइंस के प्री बोर्ड के लिए जरा कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी है और अब तुम्हें डर लग रहा है कि भैया साइंस के प्री बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे, भैया हमसे बनेंगे नहीं बनेंगे, भैया कहीं हम साइंस के प्री बोर्ड में फेल तो नहीं हो जाएंगे भैया, तो आज की वीडियो में तुम्हें बता दो यार तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होने वाले, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम्हारे साइंस का प्री बोर्ड का पूरा पेपर लीक करने वाला हूं। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे साइंस के प्री बोर्ड में आने वाले स्कूल में तुम्हारे, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं और कौन से क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड में आने वाले हैं, और देख लेना भाई इस बात की गारंटी है कि तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन वही प्री बोर्ड में आएंगे जो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं मैं उनको पहले बता दूं यार कि तुम्हारे भैया को 6 सालों का एक्सपीरियंस है और इस बार भी हमने हाफ ईयरली एग्जाम में साइंस का पेपर लीक कर रखा था, इसको करीब 2 लाख बच्चों ने देखा था, सारे के सारे बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिया, मैक्सिमम बच्चों ने फीडबैक दिया कि भैया हमारा साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम का जो पेपर है इस वीडियो डायरेक्ट आ गया था, मतलब पूरा का पूरा हाफ ईयरली का पेपर इस वीडियो छप गया था। इस तरह से मैं चाहता हूं यार कि प्री बोर्ड में तुम्हारी मदद कर दूं, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में बनने वाला है वो सारे के सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में लीक कर दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन में तुम्हें बता दूंगा कौन सा पेपर तुम्हारे प्री बोर्ड में बनने वाला, डायरेक्ट बता दूंगा कि हां ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे प्री बोर्ड में आने वाला, इस बात की 100% गारंटी है। और उतना अगर तुम कर लोगे ना भाई, मेरी इस बात की गारंटी, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा ना 98% तुम्हारे कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में, 98% तुम्हारे प्री बोर्ड में कंफर्म है, कोई रोक नहीं पाएगा 98, तुम्हारे 100% भी आ सकते हैं तुम्हारे साइंस के पेपर, कोई रोक नहीं पाएगा। बस मैं हर चैप्टर तुम्हें गिन के 5 क्वेश्चन दूंगा, वो तुम्हारे 10 क्वेश्चन दूं, वो क्वेश्चन तुम सिर्फ कर लेते हो 5 से 10 क्वेश्चन कर लेते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, तुम्हारे साइंस के पेपर पूरे पूरे नंबर नहीं आना पाएगा, तुम 0 पर ही बैठे हो तब तुम मेरे को बोलना। पूरे का पूरा सिलेबस हमने इसमें कवर कर दिया, कुछ हमने नहीं छोड़ा, मतलब जो आने लायक है सब हमने बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, इतना तुम कर लोगे बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओगे। इस बात की मेरी गारंटी, अगर 95 नहीं आना तब तुम बताना, तुम्हारे क्लास का टॉपर सोचने लगा भैया तुम कहां से पढ़ते हो, इस बात की मेरी गारंटी, 95 कंफर्म हो जाए। बस मैं हर चैप्टर जो क्वेश्चन देता हूं तुम करते रहना शुरू से लेकर अंत तक, इस वीडियो को देख लेना, अगर तुम इस वीडियो को देख लोगे सारे क्वेश्चन कर लोगे बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओ, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और जो जो बच्चे चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँ यार एक बार, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, कि मैं तुम्हें पहले क्लियर करूँ भाई, ये कंटेंट नहीं खजाना है, तुम बहुत लकी हो यार जो वीडियो तुम्हें मिली, कंटेंट नहीं खजाना है, पहले मैं तुम्हें बता दूँ, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अभी साइंस का पेपर हमने लिख कर दिया, मैथ का कर दिया चैनल पे, SST का, इंग्लिश का, हिंदी का सारे पेपर लिख करना, मैं बोर्ड एग्जाम का भी पेपर इस चैनल पे लिख करने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने के तो कर लो भाई, इसमें तुम्हारा ही फायदा है मेरा नहीं, ठीक है। तो चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो, हम चलते वीडियो में आगे। अब हम लोग साइंस के पेपर को लिख करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो हमारा केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन। उससे पहले तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुन लो, तुम्हारा जो साइंस का पेपर होगा, मैं 6 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस, उस पेपर में तुम्हें गलती से भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि तुम्हारा जो एमसीक्यू बनने वाला है 20 MCQ बनने वाला तुम्हारा साइंस के पेपर में, ध्यान से सुनना, 20 MCQ पूरे पेपर है, उसमें से 10 MCQ CBSE वाले क्या करते हैं, हर स्टेट बोर्ड में भी यही होता है, 10 MCQ बोर्ड में भी और प्री बोर्ड में भी तुम्हारे सीधा केमिस्ट्री से देते हैं। तो एमसीक्यू के डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा एमसीक्यू तुम्हारे आएंगे तो केमिस्ट्री से आएंगे, ध्यान में रख लेना, बोर्ड एग्जाम में जब तुम देने जाओगे ना तो उसमें 10 MCQ 20 में से 10 MCQ तुम्हारे केमिस्ट्री से तुम्हें मिलेंगे, और 10 से 11 MCQ कभी केमिस्ट्री से मिलते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो 20 में से 11 MCQ दिमाग से केमिस्ट्री से आएगा तो एमसीक्यू ही आएगा ज्यादा, समझ में बात को, मैं 6 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, बोर्ड का पेपर जब तुम दोगे पिछले साल भी वही हुआ था बोला था, इस बार भी वही होने वाला, प्री बोर्ड में भी वही होने वाला है, तो तुम ध्यान से देना, जब भी बोर्ड का या प्री बोर्ड का पेपर होगा तो एमसीक्यू ज्यादा रहेंगे केमिस्ट्री से, टोटल 20 MCQ पेपर में बनेंगे, 20 में से 10 MCQ तुम्हारे केमिस्ट्री से रहेंगे, इस बार सैंपल पेपर में 10 MCQ केमिस्ट्री से दिए, मैं सैंपल पेपर में रहेंगे, ठीक है, तो 10 MCQ केमिस्ट्री से रहेंगे, अब बाकी के 7 MCQ तुम्हारे रहेंगे तुम्हारे बायोलॉजी से, और 2 से 3 MCQ तुम्हारे फिजिक्स से रहेंगे, फिजिक्स से जनरली न्यूमेरिकल रहते हैं, एमसीक्यू नहीं रहते, सब हम लोग क्लियर कर लेंगे आज के वीडियो, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर, क्लियर वाली बात है। और तुम्हारा केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं, बच्चे बहुत डरते हैं कि भैया केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन है, हमें बहुत सारे रिएक्शन याद करने पड़ेंगे, भाई साहब मैं तुम्हें कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं दूंगा, गिन के केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन गिन के मैं तुम्हें 7 रिएक्शन दूंगा, वही 7 रिएक्शन में तुम्हारा पेपर आएगा डायरेक्ट, 7 रिएक्शन से बाहर पेपर नहीं आएगा, तुम वो 7 रिएक्शन कर लोगे उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, बच्चे बहुत डरते हैं भैया इतने रिएक्शन याद करेंगे, 50 रिएक्शन होंगे, 100 रिएक्शन होंगे, 7 रिएक्शन बताऊंगा, उन्हीं 7 रिएक्शन के अंदर से तुम्हारा पेपर आएगा, इस बात की गारंटी है, उससे बाहर तुम्हें नहीं करना, बस तुम्हें 7 रिएक्शन करने और तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ 7 रिएक्शन करने, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला तुम्हारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अब तुम्हें गिन के मैं रिएक्शन दूंगा उससे बाहर नहीं आएगा पेपर, ठीक है। सबसे पहला तुम्हारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है, क्या आता है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा, 2 नंबर का पेपर में आता है तुम्हारा, क्या केमिकल रिएक्शन
सेक्शन से कितने नंबर का आ रहा, 5 नंबर का पेपर आता है इससे, 5 नंबर का कंफर्म पेपर, 1-2 मार्क और 3 एमसीक्यू इससे बनेंगे, ठीक है। 3 एमसीक्यू, एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से हम इसको पढ़ेंगे और 2 मार्क के क्वेश्चन से पढ़ेंगे, आएगा पेपर जो बताऊंगा वही पेपर में, डरना मत तुम बस, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा भाई, इस वीडियो से बाहर से पेपर आ नहीं सकता गारंटी के साथ। पिछले साल भी 97% वाले 1000 बच्चे थे चैनल से, इस बार भी आएंगे, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। अब तुम्हारा क्या, सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम्हारा ये वाला है कि फेरस सल्फेट जो रहता है उसको हीट देते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे बोर्ड में पेपर ये आता है, प्री बोर्ड में पेपर ये आता है, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें फेरस सल्फेट करते हैं तो कौन-कौन सी गैसेस निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दो गैसेस निकलती है, ये पेपर में आता है और ये रिएक्शन तुम्हें याद रखना, ये रिएक्शन तुम्हें लिखना पड़ेगा। और एमसीक्यू पूछता है कि इसका जब तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन होता है फेरस सल्फेट का कौन सी गैसेस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड वाली गैसेस निकलती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एक मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को कर देता है। अब ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम आगे देखोगे कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में तुम्हारा क्या होता है कि आयरन जो क्या करता है, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करता है, आयरन सल्फेट बनता है, कॉपर बनता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुम देख लेना। तीसरा डबल डिस्प्लेसमेंट, भाई साहब छप गया पिछले 10 साल में 5 से 7 साल ऐसा है यहां पर ये रिएक्शन आया, मतलब पिछले 10 साल में जब बोर्ड का पेपर बना 7 साल ऐसे लगातार थे जहां पर ये रिएक्शन तुम्हारा है, लगातार पेपर में आता है ये रिएक्शन, मैं झूठ नहीं बोल रहा, प्री बोर्ड ले लो, बोर्ड ले लो, अगर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में सबसे कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो ये रिएक्शन है तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट वाला, ये केमिकल का एनसीईआरटी का रिएक्शन मैं बता रहा हूं क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तुम्हारी इस पे दो चीजें होती है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है, तो प्रिसिपिटेशन वाला भी जो पार्ट रहता पूरा इसमें आता था, ये रिएक्शन ना भाई तुम रट लो घोट लो क्या कर लो मुझे नहीं पता, पेपर में तुम्हारे बोर्ड के पेपर में ये रिएक्शन 100% कंफर्म है कि तुम्हारे आने वाला है, इस बार बोर्ड का जो पेपर होगा ना उसमें ये रिएक्शन 100% गारंटी कि तुम्हारा ये आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है, अब इस रिएक्शन में तुम्हारा क्या है कि सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है और तुम्हारा सोडियम क्लोराइड बनता है, जो नमक होता है। बेरियम सल्फेट कोई मामूली चीज नहीं है, ये जो बेरियम सल्फेट है तुम्हारा व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट प्रिसिपिटेट है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड सीसी में दोनों व्हाइट कलर के होते हैं, जैसे इसको रिएक्ट कराते हैं, कलर तो यहां बोला नहीं गया, यहां पर क्या होता है बेरियम सल्फेट बनता है जो व्हाइट कलर के प्रिसिपिटेट होते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर की बॉल्स हो जाती है, व्हाइट कलर के बॉल्स बन जाते हैं जो कि मिक्स नहीं होते, समझ रहे हो, तो वह प्रिसिपिटेट बन जाते हैं और NaCl बचता है, यहां पर NaCl बचता है, NaCl बच जाता है, वही तुम्हारा ये रिएक्शन है। रिएक्शन तुम रट लो घोट लो क्या कर लो नहीं पता, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या रेडॉक्स रिएक्शन, पूछता व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, कई बार पूछता व्हाट इज रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, उसको रेडॉक्स बोलते हैं। ये एग्जांपल तुम देखे आओगे, ये एग्जांपल तुम याद कर लेना किस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जांपल है, पेपर में छापे चलाना व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, तुम्हें क्या रिएक्शन बताना पड़ेगा भाई। तुम अगर केमिस्ट्री में तुम्हें बता दूं तुम्हें डेफिनेशन नहीं आता व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन चल जाएगा, अगर तुम इस रिएक्शन को लिख दोगे टीचर नंबर दे देगा, तो तुम्हें डेफिनेशन याद नहीं हो चल जाएगा, रिएक्शन याद होना चाहिए भाई रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, रिएक्शन याद कर लेना। उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो 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 एग्जांपल याद कर लो, एग्जांपल आ जाता है तो ये दो एग्जांपल याद करना, एनसीईआरटी वाले एग्जांपल, ठीक है, उसमें 10 एमसीक्यू आने वाले हैं। आगे बात करते हैं, आगे तुम्हारा क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तुम्हारा क्वेक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड क्वेक लाइम बोलते हैं, और तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्वेक लाइम को वाटर से रिएक्ट कराता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जिसको स्लैक लाइम बोलते हैं, और इससे हीट भी निकलती है। अब इसको जो तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड है जो तुम्हारा क्वेक लाइम है इसको यूज किया जाता है, सीबीएसई पूछती है व्हाइट वाशिंग के लिए किस चीज को यूज किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या किया जाता है व्हाइट वाशिंग के लिए यूज किया, व्हाइट वाशिंग मतलब जैसे तुमने ताजमहल देखा तो उसको साफ करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को यूज किया जाता है, क्लियर वाली बात है, यू चिकना बना रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा है उसका एंडोथर्मिक रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में अगर हीट चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बनता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या, एंडोथर्मिक मतलब क्या, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए होती है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। तुम्हारा क्या है, ये सिल्वर वाला एग्जांपल दिया हुआ कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट देते हैं हीट देते हैं तो सिल्वर अलग क्लोराइड अलग, तो ये तुम्हारा हीट से एंडोथर्मिक, किसी किसी रिएक्शन से हीट निकलती है, जैसे ये रिएक्शन में तुम्हें बताया कि रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड से H2O को जब रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट निकलती है, हीट निकली मतलब क्या है, ये तुम्हारा हीट जैसे निकली मतलब तुम्हारा क्या एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही एग्जांपल तुम दे दोगे क्योंकि इससे हीट निकल रही है, हीट निकल रही किसी भी रिएक्शन से हीट निकल रही है एक्सोथर्मिक है, और किसी को हीट देना पड़ा इसको सनलाइट देनी पड़े तो ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे आते हैं वो भी दिखा दूंगा, ठीक है, अभी दिखाऊंगा सैंपल और क्या छपा क्या बोर्ड में आने वाला क्या प्री बोर्ड में डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। आगे आते हैं आइडेंटिफाई, अब यहां पर देखो ये जो क्वेश्चन है 100% कंफर्म है कि ये जो रिएक्शन है तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में 3 नंबर का 100% गारंटी के छपने वाला है, तो गारंटी क्योंकि ये जो रिएक्शन है सैंपल वगैरह छपा हुआ है, तो ये रिएक्शन तुम अच्छे से देख लो भाई, 100% कंफर्म है 3 नंबर का तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में छपा हुआ नजर आएगा, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, लेटेस्ट पैटर्न का रिएक्शन है। इसमें क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन
स्टेटिंग द रीजन ऑफ योर आंसर। अब टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं, इसमें कौन कौन सा रिएक्शन है। अब तुम देखो यार, फेरिक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम से रिएक्ट कर रहा है, अब एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा प्लस Fe बन रहा, तो ये तुम्हें सिंपल दिख रहा भाई। ये पहला बात तो यह हीट निकल रही है, तो भाई एक्सोथर्मिक भी होगा, हीट निकल रही है, अभी मैंने तुम्हें समझाया एक्सोथर्मिक होगा। अब तुम्हारा क्या डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, रेडॉक्स भी है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा, तो ये तीन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट और तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हीट इज इन्वॉल्व है, तो यहां तुम्हें बताना पड़ेगा हीट इन्वॉल्व है, इसलिए क्या कर रहा है तुम्हारा, क्या क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट भी, तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तीन नंबर का क्वेश्चन है, दो नंबर का क्वेश्चन है, दो नंबर का पेपर में आने वाला है ये सैंपल, और दो नंबर का, ये तीन नंबर का भी दे सकता है तुम्हारे प्री बोर्ड में, गारंटी के साथ ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या है कि पीबी, अब ये वाला रिएक्शन, अब यहाँ पर तुम्हें सिंपल दिख रहा है कि PbNO3, अब यहाँ पर क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट तुम्हें दिख रहा है, दो दो चीजें, तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, सेकंड वाले में तुम्हारे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, साथ में प्रिसिपिटेशन भी है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है, तो ये KI है यहाँ पर, KI बहुत लोग सोचेंगे सिंगल एलिमेंट, नहीं ये पोटेशियम आयोडाइड है, KI है, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रिसिपिटेशन भी है, PPT भी फॉर्म हो रही है यहाँ पर, इसका मतलब प्रिसिपिटेशन होता है, इस एरो का मतलब होता है कि गैस निकल रही है, इस एरो का मतलब कि प्रिसिपिटेशन है, पीपीटी है, तो यहाँ पीपीटी फॉर्म हो रही है, ये येलो कलर की पीपीटी होती है, क्लियर वाली बात है, येलो कलर की बॉल फॉर्म होती है इसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तुम अच्छे से कर लेना, इसको नोट कर लो, ये तुम्हारे प्री बोर्ड में आने वाला है, सैंपल और छपा डायरेक्ट आएगा, मतलब ऑल इंडिया में पेपर हमारा आता है, स्टेट बोर्ड हो CBSE बोर्ड हो कोई रोक नहीं पाएगा उसको, क्लियर बात है, लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि एक्टिविटीज आ रही है, अब एक्टिविटीज क्या क्या, अब एक्टिविटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं तुम्हें कान खोल के सुन लो भाई, कान खोल के सुन लो, केमिस्ट्री से मैं तुम्हें बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारा कितने नंबर का पेपर आता है टोटल, केमिस्ट्री का 25 नंबर का पेपर आता है, 25 नंबर में से मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं 25 10 नंबर का तुम्हारी एक्टिविटीज से क्वेश्चन आते हैं, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, 25 में 10 तो डायरेक्ट एक्टिविटीज है, तो एक्टिविटीज को तुम पकड़ के रखना, 25 में 10 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट एक्टिविटीज है, मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तो एक्टिविटीज हमेशा केमिस्ट्री में तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। अब केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज क्या क्या, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, कुछ नहीं, इसमें तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि क्लीन विद सैंड पेपर, मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले क्लीन सैंड पेपर से क्लीन कर देते हैं, बस बात खत्म, और उससे क्या होता है, उससे क्या होता है Mg को बर्न करते हैं जब ऑक्सीजन के साथ, तो MgO बन जाता है, और यहाँ पर जो क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ये वाले क्या होता है ये व्हाइट व्हाइट कलर की पाउडर निकलने लगती है, तो बस तुम्हें उतना ही पता करना है कि ये क्या होता है डिजलिंग व्हाइट फ्लेम, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम से बर्न होता है, ये दो तीन चीजें याद रखनी, एक्टिविटी खत्म हो जाती है, ठीक है। इसे क्वेश्चन आते हैं कि क्लीन क्यों किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को, तो उसको इसमें क्या ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, उसको हटाने के लिए क्या, ये तुम्हारा एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद ये रिएक्शन आता है, रिएक्शन वाली एक्टिविटी, अब इसमें रिएक्शन आता है, अब इसमें क्या है कि हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट, अब इसमें हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट, ये रिएक्शन याद होना चाहिए तुम्हें, गिन के साथ दूंगा, बोला गिन के साथ दूंगा, ध्यान रखना गिन के साथ दूंगा, लीड नाइट्रेट को क्या कहता है, लीड नाइट्रेट को जब हीट दी जाती है, डेल्टा से हीट नापते हैं, हीट दी जाती है, लीड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब यहां जो क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, नाइट्रोजन जब इसको हीट करते हैं लीड को जब हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, ये तुम्हें याद रखना, कलर याद करना कि कौन सी फ्यूम्स निकलती है, डायरेक्ट एक्टिविटी बोर्ड में आता है, तो याद रखना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या हीटिंग एंड बॉइलिंग ऑफ कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट एंड स्मेलिंग द, भाई सब छप गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी पूरी बुक की, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनेगा, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या होता है, इस पर ध्यान नहीं देना, यहां फेरस सल्फेट और रिएक्शन पे ध्यान देना, केमिस्ट्री में रिएक्शन पे ध्यान देना, रिएक्शन अगर रट लोगे 6-7 रिएक्शन 8 रिएक्शन रट लोगे काम खत्म, इस रिएक्शन को भी रटना पड़ेगा। यहां तुम्हारा क्या है कि फेरस सल्फेट, अभी तुमको कॉपी में लिख के रखना पड़ेगा, कॉपी में लिखोगे याद हो जाएगा, फेरस सल्फेट को जब हम हीट देते हैं तो क्या होता है कलर चेंज वाला रिएक्शन, ध्यान देना, फेरिक ऑक्साइड मतलब ये जो फेरस सल्फेट है ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, इसको हीट देते हैं बीच में ये व्हाइट बन जाता है, और हीट देंगे फेरस सल्फेट को ग्रीन कलर का होता है, हीट देंगे बीच में व्हाइट कलर का बन जाता है, और बहुत ज्यादा हीट देने पर ये क्या होता है फेरिक ऑक्साइड बन जाता है जो कि तुम्हारा ब्राउन सॉलिड होता है, ठीक है। उससे SO2 और SO3 जो गैसेस निकलती है, मैंने तुम्हें बोला था सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ने गैसेस निकलती है, गैसेस भी कलर भी, यहां देखो लिखा हुआ कि ग्रीन कलर फर्स्ट चेंजेस इनटू व्हाइट कलर एंड द फाइनली ब्राउन सॉलिड फॉर्म्ड फेरिक ऑक्साइड, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, कलर ऑब्जर्व करना, ये रिएक्शन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसका ऑर्डर स्मेल करती है कि ऑर्डर कैसा आ रहा है, सेंट कैसा आ रहा है, तो भाई जला जला सेंट करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ऐसा ऐसा दिखता है ये वाला फेरस सल्फेट जो है, इस तरह का क्रिस्टल होता है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि आयरन नेल्स, भाई साहब छप गया, इससे कितने क्वेश्चन बने ना भाई बोर्ड एग्जाम में, मुझे नहीं पता कितने से MCQ बने होंगे, कितने क्वेश्चन बने होंगे नहीं पता, इस बार भी छपने वाला, क्या होता है तुरंत बता रहा हूं। ये वाला आयरन नेल डिप्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट तुम्हारा ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट में जैसे ही आयरन या जिंक, अब कंफ्यूज मत होना, कोई भी आयरन की चीज, आयरन नेल हो, Fe आयरन हो या जिंक हो, रिएक्शन सेम होगा, ठीक है। आयरन नेल जैसे ही इसमें कॉपर सल्फेट में डाला जाता है, ZnSO4 बनता है, ये अभी हम जिंक ले रहे हैं प्लस कॉपर अलग हो जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, या फिर आयरन सल्फेट भी बन सकता है। ये क्या होता है कलरलेस और लाइट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आता है कि जैसे आयरन नेल को जैसे डाला,
इसमें, तो ये आधे घंटे के बाद ये क्या होता है, कलरलेस और ग्रीन हो जाता है। आधा घंटा 30 मिनट टाइम लग जाता है। तो यहाँ लिखा हो 30 मिनट्स लेटर आयरन नेल विल बी कवर्ड विद रेड ब्लू ब्राउन लेयर विच इज कॉपर। आयरन नेल जो हो जाता है वो कॉपर कलर का हो जाता है। जो आयरन नेल या जिंक नेल, इसको जिंक भी बोल सकते हैं, आयरन या जिंक कुछ भी ले लो, दोनों मेटल है, तो आयरन या जिंक कुछ भी ले लो, वो तुम्हारा कॉपर कलर का। ये रिएक्शन तुम्हें याद होना चाहिए, जो रिएक्शन तुम्हें दिया होगा, ठीक है, क्लियर। और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं देखा, उससे पहले तुम्हें एक लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन भाई साहब, ये जो एमसीक्यू भाई कंफर्म है कि तुम्हारे साइंस के पेपर में, प्री बोर्ड के पेपर 100% आने वाला है। तो ये एमसीक्यू तुम अच्छे से देख लो भाई, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी एमसीक्यू 100% आने वाला है, कंफर्म है। ये तुम्हें कंफर्म करा देगा, ये एमसीक्यू इस न्यू पैटर्न का एमसीक्यू 100% कंफर्म है कि तुम्हारे पेपर में आएगा। कैसा एमसीक्यू भैया दिखा देता हूं। आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर, पी आइडेंटिफाई करना है यार रिएक्शन में क्यों करना है, और आर कर देना। अच्छे अच्छे बच्चे ना सर पीटते रह जाएंगे इसमें, क्योंकि पी क्यू आर तो मिलेगा ही नहीं, मिलने का सिंपल कंडीशन है। इस पी क्यू आर की जगह ये जो रिएक्शन है जो तुम्हें दिख रहा है, इसको तुम नीचे लिख दो, यहाँ लिख दिया मैंने, पी क्यू आर हटा दिया, पी क्यू नहीं लिखा गया, इसको तुम बैलेंस कर दो। बैलेंस करने बोला, बैलेंस कर दिया, बैलेंस नहीं करके खोजना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। बैलेंस अगर कर दिया, अब इसको तुम बैलेंस कर दो, जैसे बैलेंसिंग आती है वैसे बैलेंस कर दो, कि यहाँ 2 लगेगा वहां पर, यहाँ पर 2 लगेगा, यहाँ पर 4 लगेगा, जैसे बैलेंस किया 2 2 4 करके आंसर तुम्हें मिल जाएगा, ये आंसर तुम मार दोगे, इस तरीके का आंसर हो जाएगा, ये बैलेंस करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब हीट चाहिए, किसको हीट चाहिए होती है भाई, हीट किसको, बर्निंग ऑफ कैंडल को हीट चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती, हीट दे रहा होता हूँ, हीट कुकिंग ऑफ फूड खाना बनाने के लिए हीट चाहिए होती है। तो इसमें टिक मार के चले जाओगे, इजी सैंपल वगैरह छपा हुआ है तो प्री बोर्ड में ही छपेगा। मैंने तुम्हें बोला था एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हर साल आता है, इस साल भी आया, ठीक है, बोर्ड में भी आएगा, बोर्ड में भी आएगा, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या है कि 50 ग्राम, अब देखो व्हेन 50 ग्राम ऑफ लीड पाउडर, अब यहाँ कंफ्यूज करने के लिए ग्राम लगा दिया, यहाँ न्यूमेरिकल नहीं आने वाले, ग्राम इग्नोर करो, 300 ml हमें कोई मतलब नहीं, किसी में डाला गया ब्लू कॉपर। अब ब्लू कॉपर में, अब हमें यहाँ दिख रहा है कि लीड पाउडर डाला गया ब्लू कॉपर में सल्फेट सोल्यूशन में, आफ्टर फ्यू आवर्स द सोल्यूशन बिकम कलर। अब लीड भी तो क्या मेटल है, लीड भी मेटल है, लीड क्या है, मेटल है, पीबी। आप तो बोलोगे भैया स्पेलिंग गलत लगती है, ए लीड डी होता है लीड, ठीक है, पीबी लीड होता है, ये मेटल है। अब मेटल को जब भी हम लोग डालते हैं कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में, तो वो 30 मिनट के बाद कलरलेस हो जाता है। हमने यहाँ पर देखा था ये वाले रिएक्शन में हमने देख रहा था, ये कलर रिलेटेड होता है, तो ये तुम्हारा कलरलेस हो जाता है। पर ये पूछा किस टाइप का रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन तुम्हें याद होगा, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम टिक मार दोगे, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड इन आयरन फिलिंग। कभी भी दिमाग में रखना एसिड वर्सेस सॉल्ट का कांसेप्ट, कभी भी दिमाग में रखना, कभी भी एसिड और मेटल मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। यही वही तुम्हें बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब तुम्हारा आयरन डाल रहा है तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वहां तुम टिक मार के चले जाओगे, तो इससे बाहर नहीं आएगा पेपर, ठीक है। इसमें एमसीक्यू में ज्यादा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे आएगा तो एमसीक्यू आएगा भाई, मैं इसलिए एमसीक्यू तुम्हें करा रहा हूं, मुझे पता है एमसीक्यू आने वाला है, एसिड एग्जांपल का एमसीक्यू है, लेटेस्ट पैटर्न का एमसीक्यू है, वो पेपर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द रिएक्शन। अब तुम्हें वो वाला रिएक्शन याद है तुम्हारा, क्या बोलता है, प्रिसिपिटेशन वाला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बेरियम क्लोराइड वाला, वही तुम्हारा बनता है कि बेरियम सल्फेट बनता है, वो जो तुम्हारा व्हाइट पीपीटी मैंने तुम्हें बताया वही वाला रिएक्शन तुम्हारा पिछले साल के सैंपल पेपर में था, पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था, इस साल भी लेटेस्ट पैटर्न में ही डाला हुआ। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये पेपर में तुम्हारे प्री बोर्ड में भी आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, प्री बोर्ड में भी टीचर इसको डालते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, द कलर ऑफ सोल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स, मैंने बताया था, और प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मैंने बताया था जिंक में डालते 30 मिनट तो कलरलेस हो जाता है, और लाइट ग्रीन कलरलेस होता है, तो इसको कलरलेस में तुम टिक मार के चले जाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन भाई, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट डबल, ये तुम्हारे एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम कर लेना, रिएक्शन लिख लिख के करना, रिएक्शन मांग रहा है यहाँ पर, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर पूछ रहा है, उसके बाद एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछ रहा है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब उसका तुम्हारा क्या है कि कुछ न्यूमेरिकल नहीं, मतलब ये तुम्हारा कुछ रिएक्शन टाइप के क्वेश्चन है, ये एलिमेंट एक्स एलिमेंट वाई, ये वाले तुम कर लेना, एनसीईआरटी में डायरेक्ट प्री बोर्ड में आते हैं, तो ये तुम कर लेना, आराम से हो जाएगा। उसका तुम वाई इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में तुम्हारा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये सारे तुम कर लेना, झूठ में मजाक मत लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ बैलेंसिंग वाली चीजें हर साल यार बोर्ड में और प्री बोर्ड में बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बैलेंसिंग से रिलेटेड तुम क्वेश्चन नहीं करो गलती कर दोगे, तो बैलेंसिंग कर लेना, तुम्हें सारे बैलेंसिंग कर लेना, बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा, तो एक्टिविटी और बैलेंसिंग से रिलेटेड इतना तुम कर लोगे, इससे बाहर पेपर नहीं आ सकता। अगर तुमने इतना कर लिया ना भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे हो जाएगा और तुम आगे हो जाएगा, मतलब झूठ नहीं बोल, ये सारे क्वेश्चन टॉपर को भी पता नहीं होंगे, वो मैंने तुम्हें लिख करके दिए, लीड क्वेश्चन है भाई, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, इतना तुम कर लोगे प्री बोर्ड में किंग बन जाओगे, टॉपर बन जाओगे, तो मैं तुम्हें बोला बोर्ड में भी तुम्हारे 98% आ जाएंगे, बस तुम मेरे पर भरोसा रखो, इससे बाहर पेपर नहीं आने वाला, ठीक है। बैलेंसिंग कर लेना, इतना तुम कर लोगे बिल्कुल तुम किंग बन जाओ, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं यार कि हमारे चैनल पर मैथ्स का प्री बोर्ड का पेपर ऑलरेडी लीक कर रखा है, और ये नॉर्मल पेपर लीक नहीं है भाई, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, ये वो पेपर लीक है जो पेपर में डायरेक्ट आता है। अभी हमारे इस मंडे को बहुत सारे बच्चों का पेपर हुआ था, मंडे ट्यूजडे का पेपर हुआ था, उन बच्चों ने मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट किया है कि उनका पूरा का पूरा प्री बोर्ड का पेपर छप गया, 2 दिन पहले मुझे कमेंट आया कि उनका पूरा का पूरा पेपर छप गया, ये
कमेंट तुम देख सकते हो, ये कमेंट तुम देख सकते हो, इनका पूरा का पूरा पेपर अभी दो दिन पहले पूरा पेपर छप गया प्रीवर्ड, तो तुम्हारा ही प्रीवर्ड का पेपर इस वीडियो छपने वाला, तो इस वीडियो को तुम मिस मत करना। अगर भाई एक से दो घंटे की वीडियो अगर तुम इस वीडियो को देख लोगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं भाई, मैथ्स में 100% कर पा, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम इसको देखो बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहां पर भी तुम क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो, यहां पर इस वीडियो का लिंक है, मैथ्स पेपर लिख का लिंक मैं यहां दे दूंगा, यहां क्लिक करके देख सकते हो तुम इस वीडियो। क्लियर वाली बात है, हम लोग चलेंगे एसिड बेस्ड सेल पे, इसको तुम मिस मत करना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे पेपर छप रहा है बच्चों का, तुम्हारा भी छपेगा, ऑल इंडिया में सीबीएसई बोर्ड हो स्टेट बोर्ड हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं हमारे चैप्टर जो तुम्हारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोग आते हैं सेकंड चैप्टर पे। ये जो तुम्हारा एसिड बेसिस सॉल्ट है भाई साहब, ये तुम्हारा 9 मार्क्स का है, इसका वेटेज बढ़ा दिया गया, 9 मार्क्स का पेपर तुम्हारा इससे आने वाला, गारंटी के साथ बता रहा हूं, 9 मार्क्स का पेपर इससे आएगा, और 9 मार्क्स के पेपर में तुम्हारा क्या एक 4 मार्कर एक 3 मार्कर 2 एमसीक्यू से बहुत कुछ आ रहा भाई साहब, छप जाएगा भाई तुम्हारे पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी है, क्या 9 मार्क्स में आने वाला सीधा बताऊंगा, हां इससे 4 मार्क्स का, इससे 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाले सीधा बताऊंगा, गिन के इसमें 5 रिएक्शन, अगर वो 5 रिएक्शन कर लिए चैप्टर खत्म है भाई, चैप्टर खत्म है, कुछ नहीं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, 6 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ये 5 रिएक्शन कर लिए, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा भैया तुरंत बता रहा हूं, इसमें प्रिपरेशन रिएक्शन है, इधर यू भाई सब छप गया, इससे बाहर नहीं आता पेपर, प्रिपरेशन रिएक्शन ही पेपर इससे आता है, क्या प्रिपरेशन रिएक्शन, पहला तुम्हारा वाशिंग सोडा का प्रिपरेशन रिएक्शन, वाशिंग सोडा किसको बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट Na2CO3 × 10H2, इसको डेकाहाइड्रेट बोला जाता है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन बनता कैसे है और इसकी यूजेस, ये बनता कैसे सबसे पहले ये पूछा जाता है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, ये सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, इसको 10H2O से मल्टीप्लाई ऐड कर देते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 डेकाहाइड्रेट सीधा बन जाता है, तो ये तुम्हारा सीधा इसको किया अभी मल्टीप्लाई होकर बन गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये तुम्हारा बन गया, इससे तो क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या बेकिंग सोडा कैसे बनता है, बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको प्यार से सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे बनता है, NaCl को मिलाते हैं, NaCl और उसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के प्रेजेंट में, ठीक है। तो तुम्हारा क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, और मेन हमारा प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये वाला बन जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन भाई तुम रट लो कॉपी पर लेकर नोट कर लो, ये पेपर में छपने वाला, गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये पेपर में छपने वाला सीबीएसई के सेवल, और छपा हुआ कैसे क्वेश्चन आएगा दिखा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है भाई 100%, ये क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो भाई, 100% गारंटी है, ये तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का डायरेक्ट आने वाला है, तो ये क्वेश्चन तुम अच्छे से देख लो भाई, 100% कंफर्म है कि ये तुम्हें बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 नंबर दिलवाएगा ही दिलवाएगा, और तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में भी भाई ये 3 नंबर का आने वाला है, प्री बोर्ड के लिए भी भाई 3 नंबर में छपने वाला है, कोई रोक नहीं सकता इस क्वेश्चन को, क्योंकि सीबीएसई के सवाल में छपा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से देख लो भाई, प्री बोर्ड में कंफर्म है कि तुम्हारे 3 नंबर का ये क्वेश्चन आने ही आना, कोई रोक नहीं सकता इस चीज को, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन कंफर्म है, क्लियर वाले सैंपल वाला छपा, और ये लेटेस्ट पैटर्न क्या है भाई इस क्वेश्चन में, वही दो रिएक्शन जो मैंने बताए थे। अब इस क्वेश्चन को तुम बिल्कुल ध्यान से देखना, पेपर में छपने वाला, ठीक है, समझा रहा हूं। अब बोल रहा है इन्हें गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन नेम द कंपाउंड एक्स एंड जेड, अब यहां कोई रिएक्शन दिया हुआ तुम्हारा, ये रिएक्शन तुम्हें दिख रहा है, ये रिएक्शन दिया हुआ एक्स एंड जेड खोजने बोल रहा है, एक्स खोजने बोल रहा है, जेड खोजने बोल रहा है, अब बोल रहा है विच टाइप ऑफ रिएक्शन एक्स एक्स टू जेड, यही सारे चीजें पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां पूछ रहा है एक्स एंड जेड, अब बोल रहा है NaCl को रिएक्ट करा रहा है H2O से CO2 से NH3 से, याद आ रहा है अमोनिया देख के, अभी मैंने तुम्हें बताया NaCl और अमोनिया, ये वाला रिएक्शन कि तुम्हारा NaCl और अमोनिया को रिएक्ट कराया जाता है, और अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, वही वाला तो है, अमोनियम क्लोराइड यहाँ X बन रहा है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Y बन रहा है, ठीक है। तो वो X और Z पूछा, X हमें मिल गया, अब X को बोला हीट देते हैं, किस तरीके से पूछ रहा था, घुमा के कैसे रिएक्शन को पूछ रहा है, रिएक्शन रट लोगे तो आ जाएगा ये, अब इसको जेड एक्स को हीट देते हैं, हीट जैसे एक्स को देता है तुम्हें पता होना चाहिए, जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट देते हैं एच उड़ जाता है, एच उड़ जाता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस H2O प्लस CO2 निकलती है, ठीक है। तो ये जेड हमारा मिल गया कि सोडियम कार्बोनेट है तुम्हारा, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट को 10H2O से रिएक्ट करा देते हैं, सोडियम कार्बोनेट को 10H2O से रिएक्ट कराते हैं, तुम्हें याद होगा कि सोडियम कार्बोनेट को जब 10H2O से रिएक्ट करा रहे थे, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को 10H2O, तो सोडियम कार्बोनेट जो डेकाहाइड्रेट बन रहा था, तो वही तुम्हारा क्यू होगा, कहाँ गया, वही तुम्हारा क्यू होगा कि सोडियम कार्बोनेट जो डेकाहाइड्रेट बन रहा है, वही डेकाहाइड्रेट बन रहा सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो वही वाली चीज फिर से बन रही है तुम्हारी, समझ रहे बात को, फिर वही चीज बन रही, तो वही तुम घूम के आ रहा, देखो यहाँ क्यू, अब क्या क्या पूछा तुम्हारा, एक्स एंड जेड पूछा था, एक्स पर चल गया और जेड पर चल गया हमें, उसका तुम्हारा क्या विच टाइप ऑफ रिएक्शन एक्स टू जेड, अब यहाँ दिख रहा है एक्स से जेड कौन सा रिएक्शन होता है, यहाँ पर हीट दे रहे, जब भी हीट देते थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जब भी हीट देते हैं, तुम्हें पता होता है, ये तुम्हारा आंसर है इसका, मोस्ट उसके बाद तुम्हारा क्या, अब पूछ रहा है कि पूछ रहे हैं इनो गिवन 3 अननोन सॉल्यूशन ए बी सी और गिवन है पीएच वैल्यू दी हुई है तीनों की, ठीक है। अननोन सॉल्यूशन एक का 6 है, दूसरा का 8 है, तीसरा का 9.5 है, इन विच सॉल्यूशन द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस विल बी प्रेजेंट, अब मिनिमम नंबर हाइड्रोजन जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना हाइड्रोजन आयन होगी,
जितना एसिडिक होगा तुम्हें पता होगा, ठीक है। एसिडिक का मतलब क्या, जितना कम पीएच होगा, जितना कम पीएच उतना एसिडिक। तो सबसे कम पीएच किसने, ए में, सिक्स में, तो सोल्यूशन ए में तुम्हारा सबसे। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। अब बोल रहा है अरेंज द सैंपल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एच प्लस आयन, सबसे ज्यादा एच प्लस आयन कैसे बढ़ते जाएंगे, सबसे सबसे कम सी में, उससे ज्यादा बी में, और सबसे ज्यादा ए में, ठीक है। तो उससे एच प्लस आयन जितना एसिडिक होगा उतना एच प्लस आयन। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, पेपर में छपा हुआ, सैंपल में छपा हुआ, और पेपर में तुम्हारा ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारे क्या ब्लीचिंग पाउडर, इससे भी क्वेश्चन आएगा, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट। ब्लीचिंग पाउडर तुम्हारा आएगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, स्लैक लाइम जिसको बोलते हैं, उसको क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन H2O वाटर निकलती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन तीन नंबर का आता है। फिर तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्शन पेपर में आता है, पेपर में आता है रिएक्शन, गारंटी के साथ बता रहा हूं, 5 नंबर का आता है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन में आता है। देखो मैं बता रहा हूं कि तुम्हारा सबसे पहले क्या आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2O, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अब तुम इसको 3/2 भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे मत लिखना, 1 × 1/2 H2O लिखना, ठीक है। 1 × 1/2 H2O से इसको रिएक्ट कराते हैं, इसको जैसे ही रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम सल्फेट बनता है और × 2H2O बनता है, ठीक है, जिसको जिप्सम बोलते हैं। अब ये रिएक्शन रिवर्सेबल होता है, ये इधर से इधर भी जा सकता है, और इसको जब हीट देंगे, जिप्सम एक पत्थर टाइप की चीज होती है, ऐसी पत्थर होता है, जैसे ही जिप्सम को हम हीट देते हैं 373 केल्विन का मतलब क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे इसको हीट देते हैं रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, और फिर तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। तो जिप्सम को लेकर प्लास्टर ऑफ पेरिस निकाल सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम निकाल सकता है, रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है, ध्यान में रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा हाइड्रोजन टेस्ट, भाई साहब छप गया ये, इसको पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट में ये पेपर में ना ऐसा होने सकता, तो ये रिएक्शन, ये तुम ये चीज देख लो भाई, ये रिएक्शन 100% आने वाला तुम्हारा रिएक्शन, और ये एक्टिविटी दी हुई है, इसको हाइड्रोजन टेस्ट बोलते हैं। इसमें एक रिएक्शन भी होता है और एसिड प्लस मेटल मिला के तुम्हारा साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये तुम्हें बताया गया पहली चीज, और दूसरी इसको पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये बार बार आता है, ये एक्टिविटी 100% कंफर्म है कि तुम्हारे बोर्ड के पेपर में ही आने वाली, भाई पिछले 10 से 12 साल से लगातार बोर्ड में आ रहा है, और प्री बोर्ड में तो आता ही रहता है। तो भाई ये तुम देख लो कैसे आ रहा है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। हाइड्रोजन टेस्ट का मतलब क्या है, कि कोई भी चीज हाइड्रोजन हम कैसे टेस्ट करें, कि हाइड्रोजन को टेस्ट कैसे करके बताए, तो हाइड्रोजन टेस्ट के नाम से आना था, और इस बार सैंपल पेपर छपा हुआ है, सैंपल पेपर छपा हुआ, पूरी एक्टिविटी बनाने बोली है, सीबीएसई की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि एक्टिविटी बनाने आ रही है, एक्टिविटी आए सर बोर्ड में एक्टिविटी बनाने का, ध्यान से देखना इसमें होता क्या, समझा देता हूं। मैंने तुम्हें बोला था कि एसिड प्लस मेटल को मिलाते तुम्हारा साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती, तुम्हें पता है H2 गैस करके बताया था, ठीक है। अब क्या है कि जब यहां पर क्या है कि यहां जिंक की ग्रेनुल जिंक रखी गई है, जिंक है। अब जिंक में यहां पर क्या है कि यहां पर एक सल्फ्यूरिक एसिड रखी है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी यहां लिया गया, और जैसे ही मेटल और हाइड्रोजन गैस इसको मिला रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन की गैसेस निकल रही है, यहां से तुम्हें पता है हाइड्रोजन गैस निकलेगा, दोनों को मिलाएंगे, हाइड्रोजन गैसेस यहां से आ रहा है पानी में जा रहा है, पानी के अंदर जब तुम फूक मारते हो, पानी के अंदर पाइप डाल के फूक मारना, तो ये हाइड्रोजन गैस की जो गैस है ये बबल में कन्वर्ट हो जा रही है। तुम्हें पता है कि H2 गैस जो है हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होता है, जैसे ही कैंडल सामने ला रहा है ये पॉप फट रहा है, फ्लेमेबल होता है, आग निकलती है उससे फ्लेमेबल होता है, मतलब समझ रहे हो, ज्वलनशील होता है। तो जैसे ही कर रही पॉप साउंड निकल रहा, फट रहा बबल, बबल फट रहा, पॉप साउंड निकल रहा, इसको पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ये तुम्हें पता है, और H2 गैस का ये टेस्ट होता है, ये पूरा बनाकर तुम्हें दिखाना पड़ा, क्लियर वाले ये तुम्हें आता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि चोर अल्कली प्रोसेस क्लोरो अल्कली प्रोसेस 100% गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में छपने वाला, भाई ये 5वां रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में ना आए ना यार, ये ऐसा हो नहीं सकता, 10 साल से लगातार अगर तुम इसको छोड़ोगे इससे बड़ी मिस्टेक नहीं हो सकती। ये तुम अच्छे से देख लो भाई, ये चोर अल्कली प्रोसेस तुम अच्छे से देख लो भाई, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 5 नंबर का 100% कन्फर्म है, ये डायग्राम तुम्हारा आने वाला है, तो ये डायग्राम भी तुम अच्छे से देख लो भाई, 100% कन्फर्म है कि तुम्हारे बोर्ड के पेपर में 100% आने ही आ रहा है, रोक नहीं सकता इसको 5 नंबर का, ठीक है। तो 5 नंबर तुम्हारे कंफर्म करा देगा, फिर मैं तुम्हें बता दे रहा हूं भाई, ये डायग्राम तो अच्छे से देख लेना, 5 नंबर का तुम्हारे बोर्ड के पेपर में कंफर्म है कि आने ही आना है, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, 50 बार मैं खड़े होकर बोलूं नहीं आने वाला है, तो ये झूठ नहीं होगा, समझ रहे हो बात को, इतना इंपॉर्टेंट है मैं कितना बार बोलूं, ठीक है। इसमें चोर अल्कली प्रोसेस में क्या क्या होता है कि NaCl, अब क्लोर अल्कली प्रोसेस का मतलब क्या होता है पता है, क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, Cl, अल्कली का मतलब तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा बेसिक कैरेक्टर, बेसिक, ठीक है। कोई भी चीज अल्कली जब होती है तो वो तुम्हारा NaOH तुम्हारा हाइड्रोक्साइड हो गया या तुम्हारा जो भी चीज हो गया डाइऑक्साइड हो गया, तो उसको तुम्हारा बेसिक कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब यह NaCl को H2O से रिएक्ट कराते हैं तो NaOH बनता है और क्लोरीन निकलता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और तो तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके लिए, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिएक्शन हो गया। अब ये वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट, इसको भी तुम याद करके रखना, ये डायग्राम एनोड कहां है, कैथोड कहां है, और ये डायग्राम याद कर लेना, ठीक है। अब कुछ यूजेस पूछे जाते हैं, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा पूछा जाता है, बेकिंग सोडा पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर पूछा जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जाता है, NaOH पूछा जाता है, कुछ यूजेस पूछे जाते हैं, इनके यूजेस याद रखना, 5 रिएक्शन याद कर लिए, इनके यूजेस भी पता होने चाहिए तुम्हें। जैसे तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या रहता है, वो तुम्हारा मूर्ति वगैरह बनाने में काम आता है, अब तुम्हारा ये ब्लीचिंग पाउडर घर वगैरह साफ करने में काम आता है, वो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है भाई कन्फर्म है, ये जो क्वेश्चन है भाई कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है, ये क्वेश्चन तुम अच्छे से देख लो भाई, 4 नंबर का कन्फर्म है कि तुम्हारे बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट छपने वाला, कोई रोक नहीं सकता इस चीज को, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो
चार नंबर तुम्हारे बोर्ड के पेपर में बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू पैटर्न का क्वेश्चन सीबीएसई लेंगे और स्कूल वाले डालेंगे इसको, ये बिल्कुल न्यू पैटर्न। इसमें दो चैप्टर मर्ज हो गए, इसमें तुम्हारा सबसे पहले एसिड बेस सॉल्ट है, दूसरा कार्बन कंपाउंड वाला भी चैप्टर मर्ज कर दिया गया है इसमें, कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर भी। अब इसमें तुम क्वेश्चन देखो, अब इसमें बोरा कोई चीज ए है, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, ध्यान से देखना, नहीं करोगे नहीं बनेगा, ध्यान से देखना। इसमें ए है, इसको H2O से इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या, ये वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला गया, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या, इस सॉल्ट डाल के उसमें करंट दे देते हैं, करंट देने का मतलब इलेक्ट्रिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस हमने इस स्लाइड में देखा था, अभी यहां पर हमने इलेक्ट्रोलिसिस देखा था, अभी यहां पर देखा था, ये इलेक्ट्रोलिसिस ही कर रहे थे इसका। अब यहां पर बोला गया है यहां पर कि अब यहां पर एक इलेक्ट्रोलिसिस होता है, उसके बाद क्या होता है, कॉस्टिक सोडा बनता है, यहां कॉस्टिक सोडा लिखा, कॉस्टिक सोडा का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बनता है, और यहाँ पर H2O से इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब और कॉस्टिक सोडा का मतलब तुम्हें समझना चाहिए कि क्लोरो अल्कली प्रोसेस के बारे में बात हो रहा है। तो क्लोरो अल्कली प्रोसेस, यहाँ NaCl है, NaCl है, तो यहाँ ए पूछ रहा है कि ए क्या है, किससे कहाँ गया, पूछ रहा है कि किससे H2O को रिएक्ट कराते, तो कॉस्टिक सोडा बनता है, या ए पूछ रहा है कि ए क्या, तो ये तुम्हें पता चल गया कि NaCl है, NaCl से ही करा रहे थे, तुमने देखा था यहाँ NaCl से करा रहे थे, यहाँ पर कहाँ गया, NaCl से करा रहे थे, देख लिया। अब ये ए तो तुम्हें पता चल गया, अभी ए यहाँ पूछ भी रहा है कि ए क्या है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्राइव ए वाई और जेड एम पी आर, सब पूछ रहा है भाई, चार नंबर का क्वेश्चन सब पूछ रहा है। अब पूछ रहा है कि उसके बाद क्या है, उसके बाद तुम्हें पूछ रहा है कि ए के बाद क्या बोल रहा है कि वाई और जेड पूछ रहा है, वाई तुम्हें पता है यहाँ रिएक्शन कराया, और वाई तुम्हें पता है क्लोरीन गैस निकल रही थी, फिर जेड भी तुम्हें पता है हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, तुमने देख रहा था ये आंसर दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस, उसके बाद तुम्हारा ए मोल्टेन में, मोल्टेन NaCl, अब NaCl का जब हम लोग वाटर में डालते हैं, तुम्हें पता है मोल्टेन मतलब वाटर में डालते हैं, जैसे NaCl में डालते हैं तो तुम्हें पता है कि Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, तो Na और Cl नेगेटिव अलग निकलता है, एम और जेड, Na प्लस एम, अब एम भी पूछ रहे हैं एम क्या है, तो सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल Na अलग हो गया, तो M सोडियम मेटल हो गया, और फिर तुम्हें क्या पूछ रहा है कि P पूछ रहा था, तो P तुम्हारा क्या, सोडियम इथोनेट है, CH3COOH, वो मैं तो कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में बताऊंगा, थोड़ी देर तुम इस वीडियो में रुक जाना, इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो में बता दूंगा, इस वीडियो को डिटेल में देखना भाई, नहीं तो पेपर सॉल्व नहीं होगा, क्लियर वाली बात है। तो ये तीन पार्ट तुम्हारा कार्बन कंपाउंड का, इन तीनों पार्ट को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर बात हुआ ए हो गया, बी में पूछ रहा है कि इंप्रूवाइज एन एक्टिविटी टू टेस्ट जेड, टेस्ट जेड, जेड का टेस्ट करने बोल रहा है। अब एक्टिविटी जेड क्या है हमारा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस टेस्ट याद है, टेस्ट जेड करने बोल रहा है, मैंने अभी बताया था हाइड्रोजन गैस टेस्ट दो स्लाइड पहले, ये स्लाइड में मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस टेस्ट यही वाला, ये पूरी एक्टिविटी बनाने बोल रहा है दो नंबर का, तो देख लो भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि इंप्रोवाइज, अब उसका नेम द प्रोसेस इन विच कंपाउंड एक्स वाई जेड फॉर्म, अब एक्स तुम्हें पता है एक्स क्या है, एक्स तुम्हारा कॉस्टिक सोडा NaOH, और वाई तुम्हारा क्या था, वाई तुम्हारा क्या था, वाई तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा क्या था, वाई एनोड में क्लोरीन, और तुम्हारा जेड क्या था, जेड तुम्हारा हाइड्रोजन गैस, एक्स वाई जेड फॉर्म, तो एक्स किस में फॉर्म है, NaOH कब फॉर्म हो रहा था, यही क्लोरो अल्कली प्रोसेस में NaOH फॉर्म हो रहा था, देख लो या NaOH फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्लोरो अल्कली प्रोसेस यही वाला तुम्हें पूछा, तो नेम ऑफ प्रोसेस क्या होता है, क्लोरो अल्कली प्रोसेस, तो यहां तुम आंसर लिखो क्लोरो अल्कली प्रोसेस, क्लोरो अल्कली प्रोसेस, तो ये तुम्हारा आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको तुम कर लेना भाई, पेपर में डायरेक्ट आगे तुम्हारे नंबर पक्का कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर वाली बात है, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं, आगे हम लोग आते हैं, आगे तुम्हारा क्या, इन एक्वस सॉल्यूशन, अब ये कोई एक्वस सॉल्यूशन है, ये क्या होता है, टर्न फिनोफ्थिलीन, अब फिनोफ्थिलीन के बारे में एक चीज तुम्हें क्लियर कर लेनी है, फिनोफ्थिलीन कभी भी होता है, फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर होता है, जैसे तुम्हारा एसिड बेस इंडिकेटर होता है, जैसे तुम्हारा लिटमस होता है ना, कि एसिड में डाला तो रेड हो गया और बेस में डाला तो ब्लू हो गया, फिनोफ्थिलीन होता है, फिनोफ्थिलीन क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, लेकिन उसको बेस में डालते रहो पिंक हो जाता है, ठीक है, और एसिड में डालते फिर कलरलेस हो जाता है, तो ऐसे ही पता करना तुम्हें, अगर उसको बेस में डाला पिंक हो जाएगा, नहीं तो एसिड में डाला कलरलेस होगा, वही तुम्हें बता रहा कि ए को टर्न कर देता है फेनोफ्थिलीन पिंक कर देता है, ए मतलब पता है कि तुम्हारा क्या होगा, अब बेस होगा तो पीएच, अब अगर तुम्हारा इधर 7 से बड़ा होगा पीएच तो वो बेस हो जाएगा, और 7 से छोटा होगा तो एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि वो पिंक कर देता है, तो अब पिंक कर रहा है तो मतलब कि हैज पीएच ग्रेटर देन 7 होगा ए का, और बी का क्या होगा, लेस देन 7 होगा, वही पूछ रहा है भाई, तुम मार के आ जाओगे डायरेक्ट सीधा, ठीक है, मैं समझाऊंगा, टाइम जाएगा। अब बोल रहा है ऑन असर्शन, ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl ऑन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सब्सटेंस X, ए कलरलेस गैस प्रोड्यूस, पॉप साउंड याद है, व्हेन बर्निंग मैच नियर इट, ठीक है, सही बोल रहा है, मेटल के साथ अगर मिलाते हैं एसिड को तो निकलता है, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, असर सही है। अब रीजन में क्या था, रिएक्शन मेटल एक्स डिस्प्लेस बाय हाइड्रोजन, अब भाई यहां गड़बड़ कर दी, मेटल एक्स को डिस्प्लेस नहीं करता हाइड्रोजन, मेटल एक्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, कारण मैं तुम्हें बताऊं, H2SO4 को डिस्प्लेस करता, अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता मेटल एक्स, तो हाइड्रोजन कैसे निकलता, फिर तो हाइड्रोजन से सॉल्यूशन बन जाता, H2SO4 बन जाता, वो नहीं हो रहा है, यहां हाइड्रोजन अलग हो रहा था, मतलब मेटल एक्स ने हाइड्रोजन को हटा दिया और हाइड्रोजन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस अलग हो गया ना, तो वहां से निकलना, तो यहां तो इसका रीजन गलत है, तो मतलब असर ट्रू आर इज फॉल्स, ये तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं,
आगे तुम्हारा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कभी भी एसिड और बेस को, बेस और एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट और वाटर निकलती है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। याद रखना इसका एक एग्जांपल याद होना चाहिए, वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाता तुम्हारा, तो भाई NaOH वाला रिएक्शन याद कर लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस तुम्हें बताया था, तो तुम लिटमस का यूज कर सकते हो, लिटमस को जब हम लोग एसिड में डालते हैं वो रेड हो जाता है और बेस में डालते हैं ब्लू होता है, ये तुम्हारा आ जाता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद एसिड टेस्ट में सौर होता है, खट्टा होता है, इमली की तरह होता है, बेस क्या होता है बिटर होता है, कड़वा होता है, कड़ेली की तरह होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, एसिड को जब भी हम लोग वाटर में डालते हैं तो एच प्लस आयन निकलता है, मैंने तुम्हें बोला था वही वाला याद है, H+ आयन वाला, कि H+ आयन किस में याद होगी, तो H+ आयन एसिड में होती है, बेस में जब बेस को जब वाटर में डालते हैं OH नेगेटिव आयन निकलती है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, प्रॉपर्टीज से आते हैं। अब तुम्हारा बी स्टिंग छप गया, अब ये जो हनी बी वाला क्वेश्चन है भाई 100% कंफर्म है कि तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में 3 नंबर का 100% आने वाला है, कंफर्म है। तो ये हनी बी वाला क्वेश्चन देख लो भाई, प्री बोर्ड के पेपर में तुम्हारे 3 नंबर का 100% आने वाला है, कंफर्म है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। ये जो है ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, आउट ऑफ सिलेबस मतलब क्या कि कहीं भी हनी बी या स्टिंग के बारे में बुक में नहीं दिया हो, पर सैंपल में छपा हुआ है, तो मतलब ये सिलेबस में सैंपल, और आउट ऑफ सिलेबस का मतलब क्या कि बुक में नहीं दिया हुआ, आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, ये बुक में नहीं दिया हुआ, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हनी बी का जो स्टिंग रहता है वो एसिडिक मीडियम में रहता है। समझ रहे बात को, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे भाई 3 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे प्री बोर्ड, क्योंकि टीचर इसको देखेगा और डालेगा 100% डायरेक्ट पर डालेगा पेपर में। क्या होता है इसमें कि बी स्टिंग इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा पेस्ट एंड वेयर रैप स्टिंग इज विद डाइल्यूट विनीगर। अब बी और रैप में फर्क होता है, बी क्या होता है, ये बी है मधुमक्खी है छोटी सी, रैप बड़ा रहता है, ये क्या बोलता है ततैया जिसको बोलता है ततैया, तो ततैया बड़ा रहता है, ये काट लेता है भाई बहुत दिक्कत हो जाती है, तो ततैया और बी रहता है। अब जो बी का रहता है इसका एसिडिक रहता है और इसका बेसिक रहता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी स्टिंग इसको ट्रीट किया, क्यों ट्रीट किया जाता है, कि तुम्हें बी स्टिंग एसिडिक होता है, ये तुम्हें बताना, देखो आंसर दिया, बी स्टिंग एसिडिक और रैप तुम्हारा बेसिक होता है, इसलिए इसको बेकिंग सोडा ट्रीट किया, बेकिंग सोडा क्या है बेसिक है, बेकिंग सोडा बेसिक है, और तुम्हारे जो विनीगर है वो एसिडिक है। अब ये एसिडिक है बेसिक सोडा, अब ये एसिडिक है, इसका स्टिंग एसिडिक है और ये बेसिक कैरेक्टर का, तो क्या उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो तुम्हारा जहर हट जाएगा, समझ रहे हो। और वो वाला रैप स्टिंग तुम्हारा क्या रहता है, वो तुम्हारा क्या रहता है बेसिक कैरेक्टर रहता है, विनीगर एसिडिक होता है, जैसे ही तुम लगाओगे वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। फार्मर ट्रीट सॉइल विद क्वेक लाइम इसलिए करते हैं, उसको न्यूट्रल बनाते हैं, उसको फार्मिंग के लिए न्यूट्रल, जब सॉइल को न्यूट्रल बनाते हैं उसमें खेती अच्छी होती है इसलिए, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या एंशियंट स्कल्पचर आर एंड मार्बल स्ट्रक्चर आर कंजर्व्ड बाय टेलिंग देम विद केमिकल के इसलिए करते हैं कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस होती है उससे रिएक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ये आंसर दिया हुआ, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ 7 न्यूट्रल रहता है, इधर जाता है तो यहाँ बेसिक बनने लगता है, और यहाँ जैसे ही आ जाता है ये एसिडिक कैरेक्टर का हो जाता है, ठीक है। ये कलर वलर से तुम्हें ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, वही कलर ये लिटमस का टेस्ट होता है तो कलर दिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर इतना तुम्हें पता नहीं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ पूछ लेता है, तो 2 डीके में काम आता है कि कितना पीएच है। उसके बाद तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम में दिखा जाता है कितना पीएच है। उसके बाद मेडिसिन वगैरह में पीएच बनाने का काम आता है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में दिया हुआ, ठीक है। अब तुम्हारा क्या कि कुछ एमसीक्यूज वगैरह, कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स इन यूज मेकिंग किचन ऑल्सो यूज फॉर रॉ मटेरियल किसके लिए। अब तुम्हारा क्या 1 और 3 के लिए, वॉशिंग सोडा के लिए और तुम्हारा बेकिंग सोडा के लिए रॉ मटेरियल का यूज किया था, कॉमन सॉल्ट का NaCl का, ठीक है, NaCl का यूज किया था। उसके बाद तुम्हारा क्या एनाइको सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब कोई सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू करता है, ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड को ब्लू कर देता है, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन एक्सेस एडिशन ऑफ दिस फॉलोइंग रिवर्स द चेंज। अब कोई ऐसी चीज, ये बेसिक सॉल्यूशन है रेड लिटमस को ब्लू करता है, कोई ऐसी एक्सेस चीज हम डाल दें जो कि रिवर्स कर दे उसको, फिर रेड कर दे, तो क्या है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, ठीक है। अब 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH फाइंड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो 20 ml के लिए कितना चाहिए होगा, जब 10 ml के लिए 8 ml लगता था, 20 ml के लिए कितना चाहिए, वो 16 चाहिए होगा, तो ये तुम मल्टीप्लीकेशन से आराम निकाल लोगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, अब मिल्कमैन भाई सब छप गया, ये क्वेश्चन है भाई 100% कंफर्म है, ये मिल्कमैन वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से देख लो भाई 100% कंफर्म है कि तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में 100% आने वाला है, और ये मिल्कमैन वाला क्वेश्चन 5 नंबर का था, क्लियर वाली बात है। तो ये मिल्कमैन वाला क्वेश्चन तुम फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देख लो, 5 नंबर का तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में छपने वाला, हाफ ईयरली के पेपर में हजारों बच्चों का ये छप गया था, क्लियर वाली बात है। हाफ ईयरली के पेपर में हजारों बच्चों का ये क्वेश्चन आया हुआ है, और प्री बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन 5 नंबर का 100% कंफर्म है कि आना ही आना, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्कमैन वाला क्वेश्चन कर लेना। उसका तुम्हारा क्या है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड वाला एक क्वेश्चन होता है, वो भी कर लेना, एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन है, तो दोनों तुम कर लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि व्हाट विल हैपन इफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बन हीटेड। मैंने तुम्हें क्या बोला था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन हीट करता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाती है, H2O निकलता है, CO2 निकलती है, वही वाला एनएको वही रिएक्शन पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वो तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, यही वाला तुम्हें पूछ रहा है, ये तुम कर लेना, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स मेटल, हाइड्रोजन गैस निकलती है, यही तुम्हारा कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मेटल ए रिएक्ट्स बी वाला, वही वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा एसिड वाला क्वेश्चन है, एसिड ए और बी रिएक्ट करता है क्या पीएच बनता है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सारे तुम्हें करने पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर वाला, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा आ गया
ये तुम्हारा क्या आ गया, मेटल नॉन मेटल आ गया, तो इतना अगर तुम करोगे बिल्कुल एक्सपीरियंस साइड में बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे और चलते नेक्स्ट चैप्टर, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, इतना कर लोगे भाई महारत हासिल हो जाएगी, तुम्हें महारत, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे तुम आगे हो जाओगे, इस बात की गारंटी। ठीक है, हम चलते नेक्स्ट चैप्टर पे। अब मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यार मैं तुम सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बनाने मेरे मुझे और मेरी पूरी टीम को 10 दिनों का हार्डवर्क लगे, 10 दिनों का टाइम लग गया, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा यार तुम इस वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि भाई हमने 10 दिन इसलिए इतनी मेहनत करी है कि तुम्हारे प्री बोर्ड में पूरे के पूरे नंबर आ जाए, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 साइंस में आ रहे हो, इसलिए हमने इतनी मेहनत करी, और तुम इस वीडियो को देखोगे ना पूरे के पूरे नंबर आ भी जाएंगे। पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा यार कि तुम इस वीडियो को लाइक कर लो, अगर तुम लाइक कर लोगे तो मेरी ऊपर वाले से दुआ रहेगी, मेरी ऊपर वाले से दुआ रहेगी, तुम जो भी बच्चा इस वीडियो को लाइक करेगा उसके बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, इस बात की गारंटी है। तो इस वीडियो को जल्दी से तुम एक लाइक कर लो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लो, हम लोग चलते चैप्टर में आगे। अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, जो तुम्हारा मेटल नॉन मेटल, भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 नंबर का आता है। ठीक है, 7 नंबर का 9 नंबर भी आता है, अभी मैंने 5 नंबर इसलिए लिख रहा है सैंपल पेपर 5 नंबर का दिया, हो सकता है इस बार 5 नंबर का है, इसका वेटेज अच्छा रहता है, प्री बोर्ड में बहुत ज्यादा नंबर का आता है, प्री बोर्ड वाले तो सबसे ज्यादा इसी को देखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लियर वाली बात है, बहुत ज्यादा नंबर का आता है, बोर्ड एग्जाम में भी 6 से 7 नंबर का करीब तुम्हारे रहेगा, अभी के लिए मैंने 5 नंबर इसलिए लिखा क्योंकि इसका जो सैंपल पेपर है 5 नंबर का दिया हुआ, बोर्ड में 5 नंबर का है, हो सकता है 7 नंबर का भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका वेटेज रहता है करीब 7 नंबर के आसपास। ठीक है, क्लियर वाली बात है। अब इस चैप्टर में तुम्हारा क्या क्या आएगा, मेटल नॉन मेटल पहले मैं क्लियर कर दूं, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकते तुम्हारे इसमें, 3 मार्क का 2 MCQ से आ सकता है, क्लियर वाली बात है। इसमें तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, भाई साहब छप गया ये जो डायग्राम है ना भाई, 100% कंफर्म है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर का आना ही आना, कोई इसको रोक नहीं सकता, ये जो डायग्राम है तुम अच्छे से देख लो भाई, बोर्ड में तुम्हें 3 नंबर ये डायग्राम दिलवाएगा ही दिलवाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, आना ही आना है, तो अगर तुमने ये डायग्राम कर लिया 3 नंबर तुम्हारे बोर्ड के पेपर में कंफर्म हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता, पिछले 4 से 5 सालों से लगातार ही आ रहा है, हर बार बोर्ड में आया था, कोई ऐसा साल नहीं जिस साल बोर्ड में नहीं आता भाई, ये बोर्ड में आ रही है, पिछले साल भी मैंने बोला था ये डायग्राम आ गया था, तो ये डायग्राम तुम अच्छे से कर लेना भाई, बोर्ड में तुम्हारे 3 नंबर कंफर्म करा देगा, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इसमें क्या, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इसमें क्या करते हैं, देखो पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करने भी आता है, इसमें क्या करते हैं, एक एनोड ले लेते हैं, एनोड मेटल लेते हैं जो इंप्योर मेटल होता है। ठीक है, एनोड मतलब जिसको पॉजिटिव देते हैं उसको एनोड बोलते हैं, जिसको नेगेटिव देते हैं उसको कैथोड बोलते हैं। अब क्या है कि एक 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 पतली स्ट्रिप लेते हैं कॉपर मेटल की जो इंप्योर रहती है, मतलब जो प्योर रहती है, तो प्योर कॉपर की पतली स्ट्रिप लेते हैं जिसको कैथोड बोलते हैं, और एक मोटी सी स्ट्रिप लेते हैं, ये पूरा मोटी स्ट्रिप होती है जिसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, जो इंप्योर मेटल होता है, क्लियर वाली बात है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता है कि इसमें से जो ये तो पतला कॉपर है, इसमें जो इंप्योर मेटल में जो कॉपर है वो निकल निकल के तुम्हारा क्या होता है, वो प्योर मेटल में जाकर चिपकते जाता है, और जितनी इसमें गंदगी है वो नीचे बैठती जाती है, इसको इंप्योर मड बोला जाता है, एनोड मड जिसको बोला जाता है, यही वाला तुम्हारा एनोड मड इंप्योर मड है, ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको तुम्हें लिखना है, ये डायग्राम तुम्हें याद होना चाहिए, ये डायग्राम ना भाई कन्फर्म है, ये डायग्राम तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर दिलवा देगा, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, आना ही आना, अगर तुम ये डायग्राम को कर लेते हो 3 नंबर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, थर्माइट प्रोसेस, इससे थर्माइट प्रोसेस भी आता है, थर्माइट प्रोसेस 3 नंबर का इससे आता है, ये तुम्हारा क्या होता है कि जब क्या बोलता है तुम्हारा, जब फेरिक ऑक्साइड को क्या कर जाता है, एल्युमिनियम से रिएक्ट कराया जाता है, तो फेरस अलग हो जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और हीट निकलती है। अब जो एल्युमिनियम ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, तो ये रिएक्शन तुम्हें याद रखना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के रिएक्शन में काम आएगा, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, इससे हीट निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, रेलवे ट्रैक्स को जब ज्वाइन करते हैं उसको थर्माइट प्रोसेस बोलता है, 2 रेलवे ट्रैक देखा कितने मोटे मोटे होते हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है इसको। ठीक है, उसको ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये देखो ज्वाइन कर रहा है बंदा रेलवे ट्रैक को, देखो किस तरीके ज्वाइन कर रहा है। अब हम लोग क्या, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है भैया, कोबिटेशन और ओर होता है, जैसे कि ओर मतलब क्या होता है, इतना बड़ा पत्थर रहता है, इतना बड़ा पत्थर को ओर बोलते हैं। अब इस पत्थर में, पत्थर से मेटल निकालना रहता है, अब यही पत्थर है, ये पत्थर नहीं रहा है, अब इस पत्थर से उसमें कुछ मेटल के कण भी होते हैं, तुम्हें पता होगा कुछ एरिया में जब जहां मेटल निकलते हैं, मेटल पत्थर से ही निकलता है, तो पत्थर से मेटल कैसे, उसमें मिट्टी भी है और भी चीजें हैं उसमें, तो मेटल कैसे निकाले, तो उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है तुम्हारा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का। रोस्टिंग कब किया जाता है, रोस्टिंग कब बोलते हैं, जब किसी भी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में निकाला जाता है मेटल से, जब ओर से मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में निकाला जाता है तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में निकाला, सिर्फ हीट करके निकाला जाता है, तब उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। रोस्टिंग का मतलब क्या, कि जिंक को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट कर देते हैं, डेल्टा दे देते हैं, हीट कर देते हैं, तब उसमें जिंक ऑक्साइड अलग हो जाता है और सल्फर ऑक्साइड अलग हो जाता है। ठीक है, अब सल्फर ऑक्साइड अलग हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है हमें जिंक चाहिए, अब जिंक ऑक्साइड जो रहता है, अब हमें तो चाहिए जिंक, मेटल चाहिए हमें पूरा, तो इसको क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड को, फिर जिंक ऑक्साइड को हीट किया जाता है विद कार्बन से, तब हमें जिंक वाला प्योर मेटल मिलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा तुम्हारा, कैल्सिनेशन में भाई जिंक कार्बोनेट। अब जब तुम्हारा कार्बोनेट और होता है, एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी तुम्हारा सल्फाइड ओर रहेगा तो वो तुम्हारा रोस्टिंग से निकलेगा, और जब कार्बोनेट CO3 वाला ओर निकलेगा तो कैल्सिनेशन से निकलता है, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में निकलता है, क्लियर वाली बात है। तो अब तुम्हारा कार्बोनेट ओर है, जिंक कार्बोनेट ओर, इसको हीट दिया तो जिंक ऑक्साइड निकला और उससे CO2 निकला, जिंक ऑक्साइड को फिर से हमने कार्बन के साथ किया तो यहाँ प्योर जिंक हमें निकले। जब भी कार्बोनेट ओर रहेगा तो हमारा कैल्सिनेशन होगा, और जब तुम्हारा सल्फाइड ओर रहेगा तब रोस्टिंग होगा, क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, पेपर में आएगा, इस तरह से छपा हुआ है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे तुम्हारा क्या कोरोजन एंड प्रिवेंशन, कोरोजन मतलब जंग लगना, कोरोजन को कैसे बता सकते हैं, पेंटिंग कर देते हैं जंग नहीं लगता, ग्रीजिंग कर देते हैं ग्रीज लगा देंगे तब भी जंग नहीं लगेगा, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है क्रोम की, इसमें इसके क्या होता है जिंक की प्लेटिंग होती है, जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, क्रोम प्लेटिंग कर देते हैं, क्रोमिंग क्रोम की प्लेटिंग कर देते हैं तो वो भी हो जाता है, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक होता है इससे हीट निकलती है, ऐसा माना जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन से हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, ये तुम्हें इंपॉर्टेंट है। उसको तुम्हारा एम्फोटेरिकोसाइड छप गया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एम्फोटेरिकोसाइड छप गया भाई पेपर में, एम्फोटेरिकोसाइड वो ऑक्साइड होते हैं जो कि तुम्हारा क्या है, एम्फोटेरिकोसाइड इज ए मेटल ऑक्साइड दैट कंपाउंड दैट कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड एन बेस, ठीक है, इन्हें केमिकल रिएक्शन मतलब कि वो एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर जाते हैं, और एसिड और बेस की तरह एक्ट भी कर सकते हैं, तो दोनों से रिएक्ट करते हैं, इसको एम्फोटेरिकोसाइड जैसे ये वाला एग्जांपल थर्माइट प्रोसेस वाला रिएक्शन, वही वाला तुम्हारा रिएक्शन दिया हुआ है कि Fe2O3 और Al दिया हुआ है Fe2O3 निकालता, तो ये इसके साथ हीट भी निकलती है, वही तुम्हारा थर्माइट प्रोसेस रिएक्शन, इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है तुम्हारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है तुम्हारा, क्लियर वाली बात है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब तुम हम लोग आ गए थे एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल, अब ये देखो पेपर में तुम्हारा छपा हो कि ये एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल इन लोअर रिएक्टिविटी, ये तुम्हारे ये रिएक्शन पेपर में छपा हुआ है, अब ये रिएक्शन क्या है कि तुम्हारा कॉपर कॉपर का सल्फाइड हो रहा है और यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड हो रहा है, ये इससे कैसे निकालते हैं, ये तुम्हारा इसमें यहाँ पर क्या कर दिया रोस्टिंग कर दिया, यहाँ पर ऊपर में नीचे वाला कैल्सिनेशन कर दिया, इसी तरह तुम्हारा क्या है मलकरी HG दी हुई, मलकरी का भी यहाँ पर क्या कर दिया रोस्टिंग कर दिया ऊपर में और नीचे कैल्सिनेशन कर दिया, इस तरीके से निकाल लिया, तो ये दोनों रिएक्शन तुम्हें याद रहना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये रिएक्शन, डायरेक्ट सैंपल पेपर में ये दोनों रिएक्शन तीन नंबर के छपे हुए, ये रिएक्शन तीन नंबर के सैंपल पेपर में छपा, तो ये रिएक्शन तुम अच्छे से याद कर लेना भाई, 100% गारंटी ये रिएक्शन तीन नंबर का डायरेक्ट बोर्ड के पेपर में आने वाला है, तो ये रिएक्शन तुम अच्छे से देख लेना भाई, तीन नंबर का गारंटी तुम्हारे इस बार बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है, कोई एकदम गारंटी के साथ, ये सैंपल पेपर में आया हुआ तो बोर्ड में भी आ सकता है ये तीन नंबर का, समझे बात को, तो ये दोनों रिएक्शन। उसका तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज याद कैसे करते हैं भैया, रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का ट्रिक होता है, जैसे तुम्हारे ऊपर से नीचे आ रहे एलिमेंट रिएक्टिव लेस होते हैं, रिएक्टिव लेस मतलब क्या कि ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब क्या कि अगर सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन होगा तो पोटेशियम जो सोडियम को हटा के खुद रिएक्ट कर जाएगा, समझ रहे बात को, तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है। इसको याद कैसे करेंगे, तो याद ऐसे करेंगे, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, कैसे कैटरीना एन से ने सी से कार, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी पीबी फिर भी हाय क्यू मिली HG मतलब मिली मरकरी को मिली बोल रहे हैं, हाय क्यू मिली सिल्वर मतलब HG मतलब कि फिली हाय सिल्वर ऑडी सिल्वर को HG को सिल्वर बोला AU को ऑडी को बोला, तो इस तरीके से कैटरीना ने कार मानी ऑल्टोजेन फरारी हाय फिर भी क्यू मिली सिल्वर ऑडी, इस तरीके से तुम याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट तरीका ट्रिक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि उसके बाद तुम्हारा क्या, देखो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब छप गया, ये जो क्वेश्चन है भाई 100% कंफर्म है तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आने वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, वही वाला है तुम्हारा कि इन एक्टिविटी असु वाज गिवन टू सब्सटेंसेस कॉपर सल्फाइड और दिया गया, एक सल्फाइड और गया वो दिया गया और कॉपर ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड एक ऑक्साइड और दिया गया टू ऑब्टेन फ्रॉम कंपाउंड्स, अब यहां ऑक्साइड और दे दिया, यहां पर क्या कर दिया ऑक्साइड, यहां पर कार्बोनेट और की जगह Cu2O ऑक्साइड और दे दिया गया, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पर कि ऑब्टेन फ्रॉम कंपाउंड सी वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट कॉपर सक्सेसफुली इलस्ट्रेट, अब वही रिएक्शन पूछ रहा है, तो सल्फाइड और तुम्हें पता है रोस्टिंग लगती है, यहाँ रोस्टिंग कर दिया तो वही वाला रिएक्शन बता दिया, अब कार्बोनेट और में भी वही सिंपल क्या कहता है कि कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करा दिया इसको, अब इसके साथ हीट दे दी है सल्फाइड को, ऑक्साइड को सल्फाइड से रिएक्ट करा दिया गया और यहाँ हीट दे दी गई, तो ये वाला आंसर निकले, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन तो देना बुक में ये एनसाइड वाला रिएक्शन दिया हुआ, क्लियर वाले तो ये तुम्हारा सैंपल छपा हुआ है, ठीक है, तुम देख लेना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड ऑर्मर, ये तुम्हारा आया था कि कंडक्टर होता है मेटल, डक्टाइल होता है, लेक्चर होता है मेटल में, चमक होता है, डेंसिटी अच्छी होती है मेटल की, मेरेबिलिटी होती है, ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। उसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड इससे एमसीक्यू बन जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो तुम्हारा क्या है कि Na है NaCl को कैसे, अब Na का पता तुम्हारा एटॉमिक नंबर 11 है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है 17 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो अभी ये इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इस तरीके का इसका बनता है, ये वाला तुम्हें याद रखना, ये वाला चीज है। इसी तरह से मैग्नीशियम, इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड में भी याद रखना, ये दोनों याद रखना एनसीईआरटी में दिए हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या एल्युमिनियम अनिरुद्ध भाई साहब, ये जो क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है भाई 100% कंफर्म है कि तुम्हारे बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन तीन नंबर का डायरेक्ट आने वाला है, कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि सैंपल पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है ये, तो प्री बोर्ड के पेपर में आने ही आना भाई, कोई रोक नहीं सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में क्या है तीन नंबर का दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनिरुद्ध टू मेटल ऑक्साइड, दो मेटल ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया हुआ है, सोनी ने गिवन पिक्चर, ठीक है, बट फॉरगेट टू लेबल देम, अब दोनों व्हाइट कलर के होते हैं, इसको लेबल नहीं किया, भूल गया कौन सा है, ठीक है, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, हाउ विल यू गाइड देम टू अनिरुद्ध हेल्प, अब तुम्हें पता है कि एल्युमिनियम जो ऑक्साइड रहता है वो एम्फोटेरिक रहता है, एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर जाएगा, पर मेटल वाला एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, पकड़ा जाएगा, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है एनएकोस सॉल्यूशन मैग्नीशियम ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस,
रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इनसॉल्युबल इन वाटर भी होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर भी होता है, दूसरा तरीका एम्फोटेरिक ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर भी होता है, तो इनसॉल्युबल इन वाटर इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस ब्लू और रेड, ये चेंज ही नहीं करेगा कलर को, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और तुम्हें पता है वो एम्फोटेरिक एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर जाता है, ये दो कैरेक्टर तुम लिख सकते हो, एक कैरेक्टर मैंने बता दिया यहाँ पर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर वाले इसको क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, सीबीएसई का आंसर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तुम कर लोगे पेपर में डायरेक्ट आएगा, तुम्हें लिख के आया ना पूरे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा दो कॉलम दिया, अब मैच द पॉइंट, ये भी अब ये भी एमसीक्यू भाई कंफर्म है, ये एमसीक्यू तुम्हारे साइंस के पेपर में डायरेक्ट आने वाला है, इस बात की गारंटी है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, ये एमसीक्यू तुम अच्छे से देख लो, तुम्हारे साइंस के पेपर में ये एमसीक्यू डायरेक्ट आने वाला है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि मैचिंग वाला एमसीक्यू इस बार भी पेपर में आएगा लेटेस्ट पैटर्न का। अब इसमें तुम्हारा क्या कि कुछ दिया हुआ है कि मेटल फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या किसको फॉर्म करता है, तुम्हें पता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या फॉर्म करते हैं, यहां तुम्हारा क्या है टिन, टिन फॉर्म करते हैं, एल्युमिनियम, जिंक, पीबी लीड और तुम्हारा बेरिलियम, ये पांच चीजें एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करती है। ठीक है, अब चैप्टर में सिर्फ एल्युमिनियम दिया हुआ है तो यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ एल्युमिनियम मतलब वन का थ्री में मिल जाएगा। ठीक है, अब तुमने देख लिया वन का थ्री किस में, किस में, तो या तो बी हो सकता है या सब नहीं मिलाना, पहला देख लिया वन का थ्री किस में, तो यहाँ बी में हो सकता है या डी हो सकता है, अब ये दोनों कट गया, वन का थ्री नहीं है दोनों में। अब दूसरा देखो, ए मेटल विच कैन मेल्ट कैप्ट ऑन पेलम, अब पेलम में रखने से कौन सा मेटल मेल्ट हो जाता है, तो तुम्हें पता है गैलियम और सीजियम होता है, तो जीए याद दिया हुआ, तो तुम्हारा टू का वन ऑप्शन होगा, तो टू का ऑप्शन वन होगा, तो टू का ऑप्शन वन किसमें, इसमें है, तो ये वाला, तो मतलब बी आंसर सही हो जाएगा, ये वाला, तो दो ही मिला आंसर होगा, पूरा मैचिंग भी नहीं करना पड़ा, पूरा मैचिंग करना भी नहीं पड़ा, दो ही मिला आंसर सही कर दिया तुमने। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट एक्स वाई जेड, अब तुम्हें ये वाला तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आएगा, तुम्हें मेटल याद रखना पड़ेगा, एक्स का क्या दिया हुआ है कि 287, 287 मतलब हमें समझ पता चलता है कि क्लोरीन है, एक्स क्लोरीन है पता चल गया, वाई क्या दिया हुआ 282 मतलब मैग्नीशियम 12 है तो मैग्नीशियम है, और जेड क्या दिया हुआ 28 मतलब नियॉन है। ठीक है, अब बोल रहा है कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, तो यहाँ पर पूछ मानने बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन को, अब एक्स इज ए नॉन मेटल, अब एक्स नॉन, एक्स नियॉन है नॉन मेटल है और वाई इज ए मेटल, तो ये सही बात है, तो ये वाला ही वाला एक सही है, बाकी तीनों गलत है, ये एक्स मेटल वाई मेटल बाकी सही है, ठीक है ये गलत है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, सैंपल और छपा हुआ, तो ये भी एमसीक्यू सैंपल और छपा हुआ, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे आते आगे तुम्हारा फिर वही वाला, वही तुम्हें टिक मारने के लिए दोनों को रिएक्ट किया, वही तुम्हें जो तुम्हें रिएक्शन बता रहा है, जो बुक में बता रहा है किस तरीके से बनता है, एलिमेंट विच फॉर्म एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, अब बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, जनरली सोडियम बनाता है, जनरली सोडियम बेसिक ऑक्साइड, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 रहता है, तो वही बनाता है सोडियम, एन ए सोडियम बनाता है जनरली। ठीक है, तो तुम देख लेना। आगे तुम्हारा क्या कि कुछ एमसीक्यू है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एमसीक्यू जो पेपर में डायरेक्ट आते हैं, तुम देख लेना अच्छे से इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद तुम्हारा क्या कि कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, इसको तुम कर लेना, बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे एनसीईआरटी क्वेश्चन, गिवन एग्जांपल ऑफ अ लिक्विड मेटल लिक्विड जो रूम टेंपरेचर, गैलियम तुम्हारा हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा, तो भाई तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है, तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम कर लेना, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या कि व्हाट इज वाटर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, फिर से एनसीईआरटी क्वेश्चन, गिव एग्जांपल भाई वाला एग्जांपल थर्मिट प्रोसेस वाला। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है, ये दिया हुआ नेम टू मेटल विच आर डिस्प्ले हाइड्रोजन टू डाइल्यूट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हारा गिव रीजन प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये नोबल कैरेक्टर में पाया जाता है, नोबल है ये, स्टेबल है, ये रिएक्ट नहीं करते आजू बाजू के मेटल से। ठीक है, इसलिए इसको पाया जाता है, बहुत दिन तक चलता है। उसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंदर ऑयल, स्टोर्ड अंडर ऑयल इसलिए करते हैं सोडियम, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, एयर से भी रिएक्ट कर जाता है, आग लग जाती है सोडियम में, इसलिए इसको करते हैं। ठीक है, तो इतना अगर तुम कर लोगे इस चैप्टर में बिल्कुल किंग बन जाओगे, इससे बाहर तुम्हारा नहीं आएगा। अब तुम्हारा कार्बन कंपाउंड होगा, इतना तुम करोगे मेटल नॉन मेटल बिल्कुल तुम किंग बनो, इससे बाहर पेपर आ नहीं सकता, इस बात की गारंटी। इतना तुम कर लोगे हमारे क्लास का टॉपर पीछे तुम आ गए, बिल्कुल तुम्हें महारत हासिल हो चुकी है कार्बन कंपाउंड में, ये तुम्हारा मेटल नॉन मेटल महारत हासिल होगा, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर भाई, मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस से बाहर पेपर नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 पे, जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड, ये थोड़ा हार्ड लेवल का चैप्टर, थोड़ा हार्ड रहेगा ये चैप्टर, पर 10-10 नंबर का ही चैप्टर आता है। क्लियर वाली बात है, केमिस्ट्री का सबसे हार्ड चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन 10 नंबर का आता है, लेकिन अब तुम्हें हार्ड नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हें प्रेम भैया पढ़ाने वाले। क्लियर वाली बात है, ये बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आया था, प्री बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आया, इसमें तुम्हारा क्या क्या आता है पहले क्लियर कर दूं। कार्बन कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 जो तुम्हारा, इसमें 10 नंबर का पेपर आता है, 5 मार्कर एक 4 मार्कर एक एमसीक्यू, इससे 5 मार्कर 4 मार्कर वाले बड़े-बड़े क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर वाली बात, इसमें तुम्हारा क्या आता है, इसमें तुम्हारे दो रिएक्शन आते हैं, पहला तुम्हारा एस्टरीफिकेशन रिएक्शन पहला, और दूसरा तुम्हारा सपोनिफिकेशन, ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों रिएक्शन, ये भाई ये दोनों रिएक्शन तुम्हारे आने वाले हैं तुम्हारे पेपर में, प्री बोर्ड में ये रिएक्शन तुम्हारा छपने वाला है 5 नंबर का, इस बात की गारंटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन तुम्हारे पेपर में छपने वाले, बोर्ड में भी आने वाले, अगर बोर्ड में भी कुछ आता है कार्बन कंपाउंड से तो ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन तो नहीं आता। क्लियर वाली बात है, क्या आएगा भैया, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हारा क्या होता है कि सबसे पहले तो तुम्हारा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो तुम्हारा इथेनोइक एसिड लिया जाता है, सबसे पहले इसमें इथेनोइक एसिड लिया जाता है, इथेनोइक एसिड को क्या कहता है, इथेनॉल, इथेनॉल से रिएक्ट कराया जाता है, यहाँ इथेनोइक एसिड है और ये इथेनॉल से रिएक्ट कराया जाता है एसिड के प्रेजेंस में, ये रिएक्शन याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा क्या बनता है,
तुम्हारा क्या बनता है, इथाइल इथेनॉइड बनता है जो, तो और प्लस H2O बनता है, इथाइल इथेनॉइड मेन खिलाड़ी है। इथाइल इथेनॉइड जो ये वाला ईस्टर, ये मेन खिलाड़ी है, ये तुम्हारा ईस्टर बोला था स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ये मीठा कंपाउंड स्वीट स्मेल करता है, मतलब परफ्यूम वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है, क्लियर वाली बात है। तो ये इथाइल इथेनॉइड पूरे चैप्टर में तुम्हारा मेन खिलाड़ी है, इथाइल इथेनॉइड CH3COCH5, यही वाला है CH3COCH5, तुम पूरे चैप्टर में देखोगे कि मेन खिलाड़ी यही वाला है, ठीक है। तो ये तुम जानोगे क्या यही वाला, ये तुम्हारा रिएक्शन बनता है, ये इसका ईस्टर फॉर्म होता है, इसको ईस्टर बोलते हैं, यही वाला ईस्टर यहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर तुम्हारा सपोनिफिकेशन रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, छप गया मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन की सोप, सोप से क्लेंजिंग एक्शन कैसे होती है, इसमें तुम्हारा क्या होता है, इसी ईस्टर को उठाया जाता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड को, तुमने देखा होगा सोप वगैरह भी सेंट मारते हैं, इसी ईस्टर को उठाया, इसको NaOH से रिएक्ट करा दिया, ठीक है, ऐड कर दिया, NaOH से रिएक्ट करा दिया, NaOH से रिएक्ट कराने के बाद इससे क्या फॉर्म होता है, इथेनॉल फॉर्म होता है C2H5OH, और तुम्हारा क्या था CH3COONa सोडियम इथेनॉएट फॉर्म होता है, सोडियम इथेनॉएट फॉर्म होता है, ठीक है, इथेनॉएट सोडियम इथेनॉएट फॉर्म होता है, ये सोडियम इथेनॉएट है, और यही वाला तुम्हारा सोप होता है, ये तुम्हारा क्या बोलता है स्कम होता है, ये जो तुम्हारा होता है क्या बोलता है जो फेन वगैरह निकलता है, ठीक है, वो जो तुम्हारा झाग निकलता है साबुन से, यही होता है सोडियम इथेनॉएट, ठीक है, यही तुम्हारा निकलता है, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा क्या ऑक्सीडेशन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन, ये मोस्ट छप गया, इसमें तुम्हारा क्या होता है एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, इसमें तुम्हारा क्या होता है कि एक तुम्हारा एल्कोहल लिया था इथेनॉल ले लिया, इसको एल्कलाइन इथेनॉल को लेके एल्कलाइन KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 और तुम्हारा एसिडिफाइड K2CrO7 के प्रेजेंस में, और हीट भी दिया था साथ में, डेल्टा हीट भी दिया था, या तो एल्कलाइन KMnO4 ले लिया या तो एल्कलाइन एसिडिफाइड K2CrO7 ले लिया, दोनों तुम्हें याद रखने, पेपर में आ जाएगा यही करके, अब बोलेगा यहां क्या बन रहा है, ठीक है। तो यहां तुम्हें क्या बन रहा है CH3COOH, फिर तुम्हारा कार्बोक्सिल एसिड बनता है, इथेनॉइक एसिड बन जाता है, क्लियर वाली बात है, इथेनॉइक एसिड बन गया, ये तुम्हारा मोर रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट याद रखना, क्लियर वाली, तीनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लो कॉपी में लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या है कि रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के रिएक्शन क्या क्या होता है, ये तुम्हारा एक रिएक्शन होता है कि Na को CS इथेनॉल से रिएक्ट कराया जाता है, तुम्हारा क्या होता है सोडियम एथॉक्साइड बनता है प्लस H2 बनता है। उसके बाद तुम्हारा ई रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में जो रिएक्ट कराया जाता है, ये रिएक्शन टू गिव अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब तुम्हारा ये सेचुरेटेड इथेनॉल है, अब इसको रिएक्ट कराया जाता है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में, तो यहाँ तुम्हारा क्या बनता है कि अब यहाँ डबल बॉन्ड है, देखो CH2 CH2 को बनता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब भी डबल बॉन्ड कहीं लग जाए तो अनसेचुरेटेड हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में रहता है वो सेचुरेटेड रहता है, ठीक है, अब वहाँ प्लस H2 बनता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, तुम याद रखना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट। उसके बाद एडिशन रिएक्शन, ये कम आता है कि ये तुम्हारा इसको निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है, तो तुम्हारा ये बन जाता है। अब तुम्हारा क्या है डबल बॉन्ड, अब एडिशन रिएक्शन में तुम्हारा क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड, मतलब कि अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में आ जाता है, क्लियर वाली बात है। अब यहाँ निकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है पूछा जाता है, व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है कि रिएक्शन को स्लो डाउन या स्पीड अप करता है, कैटलिस्ट कोई भी चीज होता है जो रिएक्शन 10 मिनट में होने वाली है उसको 2 मिनट में कर देता है, या फिर कोई रिएक्शन को स्लो डाउन भी कर देता है जो 2 मिनट में होने वाली उसको 20 मिनट कर देता है, तो वो उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, यहाँ पर निकल डाला हुआ, ठीक है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए ये रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको क्लोरीनेशन और मीथेन भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पेपर सैंपल में और छपा हुआ रिएक्शन, इसमें तुम्हारा क्या है कि मीथेन को लिया, उसके बाद क्लोरीन को लिया, और मीथेन क्लोरीन को लिया के मिथाइल क्लोराइड बन गया, प्लस HCl बन गया, ये सनलाइट के प्रेजेंट में होता है रिएक्शन, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर ये सैंपल में और छपा हुआ है, ये क्वेश्चन तुम अच्छे से देख लो भाई, 5 नंबर का तुम्हारे प्री बोर्ड में डायरेक्ट आने वाला है, इस बात की गारंटी है, ये क्वेश्चन तुम अच्छे से देख लो भाई, कार्बन कंपाउंड से 5 नंबर का ये क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड में डायरेक्ट छपने वाला है, इस बात की गारंटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा क्या है, ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, कृति कृति कोई लड़की है, और वो कृति थिंक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक कृषि है वो सोचती है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा ही है, तो मैंने देखा कि मीथेन में सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो ये तो क्या सैचुरेटेड है, ये तो हमारा सैचुरेटेड था, इसमें सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड ही रहता है ना भाई मीथेन में, यहाँ एच यहाँ एच यहाँ एच यहाँ और एच यहाँ सिंगल बॉन्ड आता है, ये तुम्हारा मीथेन है, अब यहाँ पर क्या है, मतलब क्या कृति सही सोच रही है, कृति थिंक्स करेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इन हाइड्रोकार्बन, अब तुम्हारा क्या है इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा पूछ रहा है कि मीथेन एंड प्रोपेन आइसोमर्स यूज फॉर एस फ्यूल्स, कमेंट कमेंट करने बोल रहा है, एंड ड्रॉ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ इमीडिएट लोमर होमोग्यू ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर ये वाला होता है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर ये वाला होता है, और तुम्हें बोल रहा है कि इसको फ्यूल की तरह क्यों, क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होता है, ये जल्दी फायर कैच कर लेता है, एनर्जी निकालता है, हीट एनर्जी लाइट एनर्जी निकालता है, तो यही वाला तुम्हारा आंसर दिया हुआ है। उसके बाद पूछा है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइल इज बर्न फॉर वेल्डिंग, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाई मिक्सचर ऑफ इथाइल इथिलीन एंड एयर इज नॉट यूज्ड, ठीक है। अब तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पर बोला गया था कि दो तीन चीजें ही बता दो कि एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फ्यूल,
अब फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक भी मांग रहा था वहां पे, तो कैरेक्टरिस्टिक तुम बता दोगे। और यहाँ पर मिक्सचर क्यों यूज किया था, सफिशियंट अमाउंट अंडरगोस कंप्लीट कंबशन, ये कंबशन कंप्लीट कर लेता है इसलिए ये वाला अमाउंट यूज किया था। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आंसर दे दिया, आंसर देख सकते हो, ये वाला आंसर ये सैंपल और छपाओ, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। क्लियर वाली बात है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, सोप एंड डिटर्जेंट, वही है ना, हाँ ये आंसर था यहाँ। अब उसके बाद तुम्हारा क्या, सोप एंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये छप गया भाई, ये पांच नंबर तुम्हारे कंफर्म करा देगा पेपर में, अगर कुछ आता है तो यही आता, नहीं तो नहीं आता। ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन 100% कंफर्म है कि तुम्हारे पांच नंबर का तुम्हारे बोर्ड में आने वाला है, बोर्ड में आने वाला, मैं तुम्हें कंफर्म कर रहा हूं, बोर्ड में आने वाला, ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा सपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, सोप एंड डिटर्जेंट में तुम्हारा क्या होता है, यहां पर वही ईस्टर को लिया जाता है, CH3COOH, वही मेन खिलाड़ी, उसको NaOH से रिएक्ट कराया, यहाँ पर क्या बना, इथेनॉल बना, और प्लस CH3COOH तुम्हारा क्या बोलता है, सोडियम इथानोएट, मैंने पहले भी कई बार बोला, सोडियम इथानोएट बनता है और इथेनॉल बनता है। ठीक है, ये वही चीज है, वही वाला रिएक्शन मैंने तुम्हें बताया। अब इसमें मेन क्या है, इसमें मिसेल फॉर्म होती है, मिसेल क्या होता है, एक मिसेल जो रहता है, इसका दो एंड्स होते हैं, एक तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा साबुन रहता है, इसमें दो एंड होते हैं मिसेल में, एक तो तुम्हारा हाइड्रोफिलिक एंड और एक हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड जो रहता है वो पानी से डरता है, और हाइड्रोफिलिक एंड जो रहता है वो पानी से जुड़ जाता है। अब तुम्हें पता है जो डर्ट ऑयल रहता है कपड़े में, जो चिपका हुआ डर्ट रहता है, वो तुम्हारा ऑयली रहता है, ऑयल ड्रॉपलेट रहता है, डर्ट जो रहता है ऑयल ड्रॉपलेट रहता है। ठीक है, ये पेपर में आता है। अब ये क्या करता है, जैसे साबुन को डालते हैं इसमें, जैसे साबुन वाले डालते हैं, अब साबुन क्या होता है, तुम्हारा सोप जो रहता है वो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, यही लॉन्ग चेन बनाता है। तो ये क्या करता है, ऑयल से जाके चिपक जाता है, ये जो पीला वाला ऑयल से जाके चिपक जाता है। अब ये ऑयल से जाके चिपक जाता है, कपड़े से ही गंदगी छुड़ा देता है, ये पानी चिपका रहता है, तो पानी इससे हटता है ऑयल को, लेकिन हट जाता है, तो समझ रहे बात को, इसी तरह से साफ होता है। तुम ऐसे थोड़ी लिखोगे पानी हटता है पॉइंट से लेकर निकल जाता है, नहीं, ये वाले लाइने छाप के चले आना, यही वाले लाइने एनसीईआरटी के लाइने, द एक्टिविटी डेमोंस्ट्रेट क्लेंजिंग इफेक्ट ऑफ सोप, तो सोप क्लीनिंग कैसे करता है, वही इफेक्ट लिखा हुआ है कि कौन किससे अटैच होता है, ये तुम्हारा अटैच होता है वो, लेकिन इसको निकल जाता है, ये तुम कर लोगे भाई पांच नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ये डायग्राम और ये वाला, और ये रिएक्शन याद रखना, ईस्टर से ये NaOH रिएक्ट करता है, ये वाला, ये तीन चीजें याद रखना, हो जाएगा काम खत्म भाई, पांच नंबर तुम्हारे कंफर्म, ये पांच नंबर का था। क्लियर वाली बात है, इसको तुम अच्छे से देख ले, पांच नंबर का बोर्ड के पेपर में आता। ठीक है, आगे तुम्हारा क्या है कि ए एंड बी आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वही वाला क्वेश्चन है, एंड लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड रेस्पेक्टिवली, विच वन ए एंड बी एस प्रेफर यूज फॉर क्लेंजिंग एक्सेंट और अंडरगोड हैंड पंप वाटर, तुम्हें पता ना चाहिए हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर का मतलब दो तरह के वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है और एक हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर जो हम लोग पीने में यूज करते हैं, और हार्ड वाटर क्या होता है, हैंड पंप वाला, जो चापा नल वाला पानी निकालता है, जो ग्राउंड में रहता है। तो हार्ड वाटर को सोप काम नहीं करता, उसमें सोप, उसको डिटर्जेंट चाहिए, और डिटर्जेंट में तुम्हारा क्या रहता है, वो तुम्हारा लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड रहता है। ठीक है, तो उसको हम बी यूज करेंगे, ए तुम्हारा सोप है, ये सोडियम लॉन्ग चेन एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी प्रेफर्ड फॉर क्लेंजिंग एक्शन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट रहता है, ये तुम्हारा सल्फोनिक एसिड रहता है, अंडरगो वाटर और कैल्शियम मैग्नीशियम अटैच कर लेता है, वो अलग चीज हो जाती है, ये सल्फोनिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। उसका सेकंड में तुम्हारा क्या, राइट केमिकल इक्वेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम एन ईस्टर, प्रिपरेशन सोप कैसे बनता है ईस्टर से, वही वाला पूरा मेथड तुम्हें बनाना पड़ेगा, प्रिपरेशन वाला, ये पूरा मेथड पांच नंबर में पूरा बताना पड़ेगा तुम्हें, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम देख लेना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन तुम अच्छे से देख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन तुमने देख लिया। उसके बाद तुम्हारा क्या, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या, कि राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम ईस्टर, ईस्टर से। अब यहां पर तुम्हें जो ईस्टर दिया हुआ था बुक में, वो दिया था तुम्हारा इथाइल इथेनोएट दिया था, यहां तुम्हें दे दिया मिथाइल इथेनोएट, इससे भी बन जाता है ये, तुम्हें देखो कितना घुमाने के लिए दिया मिथाइल इथेनोएट, CH3COOH दे दिया। अब बुक में क्या, CH3COOH2H5, ये तुम्हारा इथाइल इथेनोएट, ये मिथाइल इथेनोएट, इससे ही बना लेंगे इसको, NaOH से रिएक्ट करा दिया। अब यहां क्या बना, यहां तुम्हारा क्या बन गया, सोडियम इथेनोएट बन गया, यही वाला जो तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या बोलता है, जो तुम्हारा क्या है सपोनिफिकेशन वाला था, और तुम्हारा क्या CH3OH बच गया, तो यही वाला तुम्हारा रिएक्शन हो गया बस। तुम्हारा ये तो इथाइल इथेनोएट से भी होता है, मिथाइल इथेनोएट से भी, तो ये रिएक्शन चेंज हो गया तुम्हारा। क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तुम अच्छे से कर लेना, ये जो क्वेश्चन सैंपल है और छपा भाई, ये जो क्वेश्चन है कन्फर्म है कि तुम्हारे पांच नंबर का तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट आने वाला, नहीं आया तब तुम बोलना, तुम याद करोगे पेपर में आके भैया बता रहे थे पेपर में डायरेक्ट आ गया। क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा डायरेक्ट आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, कंबशन रिएक्शन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लेना, C+O2 = CO2, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब किसी में सिंगल बॉन्ड रहता है वो सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड रहता है अनसैचुरेटेड। क्लियर वाले, ये तुम देख लोगे, ये डिफरेंस मैंने दे रखा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, वर्सलाइन नेचर ऑफ कार्बन, तो पहला तो तुम्हारा टेट्रा कोवेलेंसी होती है, वैलेंसी चार होती है उसकी, फिर कैटिनेशन पूछ लेते क्वेश्चन पेपर में, व्हाट इज कैटिनेशन, तो कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, लॉन्ग नंबर ऑफ चेन्स, तो उसको बोलते हैं कैटिनेशन, बोलते हैं प्रॉपर्टी, लॉन्ग चेन जो ऐसे करके चेन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद का आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, यूजेस ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉक्साइड, किसमें यूज किया था, परफ्यूम बनाने में,
उसके बाद तुम्हारा एल्कोहल वगैरह बनाने में, उसके बाद मेडिसिन बनाने में यूज किया था, भाई तुम लिख रहे हो। उसके बाद तुम्हारा आईयूपीएसी नॉर्मल क्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब तुम्हारा क्या है इसमें, हेलोजन से, एल्कोहल है, कीटोन से, एल्डिहाइड से और अल्केन से और एल्कीन से। अब ये तुम्हारा बच्चा सर फोड़ रहा है भैया, क्या बोलता है आईयूपीएसी याद करने आए भाई, 80 नंबर के पेपर में ना अभी तक मैंने नहीं देखा एक नंबर से ज्यादा का ये आया है। तो भाई 79 मार्क्स पकड़े होगे तुम, कि एक नंबर पकड़ोगे इसमें। तुम्हें जरा दिमाग नहीं लगाना, मैं नहीं बोल रहा मत करो, करो दिमाग नहीं लगाना, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना भाई, करो ये कुछ कर लेना, 3-4 एनसीईआरटी वाले प्रैक्टिस कर लेना, किसी नाम लिखना, नाम लिखने के से तुम्हें आ जाना चाहिए फंक्शन को। आईपीएससी में बच्चे बहुत दिमाग लगाता है, मैं देखता हूं 10-10 दिन 15-15 दिन दे देते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला रहता, एक नंबर का पेपर में आता है, मुश्किल से भी आता है, कभी आता है कभी नहीं, इस वाला सैंपल अगर नहीं तो चांसेस कम है इस बार आने का, तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना आईपीएससी में, तुम्हें क्लियर करो ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, अब यहाँ पर एक एमसीक्यू आया हुआ था पेपर में, ये कौन सा सोल्यूशन है, अब ये बल्ब नहीं जल रहा, बल्ब डज नॉट ग्लो, तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा तुम्हारा। तो तुम्हारा जब भी कोई चीज एथेनॉल जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्यूल है, फ्यूल है, तो यहाँ पर इथेनॉल होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ बल्ब तभी जलेगा जब ये कंडक्शन करे, इसमें सॉल्ट हो या कुछ और हो वाटर में। अब यहाँ एथेनॉल रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, अगर H2SO4 रहेगा जल जाएगा, वाटर रहेगा जल जाएगा, HNO3 रहेगा तभी जलेगा, एथेनॉल रहेगा तो नहीं जलेगा। क्लियर वाली बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा यही वाला, अब वही वाला क्वेश्चन जो हमने वहां पर देखा था, अब यहां पर हमने छोड़ दिया था। अब यहां पर क्या था, यहां पर M पूछ रहा था, M क्या है, NA से हम जब रिएक्ट करते हैं CH3COOH को, तुम्हें याद होगा, तो तुम्हारा क्या बनता है CH3COONA, तुम्हारा क्या था सोडियम इथायोनेट बनता है, और यहाँ जेड फॉर्म होता है जो तुम्हारा क्या था जेड हाइड्रोजन गैस था, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, मैंने तो यहाँ लिख के बता दिया। उसके बाद तुम्हारा क्या कि CH3COOH इथाइल इथेनोएट को हम जब रिएक्ट करते C2H5 से, तो तुम्हें पता था कि ये वाला बन जाता है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ये वाला दिया हुआ, ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, ये वाला 4 नंबर का एस्टरीफिकेशन। अब इसी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन ईस्टर को उठा के NOS से रिएक्ट करा रहे थे हम लोग, याद है। तो यहाँ सपोनिफिकेशन रिएक्शन जो पी फॉर्म हो रहा था, पी तुम्हारा क्या था CH3COONA था, यही पी वाला फॉर्म हो रहा था, यहाँ पी फॉर्म हो रहा था, और प्लस यहाँ पर क्यू फॉर्म हो रहा था, जो तुम्हारा क्या था क्यू भी हमने निकाल रखा था कहीं पर, क्यू निकाल रखा था क्या कहीं पर, कहीं हमने C2H5OH था, यही तुम्हारा रिएक्शन था, टोटल हमारा खत्म हो गया, इससे बाहर हमारा पेपर नहीं आएगा। क्लियर वाली बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, व्हाट इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इथेनॉइक एसिड, कैसे ऑक्सीडेटिव रिएक्शन करते हैं, वो मैंने रिएक्शन दिखाया। फिर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हें एनसीईआरटी क्वेश्चन तुम अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुम कर लेना टॉपर बन जाओगे ठीक है, इसको छोड़ना मत। उसके बाद तुम्हारा क्या डिफरेंस, तुम्हारा हाउ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड डिफरेंशिएट आता है, इथेनॉल इथेनॉइक एसिड में ज्यादा आता है ठीक है। तो ये कर लो, ये कर लो, जितने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है सारे कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तुम कर लेना, इनको छोड़ना मत, एकदम तुम किंग बन जाओगे, टॉपर बन जाओगे, जो दिया वो कर लेना ठीक है। हम लोग आ गए थे, अब तुम्हारा रिप्रोडक्शन हो गया, अब इतना तुम कर लोगे बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, इससे बाहर तुम्हारा पेपर नहीं आएगा, इतना तुम कर लोगे बिल्कुल तुम टॉपर बनने जा रहे हो भाई, तुम्हें को रोक नहीं पाएगा, बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओगे, बिल्कुल तुम्हें कार्बन का पढ़ो केमिस्ट्री में तुम्हारे महारत हासिल हो गया, 25 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें केमिस्ट्री में, गारंटी है ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, अब हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर्स को लिख करना स्टार्ट करते हैं, हमने अपना पूरा केमिस्ट्री खत्म कर लिया, 25 मार्क्स हमने अपने जेब में कर लिया, अब हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर्स को लिख करते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन से, क्योंकि हम लोग पहले रिप्रोडक्शन करेंगे, ये बहुत सारा इजी चैप्टर है भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन आता तुरंत बता दूंगा, तो पहले रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर हेरिडिटी करेंगे, वो भी इजी सा चैप्टर, छोटा चैप्टर है, फिर हम लोग थोड़ा बड़े चैप्टर करेंगे लाइफ प्रोसेस और तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ठीक है। तो हम लोग रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन तुम्हारा आने वाला है, रिप्रोडक्शन जो तुम्हारा चैप्टर है, तुम्हारा फेवरेट चैप्टर है, और तुम्हारा ये आने वाला है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आने वाला, सीधा कोई एमसीक्यू वगैरह नहीं आएगा, सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, डायरेक्ट बता दूंगा कि हां भैया ये चीज आने वाली 5 नंबर के क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता यार कि तुम्हें पढ़ाने की जरूरत है रिप्रोडक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि तुम्हें रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि बच्चे इतना एक्साइटेड रहते हैं इस बारे में, टीचर को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद पढ़ के बैठे रहते हैं और उनको सब कुछ पता रहता है, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मेलिटी कर देता हूं, पढ़ा देता हूं, बता देता हूं क्या लीक है, वैसे तुम्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं, लीक है तुम्हें सब कुछ पता है, तो लीक करके क्या फायदा, सही बात है, चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है। वैसे मैं मजाक कर रहा था, डिफाइन पहला इसमें क्या आएगा, डिफाइन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बार बार पूछ लिया था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो ये तुम्हारा छपने वाला रहता पेपर में, डायरेक्ट जो आएगा वो मैं बता दूंगा 5 नंबर का अलग से तुम्हें, लेकिन अभी मैं थोड़ा फिलर दे देता हूं ठीक है। सेकंडली तुम्हारा क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन आता है, उसके बाद तुम्हारा क्या पॉलिनेशन का डेफिनेशन बार बार पूछा जाता है, प्यूबर्टी का डेफिनेशन पूछा जाता है, फिर क्या तुम्हारा एडोलसेंस पूछा जाता है कि एडोलसेंस क्या होती है, जो तुम लोग जिस एज में उसको एडोलसेंस बोलते हैं ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाय सब कुछ पता है भैया, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम तुम्हारा ये डायग्राम इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा छपता ही, देखो इसमें अगर छपेगा कुछ तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, तीसरा कुछ नहीं छपेगा, और एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ये तीन चीज में कोई चीज आएगी नहीं तो पेपर नहीं आएगा इससे, मतलब आएगा तो 5 नंबर का पेपर आता है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये डायग्राम छपने वाला तुम्हारे पेपर 100% गारंटी, मैं खुल्ला बोल रहा हूं, ये डायग्राम डायरेक्ट आने वाला तुम्हारा, क्लियर वाली बात है। तो ये डायग्राम को तुम अच्छे से कर लेना, डायग्राम कर लेना, इसकी लेबलिंग आनी चाहिए कि भैया ये सेमिनल वेसिकल है, ये ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका ये यूरेटर है, ये वाइट डिफरेंस है, ये टेस्टिस है ठीक है। उसका तुम्हें डिफाइन करने भी आना चाहिए सारे पार्ट्स का, इसका जितने पार्ट्स है सब डिफाइन करने भी आना चाहिए, किसी को भी डेफिनेशन पूछ लेता, बोर्ड एग्जाम लेवल तक पूछ लेता, मैं तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूं क्या क्या।
पहला डिफाइन प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, फिर सेमिनल वेसिकल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा टेस्टिस, टेस्टिस क्या होता है, फिर स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम क्या होता है, ये जो टेस्टिस के नीचे लगाता है ये इसको लो टेंपरेचर प्रोवाइड करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीमन, क्लियर वाली बात है, जो 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, एकदम लो प्रोडक्शन, तो उससे कम रहेगा तो सीमन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, क्लियर वाली बात है। उसके बाद तुम्हारा क्या यूटेरस, फिर तुम्हारा वॉइस डिफरेंसेस, और उसके बाद फिर तुम्हारा सीमन, स्पर्म, इतनी चीजों का डेफिनेशन तुम्हें याद होना चाहिए, क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एक्सपीरियंस अच्छा खासा है मुझे पता है, लेकिन उसके बारे में भी बता देता हूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम्हारा क्या होगा, 5 मार्क्स का तुम्हारा आने वाला है। अब इन 5 मार्क्स में इसमें फिर भी इसका डेफिनेशन फंक्शन आता है, इसमें डेफिनेशन क्या है, जनरली मेल वाला आता है, मैं तो फिर क्लियर करो, बोर्ड में आएगा तो जनरली मेल के चांसेस रहते हैं, लेकिन फीमेल के भी चांसेस रहते हैं, वो भी गारंटी में दे रहा हूं, बोर्ड लेवल पर बात करूं तो मेल वाला जा रहा है, फीमेल वाला भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको चीज करना पड़ेगा। क्या क्या है भैया, सबसे पहले डिफिनेशन एंड फंक्शन, सबसे पहले इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या होता है, इस बार जो छपा है पेपर में, अच्छा मैं भूल गया, अभी मैं दिखाऊंगा, जो सैंपल वाला जो छपा हुआ है वो फीमेल वाला छपा हुआ है, क्लियर वाली बात है, मैं दिखाऊंगा कि सर चांसेस हाई रहेंगे कि फीमेल वाले भी बोर्ड में आए, क्लियर वाली बात, इस बार फीमेल वाला ही आएगा तो तुम देख लेना अच्छे से। इसमें सबसे पहले इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या है, जो सबसे पहले जो इम्ब्रियो जो प्लेसेंटा में जो तुम्हारा जो प्लेसेंटा रहता है, इसमें इम्ब्रियो रहता है, वो जो तुम्हारे यूटेरस में मदर के जो बॉन्ड होता है, यूटेरस में जो चिपक जाता है, जो बच्चा रहता है वो चिपकता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इम्ब्रियो रहता है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद तुम्हारा यूम्बिलिकल कॉर्ड, यूम्बिलिकल कॉर्ड वो है, अब जो बच्चा है, अब देखो बच्चे का यहां से जो कॉर्ड मदर से जुड़ा रहता है इसको यूम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, क्लियर वाली बात है, तो इसका डेफिनेशन। उसका ओवेरी, ठीक है, उसका फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब ये वाली रहती है, इसका इसका डायग्राम भी पता होना चाहिए तुम्हें, इसका इसका डायग्राम तुम्हें पता होना चाहिए, देखो ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है ये वाला, दिख रहा है ये वाला जो ट्यूब दिख रही है, ये फेलोपियन ट्यूब है, क्लियर वाली बात है, इसका डायग्राम पता रहना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा क्या है, उसके बाद इम्ब्रियो, यूटेरस, इम्ब्रियो, ठीक है, इम्ब्रियो मतलब जो बच्चा रहता है इसको इम्ब्रियो बोलते हैं, इसको इम्ब्रियो बोलते हैं। उसके बाद वेजाइना, उसके बाद कैरविक्स, उसके बाद ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है, ओव्यूलेशन पीरियड, उसके बाद म्यूटिक्शन, मतलब जो तो पीरियड्स होते हैं लड़की लोग के, उनके म्यूटिक्शन उसको बोलता है। इतनी सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए पेपर में, वही आता है, क्लियर वाली बात है, इसी से आएगा तुम्हारा, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसका डिफरेंशिएट तुम्हें आना चाहिए भाई, 3 नंबर का डायरेक्ट आता है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3+2 करके आ सकता है, तो इसका तुम्हें डिफरेंशिएट आना चाहिए, इससे 5 नंबर का एक डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन छपेगा, क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तुम्हें जानकारी कम होगी, दे देता हूं जानकारी। उसमें तुम्हारा क्या करता है, सबसे पहले फिजन होता है, फिजन में तुम्हारा क्या होता है, बाइनरी होता है, एक बाइनरी फिजन होता है जो अमीबा में होता है, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, ये वाला एसेक्सुअल वाला थोड़ा कम आता है, इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन डायरेक्ट आता है, ये तो इसमें कम आता है, क्लियर वाली बात है। इसमें एक चीज है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है बता दूंगा, अभी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले फिजन होता है, फिजन अमीबा में पाया जाता है, ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम कम आता है लेकिन आता है, ठीक है। फिर मल्टीपल फिजन में प्रोटोजोआ में होता है, वो क्लियर वाली बात है। उसका तुम्हारा क्या है कि बडिंग, अब बडिंग क्या चीज होती है, बडिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, जो तुम्हारा यीस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है, क्लियर वाली बात है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब होता है यीस्ट में होता है, मल्टीसेलुलर में होता है हाइड्रा में, ये वाला ज्यादा आता है, क्लियर वाली बात है। ये मल्टीसेलुलर में होता है हाइड्रा में, अगर हाइड्रा का ये डायग्राम भी पेपर में आ जाता है, क्लियर वाली बात है, ये बडिंग बोलते हैं। बडिंग मतलब क्या, आउटग्रोथ, यहां से जब ग्रोथ होती है तो उसको बडिंग बोलते हैं, क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या, रीजनरेशन, रीजनरेशन प्लेनेरिया होता है, एक और प्लेनेरिया नाम का कीड़ा है, इसको ऐसे काट दोगे और यह दो जगह से काट देते, ये 3 जगह से काट गया, अब ये एक अलग कीड़ा बन गया, ये अलग कीड़ा बन गया, ये अलग कीड़ा बन गया, रीजनरेशन बोलते हैं। फिर तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, इससे क्वेश्चन बनते हैं, छप गया, ये जो छप गया भाई छप गया, क्योंकि भाई इससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यहां पर क्या होता है, एक ब्रेड रहता है, ब्रेड मोल्ड रहती है, अब ये जो ब्रेड रहता है तुम ब्रेड को कुछ दिन छोड़ो, उसमें पेड़ वगैरह उगने लगते हैं, उसको स्पोर्स बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, अब इसमें स्पोर वगैरह उगने लगते हैं, एक तरह का स्पोर होता है, और ये जब हवा से जाके, हवा जब इस चलती है तो स्पोर में छोटे छोटे फूल उगते हैं, ये हवा के साथ उड़ के जाके जहां जहां गिरते हैं वहां पर भी स्पोर उग जाते हैं, तो इसको स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, यहां से रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये डायग्राम याद होना चाहिए, ये डायग्राम याद होना चाहिए, पेपर में आता है। उसके बाद तुम्हारा लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में छपा होता है, बोर्ड के पेपर में छपा होता है लास्ट ईयर, तो तुम्हें अच्छे से ये डायग्राम याद होना चाहिए, क्लियर वाली बात है। उसके बाद तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन स्पॉर्जिया में होता है, याद रखना फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या, एक इतना बड़ा चीज रहती है, इसको भी काट देते हैं, ये भी अलग अलग बन जाता है, ये भी रीजनरेशन की तरह होता है, लेकिन ये बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, भाई सब छप गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, बोर्ड में आएगा, प्री बोर्ड में आएगा, कुछ कहीं आएगा, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन और टॉपिक 100% कंफर्म है कि तुम्हें 5 नंबर दिलवा के जाएगा, गारंटी की 5 नंबर का सैंपल वाले छपा हुआ है, पिछले साल भी आया था, और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन फंसेगा। क्या होता है भैया, इसमें तो क्या होता है, एक बनाना ट्री है, अब मान लीजिए बनाना ट्री में हमेशा होता है, हर बार बनाना ट्री से क्वेश्चन आता है, इस बार सैंपल वाले छपा हुआ, ठीक है। अब ये बनाना ट्री है, अब यहां ट्री होगा हुआ, अब यहां पर क्या किया, जो छोटा सा ट्री, इसको काट दिया जाता है, काट दिया, अब इसको काट के, इसको सकर्स बोलते हैं, इसको काट दिया, अब इसको काट के कहीं और लगा देते हैं, इसी को काट दिया और कहीं और लगा दिया इसको काट के, तो इसको क्या होता है, एक और बड़ा ट्री उग जाता है, या फिर क्या करते हैं, एक छोटा ट्री रखते हैं,
ठीक है, एक छोटा ट्री रखा हुआ, अब इसको काट के क्या, इसको इसी के ऊपर लगा दिया, ठीक है, इसी के ऊपर लगा दिया, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। या क्या क्या, एक ट्री है, अब एक ट्री नंबर ए है जो बड़े बड़े फूल देता है, बड़े बड़े फूल देता है, अब कोई ट्री नंबर बी है जो छोटे फूल देता है लेकिन वो खाने में बहुत मीठा होता है, तो छोटे वाले पेड़ का, छोटे वाले मान के बड़ा फूल ये वाला देता है, ठीक है, अब छोटे वाले पेड़ का ऊपर वाला काट देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं, तो इसमें क्या होता है, दोनों की प्रॉपर्टी आ जाती है, फूल बड़ा भी होता है और मीठा भी होता है, दोनों चीजें आ जाती है, तो ये इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तुम करके रखना, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे पहले इसमें जनरेशन ऑफ पोलन ग्रेन इन स्टिग्मा, ठीक है, इन मेल स्टिग्मा, अब यही होता है कि पोलन ग्रेन होता है मेल स्टिग्मा से फीमेल एंथर में कैसे जाता है, ये पूरा प्रोसेस तुम्हें पता होना चाहिए, दो नंबर का पूछ लिया जाता है, तो ये पूरा प्रोसेस तुम्हें पता होना चाहिए कि मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा में कैसे जाता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में, ये पूरा प्रोसेस ये डायग्राम के साथ याद होना चाहिए, तो क्लियर वाली बात है। अब ये वाला डायग्राम भी कभी पूछ लिया जाता है कि सेक्शन ऑफ फ्लावर, ठीक है, सेक्शन ऑफ फ्लावर भी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या क्या होता है फ्लावर में, ये यहाँ ओवरी कहाँ होती है, मेल एंथर कहाँ पे होता है, ये मेल एंथर है, फीमेल स्टिग्मा, तो यही वाला इसी का अंदर वाला है, ये वाला डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड नीड फॉर मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, अब वही तुम्हारा फैमिली प्लानिंग वगैरह तो तुम्हें एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद तुम्हारा क्या मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये पांच नंबर का आता है, वही वगैरह तुम्हारा कॉन्डम हो गया, कॉपर्टी हो गया, कॉपर्टी क्या होती है, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, कॉन्डम और कॉपर्टी को एक ही चीज समझते हैं, वो एक चीज नहीं होती, कॉपर्टी क्या होती है, वो फीमेल के वजाइना में इंसर्ट की जाती है, कॉपर्टी एक कॉपर की ट्यूब होती है इस टाइप की, जो वेजाइना में इंसर्ट करी जाती है, इंसर्ट करने से वो डॉक्टर अंदर में लगा देता है, उसको क्या होता है उसके बाद ये क्या होता है, ये कॉपर का आता है, मेल के स्पर्म जैसे ही अंदर अटैक करते हैं यहाँ पर, तो उसको क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ये जो कॉपर की चीज है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, काम में नहीं लेता, तो वो परमानेंट प्रेगनेंसी के लिए हो जाता है, समझ रहे हो। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा ये ऑपरेशन वगैरह करके भी किया जाता है, नसबंदी जिसको बोलती है उससे भी होता है, फिर तुम्हारा क्या होता है, पिल्स वगैरह लेने से भी होता है, ये तीन चार चीजों से तुम्हारा होता है। इसके अलावा क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि गर्भ निरोधक, ठीक है, मतलब कि कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो एक ही, अब तुम लोग तो एक ही एग्जांपल जानते हो कॉन्डम, नहीं उसके अलावा भी चीजें होती है, कॉपर्टी हो गया, पिल्स हो गया, वो सारी चीजें यही बोर्ड में भी आता है, बोर्ड में ही पूछा जाता है, क्लियर वाली बात है, इंपॉर्टेंट था इसलिए बताया। उसके बाद तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा यही मैंने जो बोला कॉपर कॉन्डम कॉपर्टी और पिल्स और तुम्हारा यही क्या बोलता है सर्जरी जो होती है, ठीक है, फिर तुम्हारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अब इसको इन सारी चीजों को ना यूज करने से डिजीज हो जाती है, तो क्या क्या होती है, एड्स, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, ठीक है, तो ये एड्स हो जाता है। उसका तुम्हारा गोनेरिया होता है, स्ट्रिपसिल्स होता है, ये सारी चीजें होती है, वो छोटी मोटी चीजें हैं जो गोनेरिया स्ट्रिपसिल्स है, वो ये जो एड्स है ये बड़ा है भाई, ये तो जान लेवा, क्लियर वाली बात है, इसको आगे लेते हैं, ये इतना लेगा नहीं, तुम्हें पूछा जाएगा कि एसटीडीज क्या होती है, तो वही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा इमेजिन भाई साहब, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं, ये जो क्वेश्चन है भाई, ये जो क्वेश्चन है 100% कंफर्म है, ये तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में और बोर्ड के पेपर में कंफर्म है, ये वाला जो क्वेश्चन है पांच नंबर का कंफर्म है कि आना ही आना है, तो ये क्वेश्चन तुम अच्छे से देख लो भाई, ये जो प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन है 100% कंफर्म है कि तुम्हें बोर्ड में पांच नंबर ये दिलवा के जाएगा, इस बात की गारंटी है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोला, एक कंफर्म क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें बोला कि फीमेल रिप्रोडक्शन से संबंधित आएगा और एक कंफर्म है कि छपने वाला पेपर क्या है भैया। इसमें तुम्हारा क्या, सबसे पहले देखो, इमेजिन द बिलो सो द डेवलपिंग फीटस इन मदर्स, वहां बच्चा देखकर डर जाएगा भैया क्या चीज है ये, कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें बोला प्लेसेंटा जैसे क्या है, मदर की, ये मदर है और मदर से क्या है अटैच है प्लेसेंटा, ठीक है, और इसके अंदर बच्चा पल रहा है, ठीक है, तो इमेजिन द इमेज बिलो शोज द डेवलपिंग फीटस इन मदर वोम एंड द डेवलपमेंट फीचर इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा बाय द मीन्स ऑफ यूमिनिकल कॉर्ड, यूमिनिकल कॉर्ड मैंने तुम्हें बोला ये वाला कॉर्ड, ठीक है, अब बोल रहा था द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड वेन एरेटरी, अब क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द टू सब्सटेंसेस दैट मूव्स थ्रू द ब्लड वेसल, अब इस ब्लड वेसल से क्या क्या चीजें जा रही है, तो बच्चे को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, खाना चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तुम्हारा न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वही जा रही होगी, तो यही तुम्हारा आंसर मैंने दे दिया यहाँ पर कि वहां पर क्या जा रहा है, न्यूट्रिएंट जा रही है, ग्लूकोज जा रही है, ऑक्सीजन भी जा रहा है, ऑक्सीजन भी चाहिए होता बच्चे को, और तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट भी जा रहा है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखो पांच नंबर का, ठीक है, द प्लेसेंटा हैज लेस विली, हाउ विल इट अफेक्ट द बेबीज ग्रोथ, अब तुम्हें विली का पता, मतलब पता होगा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है, अब इसका प्लेसेंटा में विली कम होगा, यहाँ पर विली लगा हुआ रहता है, विली ऐसे करके लगा होता है, तो अब विली कम होगा तो क्या होगा, इसका न्यूट्रिशन कम आएगा, ये कम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बच्चा थोड़ा कमजोर होगा, बहुत तुमने सुना होगा बच्चा कमजोर रहता है या फिर मेल न्यूट्रिशन का शिकार, क्यों इसका विली कम रहता है, यहाँ पर अगर विली कम रहेगा तो यहाँ पर क्या है, मदर से न्यूट्रिशन कम एब्जॉर्ब होगा तो ये बच्चा कमजोर हो जाएगा, ठीक है, फिर नेम द रीजन वेयर इम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड फीमेल, अब रीजन के बारे में पूछा है कहां पर इम्ब्रियो डेवलप होता है, तो यहां पर तुम्हें दिया यूटेरस में होता है, हैज अ थिक लाइनिंग, अब उसमें क्या होता है प्लेसेंटा अटैच होता है जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, जैसा मैंने बताया था, क्लियर वाली बात है। अब यहां पर क्या है, देखो लेस सरफेस एरिया, विली वाला क्वेश्चन देख लो, लेस सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिशन ग्लूकोज एंड ये सारी पास फ्रॉम मदर, देन स्लो ग्रोथ, अब ग्रोथ स्लो होगा उसका, क्योंकि अगर विली कम रहेगा तो ग्रोथ स्लो होगा, जैसा मैंने बताया था तुम्हें, क्लियर वाली बात है, ये तुम आंसर लिखोगे।
फिर तुम्हारा क्या है, सम ऑफ द फीटल सेल्स आर फॉल ऑफ इन एम्ब्रिकल फ्लूइड एंड कैन बी कवर्ड बाय केयरफुल प्रोसीड्यूर, ठीक है, एंड द सेल्स वेयर स्कैंड एंड फाउंड XY क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द सेक ऑफ द फीटस। अब यहां बोल रहा है कि यहां पर जो इम्बिलिकल फ्लूइड है, यहां एक सुई देकर मदर के फीटस से निकाला गया, मदर के फीटस से एक सुई देकर इसको निकाला गया। इस फ्लूइड में क्या होता है, इसके सेल टूट टूट के गिर जाते हैं, इससे इसमें सेल आ गए। अब इस सेल में पता चला XY है, तो तुम्हें पता है कि XY क्या होता है, बॉय के लिए होता है, 44 प्लस XY बॉय के लिए होता है, XY बॉय के लिए होता है, और 44 प्लस XX गर्ल के लिए होता है। XY है बॉय है, मतलब पता चल गया कि जो लड़का है ये बॉय है। समझ रहे तुम लोग, जो टेस्ट कराते हैं बहुत लोग अभी इंडिया में बैठे कि लड़का है कि लड़की, तो यही से पता चलता है, क्लियर वाली बात है। उसका तुम्हारा क्या है कि हाउ दिस पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन मिस यूज कैसे होता है। मिस यूज ऐसे होता है कि बहुत सारे पेरेंट ऐसे रहते हैं जो गर्ल चाइल्ड को मार देते हैं कि नहीं गर्ल चाइल्ड है, हमें तो बॉय चाइल्ड चाहिए। ये बहुत बड़ा गलती है हमारे देश में, ऐसा होता है, बाहर के देशों में नहीं होता, लेकिन बहुत गलत चीज है। लड़कियों लोग का मिसबिहेव करते हैं, मिस यूज करते हैं, इससे पता चलता है इनको XY बॉय है, और ये समझ जाते हैं कि अमाल एक्सेस निकल गया, तो समझ जाते हैं गर्ल है, इसको हटा दो, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ये वाली इसीलिए इसको बैंड कर दिया, ये प्रोसीड्यूर ही बैंड कर दिया जो सुई से निकाला जाता है, ये प्रोसीड्यूर इंडिया में बैंड है, ठीक है। तो ये तुम्हें ये चीजें होती है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आंसर मैंने दे दिया कि मेल चाइल्ड है और ये मिस यूज किया जाता है फिटस का बाय क्या एबॉर्टिंग एबॉर्शन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये तुम्हारी ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन था, इस बार बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन छपने वाले, इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, डायरेक्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट ये सैंपल छपा होता है, ये तुम्हारे पेपर में भी छपेगा। तो मैं तुम्हें फिर बोल रहा भाई, ये जो क्वेश्चन है कन्फर्म है, ये जो क्वेश्चन है कन्फर्म 100% गारंटी है, ये तुम्हें बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर दिलवा के जाएगा, मैं तुम्हें क्लियर बोल रहा हूं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे तुम्हारा क्या, आगे तुम्हारा फिर वही देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तुम्हारा बनाना ट्री वगैरह दिया हुआ है, यहाँ सकर वगैरह दिया, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। अब गिव द नेम एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान रखना 5 नंबर क्वेश्चन है। तुम्हारा क्या, गिव द नेम एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सोर इन एवब। अब यहाँ क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज हो रहा, मैंने तुम्हें बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, सेकंड नंबर क्वेश्चन की लिस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ फार्मर। अब फार्मर को एडवांटेज क्या है इससे, अब क्या है कि मोर क्रॉप, ज्यादा क्रॉप हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा जेनेटिकली। अब देखो दो तीन चीज है, जेनेटिकली आइडेंटिकल, मैंने तुम्हें बोला था कि एक मान लो इस पेड़ को काटा, इसके फल मीठे होंगे तो अगले के फल मीठे होंगे, तो मतलब क्या जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, अगले फल के फ्लावर फ्रूट सब मीठे निकलेंगे। उसके बाद नो नीड टू डिपेंड ऑन पोलिनेशन, पोलिनेटर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि एक पौधा हवा से उड़ के जाना चाहिए दूसरी जगह पर, तो वही या तो कोई जानबूझ के लगा दे, तुमने देखा रखा होगा आम की गुठली गाड़ देते जमीन में, तो उसकी जरूरत नहीं, काट के सीधा लगा दो हो जाएगा, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, द एवब प्लांट प्रोसीड्यूर मेल फ्लावर्स, एक्सप्लेन द प्लांट विल इन्वॉल्व इन द प्रोग्रेस ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन में प्लांट कैसे इन्वॉल्व होता है, ये क्रॉस पोलिनेशन ही तुम्हें पता होना चाहिए। उसका तुम्हारा क्या, वाई इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस बनाना ट्री डिड नॉट ऑब्सिलिटिकली आइडेंटिकल ऑफ पेरेंट, देयर वुड बी माइनर चेंजेस, माइनर चेंजेस होंगे क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पर माइनर चेंजेस आया था, यही तुम्हें आंसर लिखना। ये भी 5 नंबर क्वेश्चन कन्फर्म है, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में छपा था, टीचर तुम्हें नहीं देगा, अगर टीचर सेक्सुअल वाला नहीं देना चाहेगा तब इसी को देगा डायरेक्ट, तो ये भी सैंपल वाले छपा हुआ, तो ये भी क्वेश्चन 5 नंबर कन्फर्म है भाई, क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि द गिवन बिलो और सर्टेन एनालाइज दैट डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ अ पर्सन। अब देखो इंपैक्ट, टेस्टिस ऑफ अ मेल बॉय कैन नॉट बी एबल टू डिसेंट स्क्रॉटम। अब स्क्रॉटम नहीं है तो तुम्हारा क्या, वाइज डिफरेंसेस में दिक्कत होगी, ठीक है। वाइज डिफरेंसेस ऑफ मैन इज प्लग्ड, प्लग्ड मतलब कि वाइज डिफरेंसेस ऑफ मैन इज प्लग्ड, मतलब कि उसको अगर प्लग्ड अगर हटा दिया जाए तो क्या है कि मैन को वो नसबंदी हो जाएगी, तो वो चीज बतानी है तुम्हें, ठीक है। अब द गिवन बिलो सर्टेन सिचुएशन एनालाइज दैट डिस्क्राइब द इट्स पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल आर नॉट फंक्शन, तो क्या है कि वो मेन नहीं बचेगा। फिर उसके बाद तुम्हारा कि एग इज नॉट फर्टिलाइज इन ह्यूमन फीमेल, तो फिर क्या एम्ब्रियो का ग्रोथ नहीं होगा। उसके बाद प्लेसेंटा डज नॉट अट्रैच टू द यूटेरस ऑप्टिकल ऑप्शनली, तो तुमने सुना होगा IVM वगैरह करते हैं तो वो क्या होता है, प्लेसेंटा अटैच नहीं होता यूटेरस में, वो प्लेसेंटा जो मैंने तुम्हें दिखाया था, तो वही सारी चीजें तुम्हें रीजन बतानी। ये क्वेश्चन अगले साल बोर्ड में आया था, अगले साल सैंपल में छपा हो रहा, सब जगह ये क्वेश्चन था, अगले साल मैंने गला फाड़ के बोला था ये बोर्ड में आएगा, बोर्ड में आ गया, तो ये बोर्ड में भी आया क्वेश्चन, इसको तुम अच्छे से कर लेना, क्लियर वाली बात है। यही पैटर्न रहेगा 5 नंबर का, देखो एक एक करके दो करके, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन डिफरेंस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। उसका ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन अच्छे से तुम कर लेना, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, NCERT क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, बोर्ड एग्जाम में भी छपने वाला रहता है, क्लियर वाली बात है, इसको तुम कर लोगे। थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं, उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट कुड बी द रीजंस ऑफ अडॉप्टिंग कॉन्सेप्टिव मेथड्स। अब कॉन्सेप्टिव मेथड क्यों करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए करते हैं, तुम क्या होता है एड्स वगैरह ना स्प्रेड हो जाए उसलिए करते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, तुम्हें पता होगा, तुम लिख दोगे। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस मेथड ऑफ कॉन्सेप्टिव, क्या क्या मैंने तुम्हें बताया था। उसके बाद व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वे भी तुम्हें मैंने तुम्हें बताया। ये सारे क्वेश्चन NCERT वाले सारे कर लेना, बोर्ड एग्जाम में छपते हैं, मैं तुम्हें बोलूंगा नहीं कर लेना, अच्छे से कर लेना, ईमानदारी से करना भाई, बोर्ड में आते हैं, ठीक है।
आगे आते हैं हम लोग, आगे तुम्हारा क्या है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एवोल्यूशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे भी डायट क्या आएगा, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर भाई, क्या आएगा डायट बता दूंगा कि हाँ भैया ये आने वाला है, डायट बताऊंगा भाई कि ये आने वाला है, ठीक है, सीरियसली बताऊंगा, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं, उसमें तुम्हारा हेरिडिटी एवोल्यूशन में क्या क्या, थोड़ा सा मैं कलर बदल लेता हूं, हेरिडिटी एवोल्यूशन में क्या, सबसे पहले हेरिडिटी, फाइनल हेरिडिटी, क्रोमोसोम, जीन वेरिएशन, म्यूटेशन, उसका तुम्हारा क्या डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन, उसका तुम्हारा क्या F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। डोमिनेंट जीन क्या होता है, जो डोमिनेट कर रहा है, जैसे कि मदर और फादर, जैसे मदर और फादर दोनों के कान बड़े, मदर के कान छोटे, फादर के कान बड़े, तो अगर फादर के पास डोमिनेंट जीन होगा तो जो बच्चा उनका होगा उनके भी कान बड़े हो जाएंगे, समझ रहे हो, तो वो डोमिनेंट जीन होता है, रिसेसिव ही होता है जो मदर के पास रिसेसिव जीन होता है, ठीक है। उसका सेक्स डिटरमिनेंट, तो भाई साहब छप गया, यहां दो ही चीज आएगी, फिर मैं क्लियर कर दे रहा हूं, पहला तुम्हारा क्या F1 F2 क्रॉस कराने आएगा, F1 F2 जनरेशन क्रॉस आएगा, दूसरा सेक्स डिटरमिनेशन आएगा, तीसरी कोई चीज नहीं आएगा, चार स्लाइड के अंदर ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा, क्लियर वाली बात है, दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले सेक्स डिटरमिनेंट, सेक्स डिटरमिनेंट क्या, 50% गर्ल की चांस रहती है, 50% बॉय की चांस रहती है, क्लियर वाली बात है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा जब मान के चलो मदर के सेक्स आता है 22+X आता है, 22+ तुम्हारा क्या आता है वाई आता है, ठीक है। अब फादर पे डिपेंड करता है कि वो 22+X देते हैं कि 22+Y देते हैं, ठीक है, 22+Y देते हैं। अगर 22+X दे दिया तो 44+XY बन जाएगा, कि बॉय बन जाएगा, XY मिला के बॉय बन जाता है, और अगर 22+Y दे दिया फादर ने तो 22+XX बन जाएगा, 44+XX बन जाएगा, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, गर्ल चाइल्ड हो जाएगा। तो वही तुम्हारा दिया हुआ है कि मदर फादर जब 44+XX होता है, XX होता है गर्ल रहता है, 44+XY होता है तो ये तुम्हारा बॉय बन जाता है, ठीक है, ये 22+X से बनता है, 22+Y से। अगर ये टेबल तुम बना के आ जाओगे सेक्स डिटरमिनेंट, तो भाई टीचर पूरे के नंबर थोके भाव में तुम्हें नंबर देके जाएगा, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 6 साल का एक्सपीरियंस बनाया, तो बना के आ जाओगे पूरे नंबर मिल जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि XY कैसे बनता है, वो तुम एक्सप्लेन कर देना, क्लियर वाली बात है जो मैंने एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन है कि हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, यही क्वेश्चन आता है तुम्हारा, 5 नंबर 3 से 5 नंबर ये क्वेश्चन, कई बार 5 नंबर भी 3 नंबर में आता है, तो ये क्वेश्चन छपते रहता है पेपर में, तो झूठ नहीं बोलूंगा, छप गया ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या मेथड्स ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के लॉज क्या क्या होते हैं। अब ये तुम्हारा आएगा F1 F2 जनरेशन को क्रॉस कराने आता है, तो F1 जनरेशन में तुम्हारा क्या होता है कि मान के चलो कोई चीज है, कोई सीड है, राउंड है और ग्रीन है, ठीक है, और ये जो सीड है, ये रिंकल्ड है, येलो, इन दोनों को क्रॉस कराया जाता है, तो एक राउंड और एक क्या होता है, एक राउंड रहता है, और ये तुम्हारा क्या है, राउंड है और ग्रीन है, तो इन दोनों को जब क्रॉस कराया जाता है, तो एक सीड बनता है जिसमें चारों की प्रॉपर्टीज रहती है, राउंड भी रहता है और ये येलो भी रहता है। राउंड और येलो क्यों रहता है, क्योंकि इसका आर बड़ा था, मतलब ये डोमिनेंट था, और ये तुम इसका इसका क्या इसका वाई बड़ा था, ये येलो था, तो ये राउंड येलो मिलकर डोमिनेंट बन जाता है, ये थोड़ा आगे और क्रॉस होता है, और ये वाला क्रॉस डेवलप होता है। ये क्रॉस मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं, समझाऊंगा वो जो पेपर में छपेगा, ठीक है, ये तुम देख सकते हो इस तरीके से पूरा क्रॉस होता है, उसके बाद रिजल्ट निकलता है, उसके बाद इसका रेशियो निकलता है, ये इसका रेशियो क्या है, कितना कितना येलो सीड निकला, कितना ये निकला, कितना ग्रीन निकला, कितना रिंकल्ड निकला, पूरा रेशियो बताता, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब आगे तुम्हारा क्या है, अब देखो, अब क्वेश्चन मेन क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं फिर कलर चेंज करता हूं, अब मेन क्वेश्चन यहां देखो, इन अ फैमिली, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी कंफर्म है कितने नंबर का आ रहा, तुम्हारा 3 नंबर का, तो ये क्वेश्चन तुम अच्छे से देख लो भाई, ये भी क्वेश्चन तुम अच्छे से देख लो भाई, 3 नंबर का कंफर्म है कि तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर नहीं छपने वाला, गारंटी के साथ होता रहा, इस चैप्टर से अगर कुछ क्वेश्चन छपेगा तो F1 F2 क्रॉस छपेगा, वही ये क्वेश्चन है, F1 F2 क्रॉस वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तुम कान खड़े करके देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आने वाला, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। कैसे आने वाला है, इन अ फैमिली 4 इंडिविजुअल दिए हुए, एक फैमिली में 4 इंडिविजुअल है, अब मदर पोजेस करती है शॉर्ट ईयर, अब मदर के पास शॉर्ट ईयर होंगे, और तुम्हारा क्या है, देखो इन अ फैमिली देयर फॉर द फादर पोजेस लॉन्ग ईयर, फादर के पास लॉन्ग ईयर बड़े कान है, मदर के पास छोटे कान है, ठीक है, पेरेंट्स हैड प्योर डोमिनेंट एंड रेसेटिव ट्रेड रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ जेनेटिक मार्कअप ऑफ F2 जनरेशन, देखो F2 जनरेशन वाला कोई हर बार यही आता है भाई, इसमें देने लायक कुछ है ना पूरे चैप्टर में, पहले एवोल्यूशन हुआ था, एवोल्यूशन ऑफ कोर्स में नहीं है, तो एवोल्यूशन कोर्स में नहीं तो आएगा, तो यही आएगा, क्लियर वाली बात, तो इसको तुम अच्छे से कर लेना। अब F2 सो डेट द सुटेबल क्रॉस, ठीक है, तो अब तुम्हें पूछा गया कि आप यहाँ क्रॉस करना था, अब मदर के पास, अब मान के चलते फादर के जो है, फादर के जो जीन्स है वो एल है, लॉन्ग के लिए हम एल लेते हैं, अब मदर के लिए छोटा एल लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जब क्रॉस कराएंगे, तो F1 जब क्रॉस करेंगे तो ये बड़ा एल और छोटा एल बन जाएगा, बड़ा एल डोमिनेंट है तुम्हारा, तो क्या है कि जो बच्चा होगा उनके बड़ा एल वाला कान होगा, जब F2 कराएंगे तो यही वाली दोनों को रिक्रॉस करा देंगे, F1 की जो F1 को क्रॉस करा दी थी, F1 वाले रिजल्ट को क्रॉस करा दी, F1 into F1 करा दिया था, ठीक है, इसी को रिजल्ट को क्रॉस करा दिया था। अब जब इसको क्रॉस करेंगे तो इस तरीके से क्रॉस करा, एक बॉक्स बना दोगे, यहां पर तुम एल और बड़ा एल छोटा एल लिखोगे, यहां से बड़ा एल एक छोटा एल लिखोगे, और यहां से एक बड़ा एल एक छोटा एल लिखोगे, क्रॉस करोगे, अब ये एल और ये एल मिला के ये बड़ा एल बनेगा, मान के चलो उसके 4 बच्चे होंगे, उनके मान के हम लोग चलते हैं उनके 4 बच्चे होते हैं, ठीक है, तो मान के चलो पहला जो बच्चा होगा उनका एल और एल मिला के ये बच्चा, ये वाला एल एल बड़ा होगा, तो उनके उसका कान बड़ा होगा, दूसरा जब बच्चा होगा तो ये एल और ये एल मिलेगा, ठीक है, ये एल और ये एल मिलेगा, तो ये भी एल बड़ा वाला एल डोमिनेंट है, फिर उसका भी कान बड़ा, उसका भी कान बड़ा, फिर ये वाला जब तीसरा बच्चा होगा तो ये एल और ये एल मिलेगा, तो ये फिर एल और ये एल मिलकर फिर यहाँ एक बड़ा एल आ गया, तो उसका भी कान बड़ा, अब चौथा बच्चा होगा तो ये एल और ये एल मिलेगा, अब ये 2 छोटे एल बन जाएगा, मतलब क्या इसका कान छोटा बन जाएगा, चौथा बच्चा जो होगा इसका रेशियो हो जाएगा 1 बड़ा 1 बड़ा बड़ा एल दोनों का,
रहेगा, दो तुम्हारा क्या रहेगा, एक तुम्हारा बड़ा एल और छोटा एल रहेगा और एक छोटा छोटा एल रहेगा, मतलब बड़े कान वाले तीन बच्चे होंगे, मतलब 3:1 बन जाएगा इसका, 3:1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेशियो होगा, ये छोटा रेशियो होगा, ये वाला छोटा रेशियो होगा, ठीक है। तो इस टाइप का रेशियो होगा। अब उसके बाद बोला इफ फादर हैड शॉर्ट ईयर्स एंड मदर हैड लॉन्ग ईयर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दैट द रेशियो ऑफ जेनेटिक मार्कअप इन। अब तुम्हारा मदर का लॉन्ग ईयर हो जाएगा, मदर का जब लॉन्ग ईयर हो जाएगा तब भी क्या है, तुम्हारा जो रेशियो रहेगा वो सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जो डोमिनेंट जीन है वो बड़ा कान वाला है, बड़ा कान वाला, तो उसका जो रहेगा रेशियो सेम ही रहेगा, नो चेंजेस इन द रेशियो, एफ टू जनरेशन विल बी सुटेबल, वही वाला रेशियो रहेगा, सेम रेशियो रहेगा, क्योंकि मदर का, मदर के कान को हमने छोटा एल ले लिया तो छोटा एल है तो रेशियो सेम रहेगा, तो रेशियो पर फर्क नहीं पड़ता। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, स्नेल्स है। अब यहाँ पर इससे एमसीक्यू भी एक बनेगा, इससे एक एमसीक्यू भी बनता है, मैंने तुम्हें पहले बोला था इससे एक एमसीक्यू बनता है, हमने पहले पेज में डिस्कस करा होगा, इससे एक एमसीक्यू बनता है, इससे 5 नंबर क्वेश्चन बनेगा, इससे एमसीक्यू ही बनेगा। यहाँ देखो एक 3 मार्कर बनेगा, एक 2 एमसीक्यू बनेंगे, इससे वो एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, स्नेल देखो, इन स्नेल्स इंडिविजुअल हैव बीइंग लाइफ एज मेल, अब मेल की तरह हो रहा था, डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन इट बिकम फीमेल दे ग्रो बिकॉज, ठीक है। अब द सेक्स ऑफ द स्नेल इज जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल, नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। अब जो स्नेल रहता है इस टाइप का, जो स्नेल रहता है ऐसे करके, जो स्नेल रहता है ऐसे करके, जो स्नेल रहता है तुम्हारा ऐसे करके, जो स्नेल रहता है, ठीक है, वो स्नेल क्या करता है, वो मेल फीमेल दोनों रहता है, वो ऐसा रहता है ना कि आप फीमेल देख ली तो मेल बन गया, अब मेल देख लिया तो फीमेल बन गया, वो कंडीशन इसके साथ रहती है, समझ रहे हो बात को, इसका डिटरमाइन कुछ नहीं रहता, ये गर्मी पे डिपेंड करेगा, ठंडे पे डिपेंड करेगा, अगर कोई बढ़िया मेल देख ले तो ये फीमेल बन जाएगा, और कोई फीमेल देख लिया तो बोलेगा भैया तुम, अब तो मैं मेल बन जाऊंगा, बढ़िया हो गया फीमेल ले, तो ये कंडीशन इसके साथ, जो मिल गया, जो आए सो राज जी जाए, तो वो कंडीशन ही स्नेल के साथ, ये मजे ही लेते रहता है, मतलब समझ रहे बात को, तो वो कंडीशन हो गया, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है कि असरसन क्या दिया, असरसन क्या दिया हुआ भैया, अब असरसन रीजन वाले क्वेश्चन इसके साथ आते, क्लियर वाले बता, इसको तुम गलत में मत लेना, इसकी जो कंडीशन आती है मैंने तुम्हें बता दिया, स्नेल अलग जानवर होता है, वो क्या था, मेल कंडीशन देखे मेल भी बन जाता, फीमेल भी बन जाता, समझ रहे, मैंने थोड़ा मजे वाले वे में बताया कि तुम्हारे बोर्ड में आ, तुम छाप के लग जाओ, ठीक है, समझ रहे हो। उसका तुम्हारा क्या, असरसन, असरसन तुम्हारा ए है। अब द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल इज इन अ जर्म सेल इज नॉट सेम इन एनी स्पीसीज। अब तुम्हारा जर्म सेल क्या होता है, मान के चलो एक मेल का जो तुम्हारा स्पर्म है, तो ये तुम्हारा है जर्म सेल, जर्म सेल इसमें तुम्हारा क्या 22+X होता है या वाई होता है, ठीक है। अब तुम्हारा एक्स वाई तुम्हारा क्या यही बोल रहा है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल ऑफ अ जर्म सेल इज नॉट सेम इन एनी स्पीसीज, क्योंकि तुम्हारा एनी स्पीसीज में सेम नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जब स्पीसीज बनती है तो तुम्हारा 44 रहता है, इसमें 22 ही है, तो सेम नहीं होगा, सही बोल रहा है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या बोल रहा है कि व्हेन टू जर्म सेल्स आर कंबाइंड, देखो दो को जब कंबाइन होता है रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ स्पीसीज, सही बोल रहा है, दोनों चीज सही है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है, दोनों बात सही है लेकिन इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि एक सेल होता है इससे क्या लेना देना इसका कि दोनों मिलकर कंबाइन करके दो बनता नहीं ना, तो तुम्हारा क्या दोनों चीज सही है पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा एक दूसरे को, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या है लाइफ प्रोसेस, तो यहाँ तक हम लोग हो गए, हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस डिस्कस करेंगे, अभी तक तुम यहाँ तक कर लोगे भाई बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, तुम अगर हेरिटी एवोल्यूशन और तुम्हारा हेरिटी एवोल्यूशन रिप्रोडक्शन बिल्कुल तुम किंग बन गए, इससे बाहर नहीं आ सकता, अगर तुमने इतना नोट कर लिया सारी चीजें कर ली बिल्कुल तुम किंग बन गए, इससे बाहर पेपर आने का चांस ही नहीं, बिल्कुल तुम किंग बन गए। अब हम लोग चलेंगे लाइफ प्रोसेस में, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी के सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, जो तुम्हारा लाइफ प्रोसेस, भाई साहब लाइफ प्रोसेस तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आने वाला है, 10 नंबर भाई, छोटे मोटे नंबर नहीं, 10 नंबर, मतलब 80 नंबर का तुम्हारा प्री बोर्ड का पेपर होता है और तुम्हारा उसमें 10 नंबर का पेपर सीधा लाइव प्रोसेस, सीधा लाइव प्रोसेस, मैं मजाक नहीं कर रहा, छपने वाला है, सबसे ज्यादा वेटेज इस साल लाइव प्रोसेस में डाला गया, सबसे ज्यादा वेटेज सब चैप्टर में, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और लाइव प्रोसेस, समझ रहे बात को, आगे इलेक्ट्रिसिटी बताऊंगा, लाइव प्रोसेस का बहुत ज्यादा वेटेज है, लाइव प्रोसेस में क्या क्या आने वाला है, लाइव प्रोसेस तुम्हारा चैप्टर है, इसमें क्या क्या आने वाला है, 10 नंबर का टोटल आता है, एक 3 मार्कर, एक 2 मार्कर, एक और 2 मार्कर, उसके बाद तुम्हारा 3 MCQ, दो 2 मार्कर वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्कर वाले 2 MCQ आएंगे, बहुत ज्यादा वेटेज, अच्छे से देखना, थोड़ा बड़ा लेना आराम से देखना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग कलर थोड़ा बदल लेते हैं, इसमें सबसे पहले तुम्हारा क्या हो, फंक्शन। अब बायोलॉजी में बहुत सालों, 6 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैंने वो टीचर से पढ़ाई कर रखी है, इनको 20-20 सालों का एक्सपीरियंस है, वो लोग सिंपल बोलते हैं, भाई मैं तुम्हें झूठ नहीं बोला, सिंपल बोलते हैं, अगर बायोलॉजी में कमांड करनी है, बड़े बड़े नीट के स्टूडेंट बोलते हैं बायोलॉजी में कमांड कर, सिंपल डेफिनेशन, डेफिनेशन और फंक्शन, फंक्शन अगर तुम्हें पता, अगर हार्ट ही, अगर उसका फंक्शन तुम्हें पता है, तुम टॉपर हो बायोलॉजी में, जितने टॉपर बच्चे जिनके बायोलॉजी में पूरे नंबर आए, जिनके साइंस में पूरे नंबर आए, सब फंक्शन से खेल, कैसे करना है, अगर तुम कर लोगे बिल्कुल टॉपर बन जाओगे, मैं बता रहा हूं, तुम्हें पता करना फंक्शन ऑफ हार्ट, 3 से 3 पॉइंट याद करना, ज्यादा नहीं, फंक्शन ऑफ हार्ट 3 पॉइंट, नेफ्रॉन 3 पॉइंट, डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में 3 पॉइंट याद करना, पेपर में छपता है, मैंने अभी हाफ ईयरली में बोला था, इस बार सीबीएसई के सैंपल छपा हुआ है, क्या होता है, सबसे पहले डाइजेस्टिव एंजाइम तुम्हारे क्या होते हैं, 3-4 होते हैं, जो तुम्हारे पैनक्रियास से निकलता है, सबसे पहले तुम्हारा पेप्सिन, पेप्सिन का फंक्शन क्या है, इसका एक फंक्शन भी करोगे चलेगा, ट्रिप्सिन, लाइपेज और तुम्हारा एमिलेज, पेप्सिन का फंक्शन क्या है, पेप्सिन का फंक्शन तुम कैसे याद करोगे, कि पी से, तो पी से इसका काम है डाइजेशन, चारों एंजाइम का काम होता है डाइजेशन, डाइजेशन करते हैं चारों एंजाइम, क्या डाइजेस्ट करते हैं, पेप्सिन डाइजेस्ट होता है, पी से पेप्सिन होता है, पी से प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन का भाई होता है ट्रिप्सिन,
पेप्सिन का जो भाई होता है वो ट्रिप्सिन होता है, पेप्सिन सुनने में लगता है। ट्रिप्सिन भी क्या करता है, सेम प्रोटीन वही करता है कि नहीं मैं भी प्रोटीन ही डाइजेस्ट करूंगा, लेकिन प्रोटीन डाइजेस्ट करके इसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड्स में इसको कन्वर्ट करता है एकदम एंड मतलब कि पहले तो डाइजेशन स्टार्ट करता है प्रोटीन का और ये क्या करता है पूरा डाइजेस्ट कर देता है ट्रिप्सिन, दोनों भाई मिलकर पूरा कर देता है, दोनों प्रोटीन को ही करते हैं, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर तुम्हारा लाइपेस क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। उसका तुम्हारा सेलेवरी एमएलएस या सेलेवरी एमएलएस क्या किसको डाइजेस्ट करता है, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, सुगर मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं जो आलू वगैरह खाते हो तुम, आलू में जो रहते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा हो गया। उसका तुम्हारा बाइल जूस, बाइल का फंक्शन जो तुम्हारा लिवर सेक्रेट करता है, फिर लिवर का फंक्शन, पैनक्रियास का फंक्शन क्या क्या होता है, उसका तुम्हारा किडनी का फंक्शन, उसका तुम्हारा क्या विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको विली बोलते हैं, ये विली जो मैंने तुम्हें यहां बताया था, क्या बोलता है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर बताया था, इसको विली बोलते हैं। विली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है, जो खाने से तुम्हारे न्यूट्रिशन रहते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। क्लियर वाली बात है, सबके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया, ये नहीं रहेगा, ये सबसे ज्यादा एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स यही वाला है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है खाने से, यही विली करता है, सबसे मेन है ये, समझ रहे हो बात को। उसका रेड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तुम्हारा स्टोमेटा क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, उसके बाद तुम्हारा व्हाट इज डबल सर्कुल, उसके बाद एटीपी क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सलाइवा, उसका तुम्हारा स्टमक का डेफिनेशन क्या होता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, उसका तुम्हारा एल्वियोली, उसका तुम्हारा ब्लड एल्वियोली ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले बता दे रहा हूं, फिर लिम्फ क्या होता है, उसका ट्रांसपीरेशन क्या होता है, उसका ग्लाइकोलाइसिस व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद तुम्हारा क्या स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, उसका लार्ज इंटेस्टाइन, इतनी सारी डेफिनेशन तुम्हें पता होनी, डेफिनेशन पता होना चाहिए, तीन दिन फंक्शन पता होना चाहिए। क्लियर वाले बात, इतना कर लोगे इतना ही में लाइफ प्रोसेस खत्म, इसी पेज में खत्म, अगर तुम चाह लोगे तो इस पेज में लाइफ प्रोसेस खत्म, अगर इतना कर ले तो इसके बाहर नहीं है। ठीक है, और क्या अगर क्वेश्चन आता है मैं तुम्हें बता देता हूँ लाइफ प्रोसेस से, अभी थोड़ा लंबा पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि डिफरेंस बिटवीन इससे आता क्या क्या आता है, रेस्पिरेशन एरोबिक और एनएरोबिक। ठीक है, डिफरेंस आता है, उसके बाद तुम्हारा क्या है आरबीसी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आरसीबी निकल जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। उसका तुम्हारा क्या ब्लड एंड लिम्फ, उसका तुम्हारा क्या है कि वेन आर्टरी और कैपिलरीज, ये सब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एरोबिक एनारोबिक, रेड में जो लिखा एल्विओली और नेफ्रॉन का इस बार छपा हुआ है सैंपल में, मैंने छपा हुआ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले साल भी बोला था, हर बार इससे डिफरेंस आता है, डिफरेंस आ जाएगा इससे। क्लियर वाली बात, इसको डिफरेंस तुम कर लेना, डिफरेंस। उसके तुम्हारा क्या है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दो टाइप के होते हैं, पहला हेटरोट्रॉपिक, दूसरा ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक किसमें होता है, ऑटोट्रॉपिक पेड़ पौधे में होता है, जिसमें तुम्हारा क्या ऑरेंज वगैरह उगे रहते हैं, प्लांट्स में होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और तुम्हारा हेटरोट्रॉपिक किसमें होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तुम्हारा क्या होता है, ये तीन टाइप का होता है, पहला होता है सेप्रोट्रॉपिक, दूसरा पैरासाइटिक, तीसरा होलोजोइक। होलोजोइक किसमें होता है, ह्यूमन बींग में होता है, जो इंसान होते हैं, इंसान जो खाना खाते पे जाते हैं। उसके बाद तुम्हारे होते, उसके बाद पैरासाइटिक। पैरासाइटिक किसमें होता है, उस नीचे से ऊपर आ रहा है, पैरासाइटिक होता है मस्कीटो, मच्छर वगैरह, पैरासाइट, जो पैरासाइट दूसरे के बॉडी में आता है उसको खून चूस लेते हैं, दूसरे का खून चूस के जो खाना खाते हैं, जो हो गया मच्छर हो गया, उसको पैरासाइटिक बोलते हैं। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या यही पूछेगा कि पैरासाइटिक क्या होता है, तीनों का डेफिनेशन पता होना, डिफाइन करने आना चाहिए। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक में किसमें होता है, फंगी वगैरह, जैसे मशरूम वगैरह हो गया, वो क्या करते हैं, वो जड़ से न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं, उसको फंगी बोलते हैं। ठीक है, इसको सेप्रोटॉपिक। फंगी अलग चीज हो गई, फंगी हो गई मतलब क्या कि किसी चीज में जैसे ब्रेड में निकलता है तुम्हारा स्पोरुलेशन हो गया, उसको फंगी बोलते हैं। तो फंगी अलग चीज हो गया, प्लांट अलग चीज हो गया। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है, ये फंगी है, ये प्लांट है। ठीक है, तो ये तुम्हारी इतनी चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी, ये सारे डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए, हम लोग आगे आते हैं क्या क्या पेपर में आएगा। ठीक है, अब तुम्हारा क्या पेपर में क्या, ये जो क्वेश्चन है भाई कन्फर्म है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर, ये जो सैंपल पेपर ये क्वेश्चन छपाओ, ये जो क्वेश्चन है भाई कन्फर्म है कि दो नंबर का तुम्हारे पेपर छपने वाला है, गारंटी है। क्या है भैया, देखो तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन, मैंने तुम्हें बोला था एल्विओली और नेफ्रॉन। एल्विओली क्या होती है, एल्विओली जो तुम्हारे हमारे लंग्स में होती है, ब्रोंकियल्स में जो अट्रैक्ट होती है, ये एल्विओली, ये लंग्स में जो होती है बलून लाइक स्ट्रक्चर। अब बोला ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, अब बोला कि सबसे पहले फीचर, और उसके बाद एल्विओली फीचर में क्या है, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। स्ट्रक्चर कहां होती है, तो लंग्स में होती है। एल्विओली क्या, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो आंसर मैंने दे दिया, देख लो ये आंसर है, आंसर मैंने दिया, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो होती है प्रेजेंट इन टर्मिनल एंड्स ऑफ ब्रोंकियल्स ऑफ लंग्स, लंग्स में होती है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहां पर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये नेफ्रॉन है। ये तुम्हारा कहां होता है, किडनीज में पाया जाता है, किडनीज बीन। अब बच्चा तो फंस जाएगा, बच्चा बोलेगा नेफ्रॉन क्या, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता, तो जो बच्चा किडनी बोलेगा बीन लाइक स्ट्रक्चर होती किडनी, नहीं यार ये तुम्हारा ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो किडनी के भी अंदर पाया जाता है। ठीक है, किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, तो ये तुम्हारा होगा। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है लंग्स में, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, उसका क्या ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करता है फ्रॉम यूरिन से, तो ये तुम्हें इस तरह का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन टेबुलर फॉर्म में, इस तरीके से ज्यादा ये दोनों का छप जाएगा, ये तुम्हें याद कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मैंने बोला छप गया, फिर फंक्शन से क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, लास्ट क्वेश्चन में फंक्शन था, ये भी फंक्शन का क्वेश्चन है, ये भी दो नंबर का छपने वाला पेपर में, ये जो क्वेश्चन है दो नंबर का कन्फर्म है, छप जाएगा पेपर, देख लेना। इसमें क्या है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्या है, सेलेवरी एमएलएस, मैंने अभी बताया था, मैंने हाफ ईयरली बताया और छपा पेपर में, सेलेवरी एमएलएस का क्या फंक्शन बताया था, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखो यही सेलेवरी एमएलएस का कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन स्टार्च इन कॉम्प्लेक्स, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को ही बोलते हैं। ठीक है,
सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर। उसके बाद तुम्हारा क्या ट्रिप्सिन, मैंने पेप्सिन, सेकंड में पेप्सिन, मैंने बोला क्या करता है प्रोटीन को करता है, याद है लिखा हुआ है डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये भी प्रोटीन को करता है लेकिन अमीनो एसिड्स में कर देता है कन्वर्ट, यही देखो सीबीएसई का भी आंसर सेम है। उसके बाद तुम्हारा क्या लाइपेस किसको करता है, लाइपेस क्या करता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स, फैट्स को करता है इन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स को करता है, ये तुम्हारा क्या तुम फैट्स भी लिख दोगे डाइजेशन ऑफ फैट चल जाएगा काम, लेकिन ये तुम्हें याद होना चाहिए, क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या लिस्ट द स्टेप्स, ये इंपॉर्टेंट, ये इनका फंक्शन तुम्हें पता है ना भाई तुम किंग हो, ये हर बार बोर्ड में आता है, अगर इनको इनका फंक्शन तुम्हें पता तुम सिक्योर रहना है कि बायोलॉजी में तुम्हें 4 पॉइंट नंबर फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। इनका फंक्शन याद रखना। List the steps. There is a synthesis of glucose by the plants and what is the special feature found in desert plants and related to भाई अभी time क्या हो रहा है देख रहे हो, 1 बजने वाले, रात के 1 बजने वाले, भाई तुम्हारे लिए मैं lecture shoot कर रहा हूँ, बहुत देरी सुबह से lecture shoot कर रहा हूँ और तुम लोगों को बोलता है यार एक video को like कर दो यार, तुम लोग like नहीं करते, मैं lecture क्यों shoot करता है रात में, तुम्हें video जल्दी मिल जाए तुम exam में top कर सकोगे, मैं बोलता है video को like करो, तुम लोग video को like नहीं करते यार, जल्दी से video को like कर दो यार, like कर दो video को, क्यों नहीं like कर रहे हो, मैं इतनी मेहनत कर रहा तुम्हारे लिए, कर दो भाई, कर दो भाई लाइक कर दो, तो बोर्ड एग्जाम में 95% लाएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अगर सब्सक्राइब कर लोगे, अगर सब्सक्राइब कर लोगे इस चैनल को फॉलो कर लो, 95 भी नहीं आने ना 98 आने वाले, क्लियर वाले, पिछले साल हमारे चैनल से 97% वाले 1000 बच्चे थे, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोला, अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो भाई तुम्हें टॉपर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, मैं तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूं, आज की डेट पे मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, क्लियर वाली बात है, ठीक है। हम लोग आते हैं टॉपिक पे, तुम्हारा क्या लिस्ट द स्टेप दैट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स एंड व्हाट इज अ स्पेशल फीचर इन डेजर्ट प्लांट्स, ये भी डेजर्ट प्लांट का क्वेश्चन भाई तुम्हारे सैंपल में छपा हुआ है, इसको तुम अच्छे से रट लेना है, तुम्हारा आएगा, इसका आंसर मैंने दे दिया है, पर क्लियर वाले इसका आंसर तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, वाटर इज यूज्ड बाय द लीव्स ऑफ अ प्लांट इन फोटोसिंथेसिस रेदर देन द वाटरिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। वाटरिंग ऑफ लीव्स, वी द वाटर ऑफ प्लांट थ्रू द सॉइल, व्हाट डज द वाटर रीच द प्लांट्स लीव, अब प्लांट के लीव में वाटर कैसे जाता है, तो एक जाइलम टिश्यू होती है, XYLEM जाइलम टिश्यू के थ्रू जाता है, ये पूरा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ सैंपल और छपा हुआ, ये क्वेश्चन तुम अच्छे से देख लो भाई, 3 नंबर का कन्फर्म है तुम्हारा सैंपल और छपा हुआ, तो तुम्हारे प्री बोर्ड में भी आने वाला है, प्री बोर्ड में 100% आएगा, तो ये क्वेश्चन तुम अच्छे से देख लो भाई, 3 नंबर का तुम्हारे प्री बोर्ड में 100% गारंटी की तुम्हारे क्वेश्चन छपने वाला है, गारंटी के साथ, ठीक है। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखो 3 नंबर का प्री बोर्ड का सैंपल और छपा हुआ प्री बोर्ड में भी आएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या कुछ चीजें, अब ये जो चार्ट है तुम्हारे बुक में दी हुई, इससे क्वेश्चन एमसीक्यू बनेंगे, कैसे बनेंगे मैं दिखा दे रहा हूं, 3 नंबर का एमसीक्यू बनेंगे, ये तुम्हारा चार्ट है जिसमें ग्लूकोज दिया हुआ है, अब ये क्या होता है जब पेरिवेट बनता है, इसमें एनर्जी फॉर्म करने के लिए तीन जगह होती है, पहला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन लेते तब एनर्जी फॉर्म होती है, बिना ऑक्सीजन के कुछ लोग करते हैं, ठीक है, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया का तो ह्यूमन सेल में होता है, उसके बाद तुम्हारा लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल, बहुत देर से हम दौड़ते हैं तो बिना ऑक्सीजन के भी कम ऑक्सीजन में हो जाता है एनर्जी हो जाती है, तुम देखते हो दौड़ते हैं हम लोग कम ऑक्सीजन में भी काम हो जाता है, ये तुम्हारा कहां पर होता है मसल सेल्स में होता है, ठीक है। अब बिना ऑक्सीजन के कौन करता है, तो ईस्ट वगैरह करते हैं, ईस्ट होता है जो जैसे ईस्ट क्या हो गया कोई छोटे सा व्हाइट कलर का वो ऑर्गेनिज्म होता है एकदम बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है उसको ईस्ट बोलते हैं, ठीक है, तो वो ईस्ट हो गया। अब तुम्हारा ये वाला रिएक्शन जो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस ये वाला तुम्हें याद रखना एक रिएक्शन है आराम से याद रखना 2 नंबर का कभी आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर तुम्हारा क्या ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एपीटी एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिडक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम एटीपी कहां फॉर्म होती है इन मॉलिक्यूल ग्लूकोज ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब मैक्सिमम कहां फॉर्म होती है तुम्हें पता है मैक्सिमम कहां फॉर्म होगी जहां ऑक्सीजन रहेगा, बिना ऑक्सीजन के यीस्ट में फॉर्म होती है, एक बैक्टीरिया कितना ही एनर्जी निकाल लेता है बिना ऑक्सीजन के, कुछ नहीं निकालता, सबसे ज्यादा फॉर्म कहां होती है तुम्हारा माइक्रोकॉन्ड्रिया सेल में जो होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन सेल सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होता है, अब यहां पर पूछ रहा है बाय प्रोडक्ट पूछ रहा है अदर प्रोडक्ट पूछ रहा है उसका जो तुम्हारा होता है, तो यहां पर तुम चेक करोगे इसका बाय प्रोडक्ट तुम्हारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यही तुम्हारा माइक्रोकॉन्ड्रिया का बाय प्रोडक्ट माइक्रो, तो कितना डिटेल में पूछा, पहले पूछा किसमें होता है तुम्हारा माइक्रोकॉन्ड्रिया, उसके बाद इसका बाय प्रोडक्ट पूछा जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये चार्ट तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन है सैंपल और छपा हुआ है, ये जो एमसीक्यू भाई सैंपल और छपा हुआ है तुम्हारे पेपर में भी छपने वाला है, इस एमसीक्यू को अच्छे से कर लेना 100% कंफर्म है कि तुम्हारे साइंस के प्री बोर्ड के पेपर में ये एमसीक्यू आने वाला है, मैं तो झूठ नहीं बोलता, ये एमसीक्यू तुम अच्छे से देख लो, साइंस के तुम्हारे प्री बोर्ड में के पेपर में 100% कंफर्म है कि ये एमसीक्यू छपा हुआ नजर आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, Which of the following adaptation herbivores help in digestion of cellulose? कभी डाइजेशन की बात आएगी ना तो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, मैंने तुम्हें बोला था एब्जॉर्प्शन रहता है विली होता है, तो डाइजेशन इसमें पूरा हर्बीवोरस कैसे करता है, हर्बीवोरस वो जो कि तुम्हारा घास वगैरह खाते हैं, अब हम लोग ह्यूमन क्या हम लोग कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब क्या हर्बीवोरस भी होना और ओमनीवोरस, ओमनीवोरस क्या होता है लायन जो सिर्फ मांस खाता है, हर्बीवोरस क्या हो गया जो तुम्हारा गाय वगैरह हो गाय बकरी हो गई जो सिर्फ चावल खाती है मतलब जो तुम्हारा सिर्फ घास खाती है, और ह्यूमन कार्निवोरस है जो दोनों खाते हैं मटन भी खा लेते हैं और तुम्हारा क्या है कि पेड़ पत्ते पौधे भी खाते हैं मतलब पेड़ पत्ते नहीं खाते वेजिटेबल्स खाते हैं,
ठीक है। तो इसमें बोल रहा है, इसमें क्या था, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो ऐसे ऐसे करके आती है हमारे पेट में, ऐसे ऐसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उनकी बहुत ज्यादा लंबी होती है, मतलब गाय की देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, क्या होता है उनको हेल्प करते हैं, वो हर्बीवोरस में हेल्प करते हैं सेलुलोज पचाने, क्योंकि घास पचाना मुश्किल नहीं होता है, इंसान घास को नहीं पचा सकता क्योंकि केमिकल रहता है जो इंसान में पाया नहीं जाता जो घास पचाने के लिए, कोई घास नहीं खाते इंसान, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते इंसान, ठीक ना। तो वो चीज होती है तुम्हारी, ठीक है, ये तुम क्वेश्चन कर लेना इंपॉर्टेंट। उसका कहा ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड आउट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किस पार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन छपने वाला है पेपर में, छपने वाला, छप गया ये जो क्वेश्चन है, सैंपल वाला छपा मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। उसका बोल रहा है कि देखो ड्यूरिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप आउट इन, किस चीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप आउट होता है बॉडी, पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए तब तुम इसका आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इतना सैंपल में मैंने छपा हुआ क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न का बोर्ड में भी आएगा, सुनो। अब बोल रहा है कि इसमें चार ऑप्शन दे, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रियम लेफ्ट आट्रियम, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, उसका तुम्हारा रिलैक्सेशन ऑफ राइट आट्रियम, और ये तो एकदम बहुत फंसाऊ क्वेश्चन है भाई, अब तुम मेरी ध्यान से बात सुनना। हार्ट का डायग्राम ऐसा होता है, हार्ट का डायग्राम ऐसा तो सब जानते हैं क्योंकि हमारे स्कूल में एक 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचर थी, लेडी टीचर थी, उनको बहुत एक्सपीरियंस था बायोलॉजी में, उन्होंने बोला कि ये डायग्राम बनाओगे पेपर में नंबर जाएंगे, ये डायग्राम बनाओगे पेपर में नंबर जाएंगे, क्योंकि क्यों नंबर जाएंगे, एक डायग्राम सही है, बनाने में बच्चे को आधा घंटा लग जाएगा, बहुत प्रैक्टिस भी करोगे तो बच्चों को 15 मिनट तो लगेगा, ये नहीं करना, तुम्हें क्या करना, ये डायग्राम बनाना, ये डायग्राम बनाना। मुझे शुरू में शक भी हुआ, मुझे शुरू में शक हुआ, लेकिन मुझे बाद में पता चल गया ये डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है, तुम किसी बायोलॉजी के बड़े टीचर से दिखा रहे, ये हार्ट का डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है, ये मैंने बनाया, उन्होंने उस समय करवाया था, अभी मैंने तुम्हें दिखा दिया, ये डायग्राम को तुम बुराओगे पूरे के पूरे नंबर कर, भाई हार्ट का डायग्राम है इसको बनाना, हार्ट का डायग्राम जनरली पेपर में आ जाता है, अगर नहीं बना हो रहा है इसको बना के चले जाना, क्लियर हो जाए। इसमें क्या है, अब तुम्हारा ये हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया कि कौन सी चीज को पंप्ड करने से, अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा कि ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड द ऑक्सीजन ऑफ ब्लड इज पंप्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द, ऑक्सीजन कहां से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पंप करता है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब यहां से ब्लड आया, यहां से पल्मोनरी वेन से इसमें आया, ठीक है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो क्या करता है, इसको पुश करता है, इसको पुश करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये क्या करता है, एरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, लेफ्ट वेंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट का। अब तुम्हारा देख लो, ये जो हार्ट का डायग्राम है, ये दो कलर में मैंने बनाया, देखो तुम समझ लो, पहला ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड में है, डीऑक्सीजनेटेड तुम्हारा ब्लड जो है ब्लू में। अब डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, देखो रेड सबसे पहले क्या होता है, वेना कावा से ब्लड आता है, वेना कावा से ब्लड आया, पहले मैं ब्लू कलर लेता हूँ, वेना कावा से ब्लड आया, ये सबसे पहले तुम्हारा क्या, राइट आर्टरी में, राइट आर्टरी में क्या, फिर राइट वेंट्रिकल इसको पुश मारता है, जो ये बाहर निकल जाता है तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी से ही बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसका तुम्हारा रेड कलर में लेते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, सबसे पल्मोनरी वेन, ये याद रखना कहाँ से आता है, ये आया लेफ्ट आर्टरी में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पुश मारता है, ये सीधा एरोटा के थ्रू बाहर निकल जाता है, ये हार्ट का डायग्राम है। इतना अगर तुम डायग्राम बनाओ बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, ये डायग्राम तुम अच्छे से देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, ये डायग्राम हार्ट वाला, ये डायग्राम नहीं बनाना, उससे इससे बेटर वो डायग्राम है, ठीक है। अब नेफ्रॉन का डायग्राम ये वाला याद रखना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आता है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये डायग्राम भी तुम अच्छे से देख लो भाई, ये डायग्राम भी तुम अच्छे से देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला है। और ये डायग्राम 100% गारंटी है कि ये वाला डायग्राम 5 नंबर का तुम्हारे प्री बोर्ड में और बोर्ड में दोनों में आने वाला है, इस बात की गारंटी है। ये डायग्राम अच्छा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पेपर में आता है, ठीक है, तुम देख लेना। अब ये डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए। उसके बाद तुम्हारा क्या आगे आते हैं, ये डायग्राम डबल सर्कुलेशन का आता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का आता है, उसके बाद तुम्हारा स्टोमाटा का आता है डायग्राम, तो ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। इससे बाहर कोई डायग्राम इससे बाहर नहीं है, गारंटी के साथ बता रहा हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम नहीं आता, और एक अमीबा करके एक और डायग्राम है, वो भी कम आता है, तो ये इतने डायग्राम आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। उसके तुम्हारा क्या है, अब कुछ क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन कन्फर्म है, ये कन्फर्म वाले क्वेश्चन में तुम्हें दे रहा हूं एनसीईआरटी के, इतना अगर तुम कर लोगे इससे बाहर तुम नहीं आएगा पेपर में, गारंटी के साथ ये क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे किंग बन जाएगा, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हाउ आर द लंग्स आर डिजाइन टू इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज, कैसे लंग्स होता है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट 3 नंबर का आता है। उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, ये भी क्वेश्चन छपने वाला, ये भी आता है पेपर में। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टमक, एसिड और एससीएल का रोल पूछता है, एससीएल होता है हमारे स्टमक में, यही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या था, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसका व्हाट इज द फंक्शन, मैंने तुम्हें बताया वही पेप्सिन ट्रिप्सिन। उसके बाद तुम्हारा हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिजाइन टू एब्जॉर्ब द फूड, यहां विली का जिक्र आएगा, विली मैंने तुम्हें बताया बिली के बारे में, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब ये जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, अगर तीन क्वेश्चन, ये जो तीन क्वेश्चन स्टार्टिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, अगर तुम ये तीन क्वेश्चन भी कर लेते, मैं इस बात की गारंटी लेता तुम्हारे बायोलॉजी के एग्जाम में ना 4 से 5 नंबर कन्फर्म करा देगा, मैं तुम्हें झूठ नहीं, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग के 3 बहुत बार आ चुके हैं भाई, मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं,
आगे तुम्हारा क्या हाउ फैट्स आर डाइजेशन या आवर बॉडीज, ये वाला, फिर ये क्वेश्चन रोल ऑफ सलाइवा, फिर ये वाला क्वेश्चन नेसेसरी बाय प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, इससे बाहर पेपर आने का चांस ही नहीं। इतना तुम कर लोगे बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, इससे बाहर नहीं आता था पेपर। इतना अगर तुम कर लोगे बिल्कुल बायोलॉजी में। अब कुछ एमसीक्यू भी इससे आते हैं भाई, बड़ा चैप्टर, थोड़ा सा और टाइम दे दो, ठीक है। अब इससे तुम्हारा एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, अब यहां कुछ एमसीक्यू दिए मैं एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन तुम याद कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, ट्रिप्सिन वगैरह के बारे में, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हारा क्या किडनी का वगैरह में एमसीक्यू दिया हुआ, अब ये तुम्हारा इसका एमसीक्यू क्या, एनसीईआरटी का एमसीक्यू, जाइलम 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 ऑफ अ प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल, देखो सैंपल वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से है। जाइलम किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। जाइलम टिश्यू, प्लांट में दो टिश्यू होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फोइलम होता है। जाइलम क्या होता है, वाटर लेता है, और फोइलम जो होता है वो तुम्हारा क्या करता है, फूड ले जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये एमसीक्यू तुम्हें याद कर लेना, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, इतना अगर तुम कर लोगे बिल्कुल, इतना अगर तुम कर लोगे बिल्कुल, इतना कर लोगे बिल्कुल, तुम्हें लाइफ प्रोसेस में महारत हासिल होगी, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। इतना तुम कर लोगे लाइफ प्रोसेस में बिल्कुल तुम किंग बन गए, इससे बाहर पेपर आ ही नहीं सकता, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अब हम लोग आते हैं हमारे बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर, जो तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये छोटा चैप्टर है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे तुम्हारे 6 से 7 नंबर का पेपर आराम से आएगा, 7 नंबर आराम से आएगा तुम्हारे। कहां से पेपर आएगा, डायरेक्ट बता रहा हूं, इससे तुम्हारा पेपर आएगा दो जगह से। पहला तुम्हारा इंसुलिन, दूसरा तुम्हारा प्लांट हार्मोन, तीसरी जगह कोई चीज पेपर इसमें नहीं आएगा। इंसुलिन आएगा और प्लांट हार्मोन आएगा, तीसरा कोई पेपर इससे नहीं आता। क्लियर वाली बात, क्या आएगा डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है। अभी तुम्हारा क्या, इससे 6 नंबर का पेपर आएगा, इसमें 4 मार्क का केस बेस्ड क्वेश्चन है, 2 एमसीक्यू, किससे 4 नंबर का क्वेश्चन छपेगा, क्या छपेगा बता रहा हूं। फिर इसमें डेफिनेशन एंड विथ फंक्शन, डेफिनेशन और फंक्शन, फिर मैंने बोला बायोलॉजी महारत हासिल करनी है, डेफिनेशन फंक्शन कर लिया, बायोलॉजी महारत हासिल, क्या क्या डेफिनेशन करनी है भैया बता देता हूं अभी। डेफिनेशन तुम्हें रिफ्लेक्स एक्शन डेफिनेशन, ठीक है। सिनेप्स, व्हाट इज सिनेप्स, फिर तुम्हारा क्या न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है, उसका तुम्हारा क्या प्लांट हार्मोन, प्लांट व्हाट इज प्लांट हार्मोन, व्हाट इज एनिमल हार्मोन, ये डेफिनेशन आता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद डेंड्राइट का डेफिनेशन क्या होता है, साइटन एक्सियन स्टिमुलस, इसका डेफिनेशन कम आता है, डेंड्राइट साइटन वगैरह का, लेकिन आ जाता है, ठीक है। उसके तुम्हारा रिस्पॉन्स, व्हाट इज रिस्पॉन्स, व्हाट इज इंपल्स, व्हाट इज रिसेप्टर, तो इतने डेफिनेशन तुम कर लोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर वाले इस चैप्टर का तुम्हारा पूरा सार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसका तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन, इससे ज्यादा आता है, डिफरेंस बिटवीन का पेपर इससे बनेगा, गारंटी के साथ इससे डिफरेंस बिटवीन का पेपर बनेगा। क्या बनेगा भैया, पहला तुम्हारा वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी जो जानबूझ के करते हैं, इनवॉलंटरी मतलब जो गलती से हुआ था, ठीक है। वॉकिंग एंड रिफ्लेक्स एक्शन, कभी कभी क्या आता है तुम्हारा वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में, कभी कभी बोलता है वॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन में भी तुम डिफरेंस कर दो, तो वॉलंटरी इनवॉलंटरी में आता है, कभी वॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन में भी आता है, कभी कभी वॉकिंग और रिफ्लेक्स एक्शन में भी आता है, ठीक है। तो इस तरह के डेफिनेशन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें डिफरेंस बिटवीन आता ही आता है पेपर, ठीक है, गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये डायग्राम न्यूरॉन का डायग्राम है, ये न्यूरॉन का डायग्राम, ये डायग्राम भी 5 नंबर का पेपर बन जाता है भाई, डायग्राम को भी अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या प्लांट हार्मोन, इससे पेपर बनेगा, इससे पेपर छपेगा, गारंटी है, सैंपल पेपर इससे क्वेश्चन छपा हुआ है तो गारंटी भाई बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा, 2 मिनट कान लगा सुना, यहीं पर पेपर खत्म कर दूंगा, यहीं पर खत्म कर दूंगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, 2 मिनट, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, ट्रॉपिज्म क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स समथिंग, तो जब मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म, लाइट को देख के प्लांट भागता है, यहाँ लाइट जल रही तो प्लांट इस तरीके से, प्लांट ऐसे ग्रो होने की जगह ऐसे से भागने लगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी से उल्टा भागता है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी इज नोन एज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज तुम्हारे जियोट्रॉपिज्म। यहाँ क्या होता है, प्लांट ग्रेविटी से उल्टा जाता है, ग्रेविटी नीचे काम करती है और सूट जो इसका रहता है नीचे वाला, वो तुम्हारा क्या करता है, वो यहाँ नीचे काम करता है, प्लांट ऊपर जाता है, ठीक है। अब तुम्हारा एक हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यहां पर बोलता है डेमोंस्ट्रेट करने कि यहां एक प्लांट है, गमला है, यहां पर क्या करता है, फोड़ के, अब ये गमला है, गमले में क्या करते हैं, एक पॉट पॉट डालते हैं, पॉट में क्या करता है, पानी डाल देते हैं, ठीक है, गमले में पॉट में। अब तुम, हम लोग देखते हैं इसकी जड़े जो रहती है प्लांट का, गमला इसको तोड़ देते हैं यहाँ से, अब तोड़ के इसमें एक कटोरी में मिट्टी के दिए में यहाँ पर पानी डाल देते हैं। अब यहाँ पानी डालने पर देखते हैं जड़े यहाँ पर ये प्लांट की तरफ भाग रही है, पानी की तरफ भाग रही है, तो इसको मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वाटर बोलते हैं। एक होता है केमोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स केमिकल, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर थीमोट्रोपिज्म, थीमोट्रोपिज्म तुमने मनी प्लांट देखा है, एक डंडी पे ऐसे घूमते रहता है, एक डंडी ऐसे रहती है, उस पर प्लांट ऐसे ऐसे जाते रहता है, उसको थीमोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो यही तुम्हारा थीमोट्रोपिज्म का डायग्राम है, ठीक है। उसका प्लांट हार्मोन छप गया भाई पेपर में, इससे क्वेश्चन आया, सीबीएसई वाला का पर्सनल फेवरेट है, सीबीएसई वाला का पर्सनल फेवरेट है, स्टेट बोर्ड के भी पेपर में आता है, हर जगह ये पेपर क्वेश्चन आने वाला है, बता देता हूं कहां आने वाला है, ठीक है, क्या आने वाला है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले ऑक्सिन्स जिब्रेलिन्स इज अ फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए क्या होता है, ऑक्सिन्स होता है, जिब्रेलिन्स होता है, ये दो हार्मोन होते हैं। प्लांट हार्मोन कभी भी ग्रोथ के बारे में पूछा जाए तुम्हारा ऑक्सिन्स तुम लिख सकते हो, जिब्रेलिन्स लिख सकते हो, ठीक है। उसका तुम्हारा इथिलीन तुम्हारा क्या होता है, रेपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल के पकने के लिए, अगर कोई फल लगा हुआ है यहाँ पर तो उसके पकने के लिए होता है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, साइटोकाइनिन फॉर डिले एजिंग फॉर प्लांट, साइटोकाइनिन क्या होता है, उसको बूढ़ा नहीं होने देता, उसको जवान रखता है प्लांट, तो साइटोकाइनिन, ये 3-4 हार्मोन होते हैं, ये तुम्हारा ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, इथिलीन और साइटोकाइनिन, एक ए भी होता है, एब्सेसिव एसिड भी होता है, एक और हार्मोन होता है, वो भी तुम्हारा भाई डिले एजिंग वगैरह करता है, ग्रोथ थोड़ा सा ग्रोथ उसको बनापन उसको बनाता है, ठीक है। तो अलग हार्मोनों के आता कम है, ठीक है।
उसका तुम्हारा क्या है मोहरा भाई साहब। अब ये जो क्वेश्चन है भाई कंफर्म है, ये जो केस स्टडी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है 100% गारंटी कि तुम्हारे बोर्ड के पेपर में ये तुम्हें चार नंबर दिलवा के जाएगा, इस बात की गारंटी है। अगर तुम इस क्वेश्चन को कर लेते हो चार नंबर तुम्हारे बोर्ड के पेपर में इस कंफर्म होने वाले, इस बात की गारंटी है भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल है छपा हुआ है तुम्हारे प्री बोर्ड में ना भाई। ये जो क्वेश्चन है भाई मैं तुम्हें कंफर्म करके बोल रहा हूं, प्री बोर्ड में तुम्हारे ये चार नंबर कंफर्म करा देगा। तो भाई इसको तुम गलती से समझ पड़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भैया, इसमें थोड़ा सा मैं कलर बदल लेता हूं, अब यहां पर देखो, मोहन एंड रोहिता ऑब्जर्व द शूट्स ऑफ अ प्लांट इन अ स्टेडी बेंड टुवर्ड्स सनलाइट। अब बेंड करती है, अब देख रहा है यहां सनलाइट की तरफ बेंड कर रहा है, ठीक बात है भाई। वेयर एज द लीव्स ऑफ द प्लांट टच मी नॉट, अब टच मी नॉट है प्लांट, टच मी नॉट एक प्लांट होता है जिसको टच करना सिकुड़ जाता है, फोल्ड इन द ड्रॉप आफ्टर टचिंग, ठीक है। दे वेर वेरी क्यूरियस टू नो द मूवमेंट्स ऑन ऑकर इन प्लांट, ठीक है। अब देखो ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है भाई, मैं तुम्हें क्लियर बोल रहा हूँ, ये जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है 100% गारंटी है कि तुम्हें प्री बोर्ड में और बोर्ड में चार नंबर दिलवा के जाएगा भाई, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको तुम मत छोड़ो, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है वाट केसेस बेंडिंग ऑफ शूट्स इन द प्लांट सोन इन फिगर ए। अब बेंडिंग ऑफ फोटोट्रोपिज्म दिखा रहा है, क्लियर सी बात है भाई, फोटोट्रोपिज्म हो रहा प्लांट केस ए जो है इसमें तुम्हारा फोटोट्रोपिज्म हो रहा है। तो यहां तुम देख सकते हो, यहां पर देखो मैंने आंसर भी दे दिया है, फोटोट्रोपिज्म हो रहा है ए वाला में, ठीक है। अब यहाँ कुछ आंसर सीबीएसई ने बड़ा लिख रखा, तो ये बड़ा हो थोड़ा आंसर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वाट केसेस द फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट एज सोन इन फिगर बी। अब फिगर बी में क्या क्या, तो यही तुम्हारा आंसर है, कहां गया ये तुम्हारा आंसर है जो तुम्हारा टच मी नॉट क्यों ऐसा करता है। इसमें तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल्स जनरेट होती है, वो क्या होता है जैसे तुम टच करते हो प्लांट, इलेक्ट्रिक सेल जनरेट होती है, वहां पर वाटर रहता है, वहां प्लांट में क्या होता है जैसे करके ये इसका मुंह फड़ा हुआ रहता है, तो जैसे तुम इसको टच करते हो, जैसे ये प्लांट को टच करते हो इसका मुंह रहता है ऐसे करके, अब जैसे तुम इसको टच करते हो ना ये सिकुड़ जाता है, यहां पर क्या होता है वाटर भरा हुआ रहता है, जैसे ही यहां पर तुम टच करते हो यहां इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है, ये वाटर का थ्रू आउट कर देता है, यहां पर ऐसा होता है, वही लिखा हुआ है यहां पर, वही लिखा हुआ रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे तुम्हारा क्या, कंपेयर द मोमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल द मोमेंट ऑफ प्लांट ए टू गिवन फिगर ए। अब मोमेंट जो तुम्हारा ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब में जो होता है टुवर्ड्स ओव्यूल इज एग्जांपल ऑफ केमोट्रोपिज्म, केमिकल वाला जो होता है, मैंने तुम्हें बोला था बताऊंगा। अब यहां पर क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया था फीमेल एंथर और मेल स्टिग्मा, यहां पर क्या होता है जो पोलन ग्रेन रहता है, जो मेल वाला स्टिग्मा रहता है, मेल एंथर जो रहता है, जो पोलन ग्रेन जो मेल एंथर से निकल के आता है, ये फीमेल नीचे ओवरी है। अब ये यहां से यहां क्यों जाता है पता है, यहां पर केमिकल रहते हैं जो इसको अट्रैक्ट करते हैं, ये केमिकल अट्रैक्ट करते हैं इसको, तो यहां से नीचे आता है, फिर ये फ्यूज करता है, फिर यहां पर क्या प्लांट का एक पौधा निकल जाता है, ठीक है। तो ये भी सेक्सुअल वाला है प्लांट वाला, प्लांट का भी सेक्सुअल रहता है और ये वाला तुम्हारा निकलता है, क्लियर वाली बात है। यही तुम्हारा होता है इज एग्जांपल ऑफ ये तुम्हारा केमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है, क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा हो गया। उसका पूछ रहा है कि कंपेयर द मोमेंट्स ऑफ फिगर सोन बी इन ए बॉडी ऑफ प्लांट एनिमल। अब जो तुम्हारा ये बी हुआ तो यहां इलेक्ट्रिकल इंपल्स थी, यहां पर क्या थी, ऑल्दो द प्लांट्स एंड एनिमल आर इलेक्ट्रिकल केमिकल इंपल्स मींस टू द बॉडी, बट डिफरेंस क्या होता है इनमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल रहता है, इंसान में सेल रहता है, नर्व सेल वगैरह रहता है, और तुम्हारे एनिमल में कुछ और रहता है, ठीक है। एनिमल सेल्स आर चेंज इन शेप एंड ऑकर बिकॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। अब ह्यूमन में प्रोटीन पाया जाता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, वही बता रहा तुम्हें, ये आंसर तुम लिख लोगे किंग बन जाओगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से कर लेना, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि एनिमल, अब थोड़ा सा फिर मैं कलर चेंज करूंगा। अब तुम्हारा क्या एनिमल हार्मोन तुम्हारा क्या आएगा, सबसे पहले एक कौन कलर लग गया भाई, एनिमल हार्मोन में तुम्हारा क्या आएगा, एनिमल हार्मोन में तुम्हारा आएगा पेनक्रियास तुम्हारा क्या है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन। इंसुलिन क्या होता है, जो शुगर को कंट्रोल करता है, मैंने तुम्हें बोला इससे क्वेश्चन आएगा, इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर बढ़ जाता है तो इंसुलिन का काम होता है हमारे शरीर में, और शुगर जब कम हो जाता है शरीर में, बहुत बच्चे 10 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया तो उसके शरीर में शुगर खत्म हो जाएगा, तो वहां ग्लाइकोजन काम करने लगेगा, भैया इसको थोड़ा शुगर दे देता हूं मैं, ठीक है। और जिसका शरीर में शुगर ज्यादा हो जाता है उसमें इंसुलिन डालना पड़ता है, शुगर को कंट्रोल करता है, ज्यादा शुगर को कंट्रोल करता है, दोनों पेनक्रियास सीक्रेट करता है, इसको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्रहण, एंडोक्राइन मतलब एक से ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करता है पेनक्रियास, क्या करता है इंसुलिन और ग्लाइकोजन दोनों सीक्रेट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। उसका एडरनल ग्लैंड क्या करता है, एडरनिन एडरलाइन हार्मोन सीक्रेट करता है। एडरलाइन हार्मोन क्या, मान के चलो कुत्ता पीछे पड़ गया, अब तुम भाग रहे हो करके, तो वो हार्मोन तुम्हें सुपरमैन बना देता है, तो उसको एडरलाइन हार्मोन बोलते हैं, क्लियर वाली बात है। अब उसका तुम्हारा थायराइड ग्लैंड, उसको इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये थायराइड से हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको टीएसएच बोलते हैं, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इससे क्या होता है, यहां पर अगर ये हार्मोन की कमी होती है, आयोडीन की कमी से होता है, अगर ये आयोडीन की कमी, ये हार्मोन की कमी हो गई शरीर में, इससे आयोडीन से निकलता है, यहां पर इतना बड़ा गला फूल जाता है, इसको गोइटर बोलते हैं, गोइटर इतना बड़ा गला फूल जाएगा, ऐसे करके उसको थायराइड से होता है, या थायराइड ग्लैंड में प्रेशर होता है, इससे थायराइड, तुमने सुना होगा किसी को थायराइड हो गया, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड से इस चीज की कमी से होता है, इससे की कमी से क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है, और आयोडीन की कमी से होता है, गोइटर का एक डिजीज होता है जो होता है,
ठीक है, और इसको थायराइड भी हो जाता है अगर ये नहीं रहता, ठीक है। तो ये तुम्हारा होगा, उसका तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में रहता है कम आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, हमारे बॉडी की शेप और साइज के लिए डिपेंड करता है। उसका तुम्हारा क्या थायमस ग्लैंड, अब ये थायमस ग्लैंड भी काम का नहीं। उसका तुम्हारा क्या पैराथायराइड ग्लैंड, ये भी उतना काम का नहीं। उसका टेस्टिस कभी कभार आ जाता है, और ओवेरी, टेस्टिस ओवेरी के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा, रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया अभी तो इन्फॉर्मेशन आ गई तुम्हारे पास, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या रिसेप्टर्स, रिसेप्टर क्या है तुम्हारा फोटो रिसेप्टर के बारे में तुम्हें पूछा, जो देखने के काम आता है। फोटो रिसेप्टर सुनने के काम आता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, अब तुम्हारा, और ये गेस्टेटर रिसेप्टर, ये गेस्टेटर रिसेप्टर तुम्हारे टेस्ट करने का काम आता है, और ऑल्फैक्टरी वाला ये तुम्हारा टच के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये तो रिसेप्टर आता है, ये तुम्हारा गेस्टेटर रिसेप्टर किस लिए होता है, ये तुम्हारा आता क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम लोग आ जाते हैं आगे, तुम्हारा क्या ह्यूमन ब्रेन के कुछ पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन के बारे में तो पता है, इसका डेफिनेशन, इसको डिफाइन करने तुम्हें आना, डिफाइन कर लेना हो जाएगा काम। फोर ब्रेन क्या होती है, मिड ब्रेन क्या होता है, और हिंड ब्रेन के तीन फंक्शन होते हैं। अब सेरिब्रम, अब सेरिब्रम क्या है, बॉडी का जो पोस्चर है उसको कंट्रोल करता है। सेरिब्रम का फंक्शन, पॉन्स का फंक्शन, मेडुला ओब्लोंगाटा का फंक्शन, ये तीनों का फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए क्या फंक्शन होता है। और ये डायग्राम भी कभी कभी आता है, जनरली नहीं आता, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस बार सेरिब्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आया, मैं दिखाऊंगा, सेवल में छपा हुआ है और 12 बोर्ड में भी आता है, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे, आगे तुम्हारा क्या है, देयर वाज अ सेरिब्रल डिसफंक्शन, सेरिब्रल इन अ पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी डिस्टर्ब्ड इन अ पेशेंट एज अ रिजल्ट। अब सेरिब्रल फंक्शन होगा तो क्या पोस्चर कंट्रोल करता है, क्या होता है पोस्चर एंड बैलेंस उसका बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा सही आंसर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, इसे ये सैंपल और छपा अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इससे तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफाइन कर लेना, इसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, ठीक है। उसका तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम और इनवॉलंटरी, दो डेफिनेशन याद कर लेना, काम खत्म हो जाएगा, आता कम है, ठीक है। इसका दोनों को डिफाइन कर लेना, चार नंबर का ये कभी कभार आ जाता है, लेकिन आता कम है, ठीक है। आते हैं हम लोग आगे, उसके बाद तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट छप गया, ये जो डायग्राम है मेरा भाई कंफर्म है कि तुम्हारे साइंस के पेपर में चार नंबर का कंफर्म है कि आना ही आना है। पिछला बार भी इसे चार नंबर का क्वेश्चन आता है, इस बार भी कंफर्म है, करा दे रहा हूं बोर्ड एग्जाम में, ये डायग्राम चार नंबर में तुम्हें फ्री में दिलवा के जाएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। ये डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में इससे आता रहा, यही आता है, मैं तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या, पहला रिफ्लेक्स आर्क, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, डिफाइन कर देना। कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क तुम्हें याद करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टिमुलस होता है, फिर नीचे आता है रिसेप्टर ऑर्गन में जाता है, उसके बाद तुम्हारा कोई भी एक्शन, जैसे मैं पेन को ऐसे कर रहा हूं, तो ये एक्शन हुआ कैसे, सबसे पहले स्टिमुलस हुआ, फिर रिसेप्टर ऑर्गन में गया, फिर तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन में गया, फिर तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया, फिर तुम्हारा मोटर न्यूरॉन में गया, फिर तुम्हारा इफेक्ट हो गया, उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं, ये जो उसको रिस्पॉन्स बोलते, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ सारे फंक्शन अटेम्प्ट हो रहे, मेरे ब्रेन से जो हाथ में जा रहा है वो क्या, इतने फंक्शन होने के बाद बिजली की, वो बिजली की तेजी से हो रहा पता नहीं चल रहा, ठीक है। ये डायग्राम याद करना भाई, पांच नंबर का आता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, आगे तुम्हारा कुछ क्वेश्चन है भाई, कुछ प्लांट हार्मोन। अब ये जो क्वेश्चन है भाई, अगर तुम ये पांच क्वेश्चन गिन के कर लेता, मैं इस बात की गारंटी लेता भाई कि तुम्हारे साइंस के पेपर है छह नंबर, सिर्फ ये पांच क्वेश्चन करने पर भी तुम्हारे साइंस के पेपर है छह नंबर कंफर्म है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। तो भाई तुम ये छह क्वेश्चन अच्छे से देख लो भाई, ये जो पांच क्वेश्चन है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी बुक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर तुम ये पांच क्वेश्चन भी कर लेते हो, मैं इस बात की गारंटी लेता भाई कि तुम्हारे साइंस के प्री बोर्ड और बोर्ड के पेपर है छह नंबर, ये छह क्वेश्चन कंफर्म करा देगा। मैं तो मजाक नहीं कर रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या दिखा देता हूं। व्हाट इज प्लांट हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके तुम्हारा क्या ड्रॉ स्ट्रक्चर और ऑफ न्यूरॉन एक्सप्लेनेटरी फंक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके तुम्हारा क्या व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट। उसके तुम्हारा क्या व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन गिव व्हिच प्रमोट ग्रोथ, अब ग्रोथ को कौन सा प्लांट हार्मोन प्रमोट करता है, मैंने तुम्हें वहीं पर बताया था कि ऑक्सिन करता है, AUXIN ऑक्सिन करता है, बहुत बच्चे साइटोकाइन भी लिख देता है, जिब्रेलिंस भी लिख देता है, तो सारी चीजें लिख देता है, ठीक है। तो ये तीनों तो आंसर लिखोगे सही है, साइटोकाइन लिखोगे वो भी सही, ऑक्सिन भी लिखोगे सही, जिब्रेलिंस भी लिखोगे सही, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या कि व्हाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, भाई साहब छप गया 100% गारंटी भाई, ये जो क्वेश्चन है 100% मैं गारंटी देता हूं, ये जो क्वेश्चन है 100% हमारे बोर्ड के पेपर में तुम्हें ये क्वेश्चन तीन नंबर 100% दिलवा देगा, इस बात की गारंटी है। हर बार यार क्या होता है यार, इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आता है, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, ये क्वेश्चन इंसुलिन से कर लेना, इंसुलिन जिसको डायबिटीज है इसको इंसुलिन चाहिए होता है, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन तुम्हारा मैनर क्या मूवमेंट, नेस्टिंग मूवमेंट के बारे में पूछा गया, सेंसिटिव प्लांट के बारे में पूछा गया, तो ये तुम्हें पता है प्लांट और हमारे लेग्स के मूवमेंट डिफरेंस क्या है, जो क्वेश्चन तुम्हारे सैंपल पर था वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हाउ इज फोटोट्रोपिज्म ऑकर इन प्लांट्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विच सिग्नल्स गेट डिस्टर्ब इन द केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सर्कल लगा जाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑकर इन प्लांट्स, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स, मैंने तुम्हें बोला था आता पेपर इस बार की गारंटी, ये भी तुम्हारे दो तीन क्वेश्चन कर लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारा कुछ एमसीक्यू वगैरह है कि प्लांट हार्मोन किस तरीके से जाता है, साइटोकिनिन वो जो था फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, साइटोकिनिन ने पता है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद गैप बिटवीन, उसको सिनेप्स बोलते हैं, गैप जो रहता है, ये डायग्राम आता नहीं है लेकिन सिनेप्स ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज, थिंकिंग वगैरह बहुत सारी चीजें, तुम क्रश के बारे में सोचते हो उसके लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल, क्रिकेट खेलते हो उसके बारे में ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, मैं लिख रहा हूं उसके लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं,
आगे तुम्हारा क्या पोस्चर एंड बैलेंस इन बॉडी आर कंट्रोल बाय सेरिबेरम, मैंने बताया था। उसके बाद सिग्नल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम मेडुला, ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सेसिक एसिड इन प्लांट इनहेबिट ग्रोथ, मैंने तुम्हें बोला ना इनहेबिट ग्रोथ को रोकता है, बौना बनाता है प्लांट को, मैंने तुम्हें पहले बोला था। देखो ये वाला ठीक है, एब्सेसिक एसिड को ABAB बोलते हैं, ABAB बोलते हैं ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट एब्सेसिक एसिड ग्रोथ से। अब तुम्हारा क्या है कि जो जिब्रेलिन से ये भी ग्रोथ से रहते हैं लेकिन नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ, ओ नॉट बोला नॉट, तो ये तो नॉट एब्सेस कैड, ये बौना बनाता है। आयोडीन तुम्हारा क्या है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, तुम्हारा थायरोक्सिन मैंने बताया था, ये से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा आवरणमय, अब आवरणमय बायोलॉजी का चैप्टर है, बायोलॉजी तुम्हारा टोटल 30 मार्क्स का आएगा जिसमें 25 मार्क्स के बाकी स्टार्टिंग के चार चैप्टर है, तुम्हारा लाइफ प्रोसेस, तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तुम्हारा रिप्रोडक्शन और तुम्हारा क्या है एक हेरिडिटी, और तुम्हारा 5 मार्क्स का ये वाला है, तो 25+5 तुम्हारा हो जाएगा 30 ठीक है। तो ये तुम्हारी चीजें हो जाएगी, मैं मिटा देता हूं यहां से ठीक है। हम लोग आगे बात करते हैं, अब ये तुम्हारा क्या, ये वाला तुम्हारा क्या है कि आवर एनवायरमेंट जो तुम्हारा 5 नंबर का आएगा, इसमें 2 नंबर का आएगा, 3 एमसीक्यू इससे छपेंगे, क्या कहेंगे मैं बता रहा हूं, इससे अगर क्वेश्चन बनेगा लिखवा के ले लो। अब तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में क्या बोलता है, जब तुम्हारा आवर एनवायरमेंट क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा क्या है ट्रॉपिक लेवल से ही एक टॉपिक है जिससे तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा तुम्हारा क्या है एक बायोमैग्निफिकेशन वर्क टॉपिक है, ये दो टॉपिक से यहाँ क्वेश्चन बनेगा, तीसरा टॉपिक से नहीं बनेगा, ट्रॉपिक लेवल और बायोमैग्निफिकेशन, तीसरा से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्या बनेगा भाई तुरंत बताता हूं, तुरंत बताऊंगा ठीक है। कोई चैप्टर खत्म होता है, डिफाइन अब कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले डिफाइन इकोसिस्टम फूड चेन एंड फूड वेब ठीक है। अब यहां पर देखो इकोसिस्टम, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है ट्रॉपिक लेवल आया, तो इससे तुम्हारा 5 नंबर का, 5 नंबर में से 5 नंबर जो तुम्हारा एमसीक्यू वगैरह सब इसी से बन जाएगा, इतनी कैपेबिलिटी रखता है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है भैया, अब ट्रॉपिक लेवल क्या होता है बिल्कुल ध्यान से सुना कि पेपर बनेगा तो यहीं से बनेगा। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, पूरा 5 नंबर का पेपर यहां से बनने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दे रहा हूं। ट्रॉपिक लेवल तुम्हारा क्या होता है ध्यान से देखना, अब तुम्हारा क्या होता है बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें मैं बता दे रहा हूं टॉपिक लेवल क्या होता है। मान के चलो इसमें एक सन है, अब सन से क्या होता है 100% एनर्जी निकली, 100% में सिर्फ 1% एनर्जी, सिर्फ 1% एनर्जी वो क्या होता है वो तुम्हारे पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो जो तुम्हारे प्रोड्यूसर जिनको बोला था, प्रोड्यूसर जो एकदम पौधे जो प्लांट्स रहते हैं वो 1% 100% का 1% एनर्जी ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, क्लियर वाली बात है। तो ये तुम्हारा सबसे मेन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो बच्चे सबसे मेन तुम्हारा इसका टास्क क्या है, जो सन से जो एनर्जी निकलती है वो 1% ही प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं, क्लियर वाली बात है। अब सन से जो 100% एनर्जी निकली उसका 1% प्लांट एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो 1% कितना होगा वो बहुत ज्यादा होता है, वो 10,000 जूल में मान लेता हूं कि 10,000 जूल ठीक है। अब ये जो प्रोड्यूसर लेवल से जब नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, जैसे प्लांट को रैबिट ने खा लिया तो ये नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर हो गई, तो ये जो मान के पास इसके बाद 10,000 जूल थी, इसका 10% ही नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, तो मान के इसके बाद 10,000 जूल था तो इसके पास बेचारे के पास 1,000 जूल ही बचेगा, इसका 10% ही इसको मिलेगा, क्लियर वाली बात है। एक जीरो कट जाएगा, क्लियर वाली बात है, एक जीरो कट जाएगा। फिर जब रैबिट था तो रैबिट के पास 1,000 जूल था, अब स्नेक पर रैबिट की नजर थी, मतलब कि रैबिट स्नेक की नजर रैबिट पर थी, तो अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, तो अब इसने इसको खा लिया, फिर 0 कट गया, 10% किया, तो फिर इसको बेचारे का 100 जूल ही मिला ठीक है। अब ईगल स्नेक को देख रहा था कि भैया खाना मिल गया, अब इसके पास 100 जूल था, अब ईगल ने फिर इसको खा लिया, अब ईगल ने देखा कि अब ईगल को फिर 1 जीरो कटा, अभी इस बेचारे को 10 जूली मिला, कल के दिन पर ईगलों को खा गया, ईगल को गेंडा खा गया, अब बेचारे गेंडे को 1 जूली मिलेगा, तो वही चीज होती है कि एनर्जी कितनी घट गई, इसके बाद 10,000 जूल थी इसकी 1 जूल हो गई, तो इसको बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल। तो ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रॉपिक लेवल अच्छे खासे पेपर में आता है, कंफ्यूज क्या करता है, यहां से 10% ट्रांसफर होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में जब ट्रांसफर होता है तो 10% एनर्जी जाती है, लेकिन सन से जब सन से एनर्जी प्लांट लेता है तो 1% ही लेता है, वो स्टार्टिंग में 1% रहता है, इसके बाद जैसे प्राइमरी सेकेंडरी में जाता है तो तुम्हारा 10% होने लगता है, क्लियर ये टॉपिक था ठीक है, इसे क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद तुम्हारा क्या, ये कार्टून, अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो 100% नंबर, ये जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है 100% गारंटी है भाई तुम्हारे बोर्ड के पेपर में 3 नंबर का आने वाला है, तो ये पिक्चर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन तुम अच्छे से देख लो भाई, प्री बोर्ड में ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें 3 नंबर आराम से दिलवा देगा, इस बात की गारंटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया, ऐसा क्वेश्चन नहीं देता सीबीएसई, पहली बार इस टाइप के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करती है। पिक्चर बेस्ड क्यों, क्योंकि यहां पर एक पिक्चर दी हुई है, कार्टून बिलो एड्रेसेस द ग्रोइंग कंसर्न, अब ग्रोइंग कंसर्न को एड्रेस करें, ये तुम्हारा कैबेज का, कैबेज बंदा को भी देखा उसका प्लेस का खेत है, अब इसमें ये कुछ कर रहा है, तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द प्रोसेस सोस इन ए इवेंट फॉर ह्यूमंस इफ दे ऑक्युपाई द लास्ट ट्रॉपिक लेवल ठीक है, एक्सप्लेन। अब लास्ट ट्रॉपिक लेवल ऑक्युपाई करने बोल रहा है तो इसमें इंपैक्ट क्या होगा, अब तुम मेरे, अब लास्ट ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या होता है, अब देखो मान के चलो ये जो कुछ छिड़क रहा है, अभी तुम्हें लग रहा है कि ये पेस्टिसाइड को छिड़क रहा है, पेस्टिसाइड क्या होता है, केमिकल जो कीड़े मारते हैं प्लांट, जो पौधों में कीड़े मारते हैं उसको केमिकल बोला जाता है। अब यहां पर बायोमैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, ये जो पेस्टिसाइड यहां डाल रहा है, इसने पेस्टिसाइड डाला ठीक है, वो इतना सा था ठीक है, उसको क्या हुआ, वो फील्ड से, फील्ड पहले फील्ड में था, अब फील्ड में छिड़का, वो इतना सा रहा ठीक है, वो वाटर से पानी पड़ा, जैसे पानी पड़ा, बारिश हो रही, यहाँ मछली बनी हुई, तुम देख रहे हो मछली बड़ी, ये छिड़क रहा, अब जैसे पानी पड़ा, ये जो खेत का पानी है यहाँ पर, ये
बाकी नदी में लगा, नदी में लगा, अब ये बहते रह रहा है, ये डालते रहा, ये बहते रहा था, इसने डाला था इतना सा एक बार में, अब ये बढ़ के नदी में इतना ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया बढ़ के, ठीक है, उसको मछली ने खा लिया, मछली के बाद और ज्यादा हो गया, मछली के बाद और ज्यादा बढ़ गया पेस्टिसाइड, अब मछली को पका के हुमन खा रहा, वही घूम के फिर यहाँ पर आ रहा है, फिर मछली को हुमन खा रहा, तो वही पेस्टिसाइड जो खेत में डाल रहा था वो सिर्फ हुमन के पेट में जा रहा है इतना ज्यादा। इसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन आएगा, बायोमैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए केमिकल और पोल्यूटेंट इंक्रीजेस इन अ कॉन्सेंट्रेशन एज इट मूव्स अप इन द फूड चेन, फूड चेन में बढ़ रहा है, और ह्यूमन को लास्ट टॉपिक लेवल में रहती है, तुम टॉपिक लेवल बनाओगे, फूड चेन बनाओगे, ये आंसर इसका, ठीक है, ये आंसर सीबीएसई ने दे रखा, और ये आंसर ये इतना तुम करोगे बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, क्वेश्चन आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंने इसलिए समझा दिया। उसके बाद तुम्हारा क्या कि अब तुम्हारा क्या कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट क्या है, मैंने तुम्हें बता, देखो कितना कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन भाई, सीबीएसई के सब छपा हुआ, 100% गारंटी कि तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन आने वाला, गारंटी के साथ बता, देखो होगा क्या। सबसे पहले तुम्हारा क्या कि द एनर्जी अवेलेबल इन द प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम, ठीक बोल रहा है, ठीक है, अब पूछ रहा है द एनर्जी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, द एनर्जी अवेलेबल इन द प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम, ठीक बोल रहा है, ठीक है, बिकॉज क्यों, बिकॉज इनकरेक्ट क्या है, अब देखो यहाँ इनकरेक्ट, इट यूटिलाइजेज 10% ऑफ एनर्जी, यूटिलाइज तो बेचारा 1% ही कर रहा था प्रोड्यूसर प्लांट, यहाँ बोल रहा है 10% कर रहा है लाइटली एंड ट्रांसफर टू द रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, तो यही तुम्हारा गलत स्टेटमेंट है, तो गलत स्टेटमेंट पूछ रहा था मतलब यही सही हो जाएगा, अब बाकी तुम्हारा इट ट्रांसफर ओनली 10% ऑफ एनर्जी, ये भी स्टेटमेंट सही है, 10% ट्रांसफर कर दे रहा, ये यूटिलाइज कितना कर रहा है बेचारा 1% ही कर रहा था प्रोड्यूसर वाला, तो ये तुम्हारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ डिकम्पोजन इकोसिस्टम, क्या नहीं है, तो ऑक्सीजन बढ़ाना नहीं है, बाकी तुम्हारा क्या है कि वो तुम्हारा क्या जानवर वगैरह खा के वो तुम्हारा रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल कर देता है, लेकिन ऑक्सीजन O2 देना नहीं होता है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या विच नॉट अ रोल, नॉट लग जाता भाई, नॉट या इनकरेक्ट भाई, बच्चा नहीं देखता गलती करता, ठीक है, तो यही तुम्हें देख कर रहा है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, उसके बाद तुम्हारा क्या कुछ क्वेश्चन और इफ लायंस आर रिमूव्ड, अब इससे एमसीक्यू बहुत ज्यादा आ रहा है, एमसीक्यू बहुत ज्यादा आ रहा है इससे, इफ लायंस आर रिमूव फ्रॉम द फूड चेन इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चेन, ये गलत गलत स्टेटमेंट है भाई, रीजन क्या, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर हु कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट, ये सही है, तो ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, ठीक है, और उसके तुम्हारा क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस, ऑल ऑफ द क्या है, अब तुम्हारा कैरिंग बैग्स वगैरह लेना, स्विचिंग अननेसेसरी लाइट ऑफ रखना, एसी वगैरह ना चलाना, ये तुम्हारा यही सारी चीजें, ठीक है, उसके तुम्हारा क्या डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेबल एंड नॉन बायोडिग्रेबल सच्चाई, ये भी तुम्हारा आता है, व्हाट इज टॉपिक लेवल, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज टॉपिक लेवल, गिवन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन टेन एंड स्टेट द डिफरेंस इन ट्रॉपिक लेवल्स, अब मैंने जो तुम्हें एग्जांपल दिया फूड चेन का, तुम्हारा रैबिट स्नेक वही तुम बना के डाल सकते हो, एनर्जी कम करते जाना 10% करके, भैया एनर्जी डालना हो जाएगा काम तुम्हारा, अब कुछ एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन है, अगर ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तुम कर लोगे बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, वही तुम्हारा एनसीईआरटी का व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, वही वाला क्वेश्चन जो पेपर में छपा था, वही तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, इतना अगर तुम कर लोगे इस चैप्टर बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, तुम्हें रोक नहीं पाएगा, बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, बिल्कुल इससे बाहर आ ही नहीं सकता पेपर, बायोलॉजी में बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, अब हम लोग आते हैं अपने फिजिक्स के चैप्टर, फिजिक्स चैप्टर सबसे ज्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, टोटल 25 नंबर का तुम्हारा फिजिक्स आने वाला है, हमने पूरी अपनी बायोलॉजी 30 मार्क्स की कंप्लीट कर ली है, पूरी केमिस्ट्री 25 मार्क्स की कंप्लीट कर ली है, बचे 25 मार्क्स में तुम्हारा 25 मार्क्स का फिजिक्स आने वाला है, उसमें सबसे ज्यादा नंबर का तुम्हारा आता है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे, फिर तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट करेंगे, फिर तुम्हारे लाइट रिफ्लेक्शन और ह्यूमन आई करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, जिससे 10 नंबर का पेपर तुम्हारा डायरेक्ट आने वाला है, मैं मजाक नहीं कर रहा, 10 नंबर का पेपर तुम्हारा आने वाला है, और मैं 10 नंबर का पेपर डायरेक्ट कहां से आएगा, डायरेक्ट तुम्हें बता दूंगा कि हां भैया 10 नंबर का पेपर यहां से आएगा, क्लियर वाली बात है, हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो तुम्हारा 10 नंबर का पेपर आने वाला है, चैप्टर नंबर 3 है जो तुम्हारा, इससे तुम्हारा 10 नंबर का पेपर आएगा, एक 5 मार्क का न्यूमेरिकल होगा, ये 3 मार्क वाला भी न्यूमेरिकल है, 2 मार्क वाला भी न्यूमेरिकल ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी में 99.99% गारंटी है कि तुम्हारा 10 के 10 नंबर का पेपर यहां से आने वाला है, इस बात की गारंटी है, मैं झूठ नहीं बोला, यहां से 10 नंबर का पेपर आने वाला, कैसे आने वाला दिखा देता हूं, तुम्हारा सबसे पहले सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इससे 10 नंबर का पेपर डायरेक्ट आने वाला है, अभी जो तुम्हारा सीबीएसई का लेटेस्ट पेपर रहा है उसमें भी दिया हुआ, पिछले 10 साल से लगातार रहा है, इसमें तुम्हें एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में एमसीक्यू नहीं होते, फिजिक्स में एमसीक्यू नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल मिलेंगे, कैसे मिलेंगे अभी बताता हूं, कौन सा न्यूमेरिकल मिलेगा डायरेक्ट बताऊंगा, क्लियर वाली बात है, इसमें तुम्हारा 10 नंबर का पेपर आएगा, सबसे पहले तुम्हारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज वाला, फिर तुम्हारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल वाला, ठीक है, उसके तुम्हारा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का डेफिनेशन भी करके पूछ लिया जाता है, ओम्स लॉ का डेफिनेशन भी तुम्हें पता होना चाहिए, और उसके अलावा ओम्स लॉ का V इक्वल टू IR इस फॉर्मूला से तुम्हारे न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है, और इसका एक VI ग्राफ भी होता है, यहां करंट है, यहां वोल्टेज है, तो तुम्हारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो इस तरीके से ऐसे जाएगा, तो ये वाला ग्राफ तुम्हें याद होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके रेजिस्टेंस यहां पर जाता है, ठीक है, यहां पर रेजिस्टेंस रहता है, यहां पर तुम्हारा करंट A रहेगा और यहाँ पर वोल्टेज रहेगा, क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारी ये ग्राफ भी तुम्हें पता होना चाहिए, ये भी ग्राफ इस तरीके से बनता है, क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा ग्राफ होंगे, ठीक है, हम लोग आ गए थे, पेपर बनता कहाँ से, अब तुम्हारा क्या, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, भाई साहब छप गया ये क्वेश्चन ना भाई, सीबीएसई वाला का फेवरेट है, सीबीएसई वाला का इक्का है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, तुम्हें याद रखना अच्छे से, ये तुम्हारा सबसे पहले क्या करता है, लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, फिर तुम्हारा क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, फिर तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और चौथा चीज तुम्हारा टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, क्लियर वाली बात है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसके कुछ फॉर्मूला है कि V इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, ठीक है, V R इक्वल टू V स्क्वायर / P वाला फॉर्मूला, उसके बाद R इक्वल टू ρ L / A वाला फॉर्मूला, जो तुम्हारा रेजिस्टिविटी वाला
फॉर्मूला है, तो ये तुम्हें कुछ फॉर्मूला याद नहीं, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे तीन तीन नंबर के, क्लियर वाली बात है। तीन तीन नंबर के बनेंगे, कैसे बनेंगे दिखा दूंगा, पहले मैं फिलर दे रहा हूं, न्यूमेरिकल दिखाऊंगा एकदम चमका के दिखाऊंगा भाई, ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट पेपर में आएगा, जो दिखाऊंगा वही बोर्ड में भी आएगा, प्री बोर्ड में छपेगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं। जो न्यूमेरिकल मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी, तीन न्यूमेरिकल आएंगे दस नंबर के, वही बोर्ड में भी वही आने वाला, क्लियर वाली बात है, ठीक है। उसका कोई डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पावर का कुछ फॉर्मूला, पावर से भी न्यूमेरिकल जनरली बनते हैं, तो पावर के भी कोई न्यूमेरिकल बनते हैं तुम्हारा, कि तुम्हारा क्या पावर क्या होता है, कि वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पावर हो गया। अब पावर तुम्हारा क्या है, कि ये तुम्हारा पावर P इक्वल टू VI हो गया, पहला फॉर्मूला, दूसरा तुम्हारा P इक्वल टू I स्क्वायर R हो गया, और दूसरा B स्क्वायर बाय R P इक्वल टू, तीनों फॉर्मूला तुम्हारे पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं भैया एक फॉर्मूला आएगा, नहीं तीनों तुम्हें खेलना पड़ेगा, क्लियर भाई, बात है, यहां तक तुम रेडी हो गए, ठीक है। हम थोड़ा सा और आ जाएंगे, अब आगे तुम्हारा क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंगे, थोड़ा सा और समझ लो, उसके बाद क्या कि हम लोग आगे बात करेंगे, पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ लो, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्योंकि तुम्हारा इसका डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू रेजिस्टेंस सम हीट इज डेवलप्ड इन द कंडक्टर, दिस फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हम लोग शर्ट वगैरह आयरन करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पर ही होता है। इसमें तुम्हारा एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछ लेता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। तो ये तीन चीजें पूछता है, इससे इन तीनों से एक फॉर्मूला बनता है, इससे तुम्हारा न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। तो इससे भी तुम्हारे तीन तीन नंबर, पांच पांच नंबर वाले न्यूमेरिकल डायरेक्ट आते हैं, डेफिनेशन भी जो मैंने अभी दिया वो तुम्हारा आता है, ठीक है। इतना तुम कर लो इलेक्ट्रिसिटी रेडी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे आएंगे कि कहां न्यूमेरिकल आते हैं, अब उससे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले एक टाइप का और न्यूमेरिकल आता है, उसके तुम फंक्शन समझ लो, फिर तुम एकदम रेडी हो जाएगा, भैया हम कर लेंगे, ठीक है। उसमें तुम्हारा क्या होता है कि वायर वाला, अब वायर की लेंथ छोटी कर देते हैं, कोई वायर इसका लेंथ L है और इसका डायमीटर A है, अब क्या कर जाएगा, इसकी लेंथ खींच के, मान लो इसको खींच दिया वायर को ऐसे खींच दिया, अब लेंथ तो डबल हो गई लेकिन वायर पतली हो गई, तो अब क्या हुआ, लेंथ 2L हो गई और वायर क्या हो गया, एरिया हो गया A बाय 2, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं, पिचका रहते हैं उसको, तो उसकी लेंथ क्या होती है, आधा हो जाती है लेकिन एरिया डबल हो जाता है उसका, तो उस तरीके से करते हैं। उसके बाद एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला भी तुम्हें पता होना चाहिए, V इक्वल टू W बाय Q, और चार्ज का फॉर्मूला था Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू IT, और तुम्हारा कुछ I इक्वल टू Q बाय T, यही वाला फॉर्मूला यहां पर दिया होता है, इतने फॉर्मूला तुम्हारे होंगे। अब हम लोग इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का फिलर हो गया भैया, करना क्या क्या, ठीक, क्लियर वाली सारी चीजें नोट कर ली, तो आप नोट कर लेना। अब तुम्हारा मेन न्यूमेरिकल, अब मेन न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल है भाई साहब, ये जो न्यूमेरिकल तुम्हें दिख रहा है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल तुम्हें दिख रहा है भाई, पांच नंबर का कंफर्म है, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ये न्यूमेरिकल तुम्हारे कंफर्म है, कि तुम्हारे प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आने ही आना है। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, इससे हार्ड न्यूमेरिकल भाई मैंने तुम्हें देखा नहीं अभी तक, सीबीएसई की हिस्ट्री में इससे हार्ड न्यूमेरिकल मैंने नहीं देखा, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये जो न्यूमेरिकल भाई तुम अच्छे से देख लो, तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में पांच नंबर का 100% कन्फर्म है कि ये न्यूमेरिकल तुम्हारा डायरेक्ट आने वाला है। मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, इससे हार्ड न्यूमेरिकल मैंने अपने 6 सालों का एक्सपीरियंस में नहीं देखा, उस टाइप का न्यूमेरिकल है। अभी सीबीएसई वालों ने इस लेवल का न्यूमेरिकल डाला, हार्ड है, मतलब जैसे पहले आता था उससे लेवल बहुत हाई है इस न्यूमेरिकल का, क्लियर वाली बात है, इजी है, बन जाएगा एक बार बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन लेवल ना हाई है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्लियर वाली बात है। ये थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल कैसे बनता है मैं बता दे रहा हूं। अब ये न्यूमेरिकल तुम्हें सर्किट दिया हुआ है, अब सर्किट सैंपल वगैरह छपा हुआ है, अब मैं ऐसा ही नहीं बोलता कि सीबीएसई वाले दे रहे, सीबीएसई वाले सैंपल वगैरह में डाला, इसी लेवल का वो बोर्ड में डालेंगे, हो सकता है यही डाल दे, यही डाल दे वैल्यू चेंज करके, ये भी हो सकता है। न्यूमेरिकल तुम अच्छे से देख लो, दिमाग में डाल लेना, क्लियर वाली बात है, देखो होता क्या। अब ये न्यूमेरिकल तुम्हें एक सर्किट दिया हुआ, मैंने कुछ चीजें लिख रखी है, ठीक है। अब एज सुन ली फिगर अबव ए एंड बी आर टू लैंप्स, ये लैंप है तुम्हारे ए और बी, ये जो कटे हुए लैंप है, ये ए और बी लैंप है, पहला ऑपरेट हो रहा तुम्हारा 12 वोल्ट पे और 24 वाट पे, दूसरा तुम्हारा ऑपरेट हो रहा है, यहां बताया कि 6 वोल्ट और 34 एम्पीयर पे करंट पे, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन R1 R2 खोने बोला, देखो कैलकुलेट द करंट इन लैंप पे, अब लैंप पे में करंट पूछ रहा है, लैंप पे में करंट पूछ रहा है, अब लैंप पे में कितना करंट होगा वो पूछ रहा है। देखो लैंप पे में तुम करंट कैसे निकालोगे, तो देखो यूज P इक्वल टू VI वाला फॉर्मूला लगाओ, जो मैंने तुम्हें पहले बता रहा वो फॉर्मूला लगा के सीधा निकाल लोगे, तो पहला एक नंबर तुम्हारे कंफर्म होगा भैया, एकदम आराम से एक नंबर के निकल गए, ठीक है। वो आधा नंबर का आधा फॉर्मूला, आधा टोटल एक नंबर का था, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या पूछ रहा है कि स्टेट एंड गिव रीजन, स्टेट एंड गिव रीजन फॉर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछ रहा है। अब बच्चा तो बोलेगा भैया सर्किट में तो 15 वोल्ट जा रहे हैं, 15 वोल्ट बोर्ड में गलती हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे। अब यहां तुम ध्यान से अगर इस सर्किट को देखोगे, इस सर्किट को और तुम ध्यान से देखोगे, तो ये सर्किट, ये तो तुम्हारा सीरीज में लगा हुआ R1, और जो तुम्हारे ये तीनों सर्किट है, ये R1 जो है और ये वाला जो है, ये वाला जो बड़ा सर्किट है और ये R1, ये तो सीरीज में लगा हुआ है। तो मतलब क्या है कि यहां पर जो तुम्हारा लैंप A की जो वोल्टेज दी हुई थी, ये 12 वोल्ट दी हुई थी, ये कितनी दी हुई थी, ये 12 वोल्ट दी हुई थी लैंप है की वोल्टेज। तो जहां वोल्ट मीटर तो तुम्हारा यहां लगा हुआ, तो मतलब ये जब 12 वोल्ट की यहां वोल्टेज है, मान के चलो टोटल, तो यहां 3 वोल्ट होगा, मतलब
यहाँ 3 वोल्ट होगा, यहाँ 12 वोल्ट है, टोटल 15 वोल्ट है ना, और लगा हुआ सीरीज में तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे, तो मतलब कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग यहाँ तो पैलर में, तो मतलब कि जो वोल्ट मीटर नाप रहा है ये एक ही नाप रहा है, तो यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग 12 वोल्ट ही होगा, समझ रहे हो बात को, तो यहाँ पर नंबर कट जाते हैं अभी, तो यही तुम्हारा एक तुम्हें ध्यान बरतना है, यहाँ पर सीरीज में लगाओ, यहाँ पर ऐसा सीबीएसई शो करना चाह रहा है कि सीरीज में नहीं है, ये तो इसी का पार्ट है, बच्चा फंस जाएगा, बोलेगा 15 वोल्ट है, वहाँ गलती कर देगा, या तो ये सीरीज में लगा हुआ दोनों, समझ रहे बात को, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा 12 वोल्ट होगा इसकी वोल्ट की रीडिंग, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया। उसके बाद तुम्हारा बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R2, अब R2 की रेजिस्टेंस पूरा रेजिस्टेंस R2 पूछ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 प्लस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अब R2 और B का दोनों पोटेंशियल डिफरेंस जो सीरीज में लगा हुआ है, दोनों तुम्हारा 12 वोल्ट मिला के, ठीक है, अब क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी 6 वोल्ट है, अब बी का पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता है 6 वोल्ट है, इन दोनों का मिला के इसका मिला के 12 वोल्ट है, तो इसका तो तुम्हें पता चल गया 6 वोल्ट है, तो तुम्हारा इसका कितना होगा, तो इसका तुम्हारा कितना होगा, 6 वोल्ट होगा, 12 से घटा दो तो 6 वोल्ट निकल जाएगा, तो यह तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया कि इसका भी 6 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, टोटल मिला 12। उसको तुम्हारा फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1, अब R1 की रेजिस्टेंस पूरा R1 रेजिस्टेंस आराम से निकल जाएगा, यहां पर तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम देखो यहां पर या तीसरे नंबर कहां गया, तीसरा चौथा नंबर होगा, यहाँ देखो करंट थ्रू R1, अब टोटल करंट तुम निकालोगे, टोटल करंट तुम्हारा कितना आएगा, टोटल करंट तुम्हारा कितना है, टोटल अब मान के चलो तुम्हारा कि यहाँ पर करंट तुम्हें 3 एम्पीयर दिया गया, ठीक है, 3 एम्पीयर, टोटल करंट तुम्हारा 5 एम्पीयर बताया गया, तो यहाँ 3 एम्पीयर है, यहाँ पर तुम निकालोगे यहाँ 2 एम्पीयर है, तो मतलब तुम्हारा क्या है कि 2 और 3 5 एम्पीयर है। अब तुम यहाँ पर R1 में आओगे तो यहाँ वोल्टेज भी निकलेगा कि 15 में से यहाँ पर 3 वोल्ट है, ठीक है, मैंने तुम्हें पहले बताया यहाँ 3 वोल्ट है, अब यहाँ पर 15 वोल्ट है, अब तुम करंट बी इजिकल टू IRL फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर 0.6 ओम हो जाएगा तुम्हारा करंट, तुम्हें पता है कि 2 एम्पीयर है और तुम्हारा वोल्टेज तुम्हें पता है कि यहाँ पर 3 वोल्ट है, अब यहाँ बी इजिकल टू IR निकाल के तुम निकालोगे, यहाँ तो टोटल 5 एम्पीयर करंट यहाँ दौड़ रहा था, क्लियर वाली बात है, इस तरीके की तुम्हारा न्यूमेरिकल बनाया, ये जो न्यूमेरिकल भाई पहले जब मैं बनाने वाला था मैंने जब देखा तो मेरे को खुद लगा इसका लेवल बहुत हाई है, मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें पता है कि तुम्हें तुम्हारे भैया का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत आगे तक मैंने पढ़ रखी है, उसका मेरा सर जाने वाला न्यूमेरिकल था ये, ठीक है, मेरे को बाद में सोल्यूशन भी देखना पड़ा, तब जाके वो न्यूमेरिकल मेरा सॉल्व हुआ, मैं झूठ नहीं बोलता, उस लेवल का न्यूमेरिकल है, मेरे से टीचर को सोल्यूशन देखना पड़ गया, समझ रहे हो, उस लेवल का न्यूमेरिकल है, समझ रहे हो बात को, थोड़ा सा घुमाने वाला न्यूमेरिकल है, एक झटके में सॉल्व नहीं होता, सबसे घुमाने वाला पार्ट जो तुम्हारा था ये तीसरा चौथा नंबर वाला था, समझ रहे हो बात को, ये तुम एक बार कर लोगे तो दिक्कत नहीं, तुम किसी भी टीचर से तुम पूछ लो क्लास 12 के लेवल का न्यूमेरिकल, क्लियर वाली बात है, क्योंकि मैंने बहुत आगे तक फिजिक्स पढ़ रखी, क्लास 12 के आगे तक पढ़ रखी, तो मुझे एक्सपीरियंस है, क्लियर वाली बात, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, अब आगे ये तो हमने देख लिया था, ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया था, अब एक और न्यूमेरिकल, अब ये भी न्यूमेरिकल 5 नंबर, इसी का भाई है ये, और लगा के आता है सैंपल और छपा हुआ था, तो ये भी न्यूमेरिकल तुम्हारे अच्छे से देख लो, 5 नंबर का तुम्हारे पेपर में छप सकता है, इसमें तुम्हारा क्या दिया हुआ है, तुम्हारा सबसे पहले दिया हुआ कि कोई सर्किट है इसमें 12 वोल्ट जा रही है, ठीक है, अब इसमें तुम्हारा सर्किट में 12 वोल्ट जा रही है, सर्किट दिया हुआ, अब बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, अब बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 देर इन पैरेलल, अब तुम्हें दिख रहा है कि 4 इसका जितना पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस फिर सेम होता है, तो जितना इसका भी होगा उतना इसका भी होगा, अब V इज इक्वल टू IR से ये वाला फॉर्मूला निकाल लेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ करंट दिया हुआ, तो V इसका निकल जाएगा, इसका जो V होगा वही इसका भी होगा, तो वही इसका V 6 वोल्ट निकल गया, ठीक है, अब पूछ रहा है सेकंड नंबर की द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2, अब रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू निकाल दो, R2 का रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, अब तुम्हें पता है कि यहाँ 2 एम्पीयर करंट दौड़ रहा था, तुम्हें दिख रहा है 2 एम्पीयर करंट दौड़ रहा था, अब 2 एम्पीयर करंट गया तो यहाँ 2 भाग में बट गया, यहाँ पर 1.5 एम्पीयर दिख रहा है हमें जा रहा, तो मतलब क्या आधा एम्पीयर जो बचा वहाँ यहाँ आधा एम्पीयर जा रहा होगा, आधा एम्पीयर यहाँ जा रहा होगा, तो इस तरीके से निकाला टोटल करंट कितना गया, अब देखो टोटल करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर कितना हुआ 2 एम्पीयर गया हुआ था, करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर 1.5 एम्पीयर, तो हेंस करंट थ्रू R2 रजिस्टर 0.5 एम्पीयर तुम्हारा गया, तो अब करंट तुम्हारा जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2, अगर R2 की वैल्यू भी पूछ रहा है तो तुम्हें पता है कि वोल्टेज तुम्हारा कितना है, यूजिंग ओम्स लॉ तुम लगाओगे वोल्टेज 6 वोल्ट, तुम्हें पता है कि वोल्टेज सेम रहता दोनों में, तो वोल्टेज तुम्हारा 6 वोल्ट है और तुमका R2 की वैल्यू निकाल तो 12 ओम आ जाएगा तुम्हारा, तो वो क्लियर है, अब उसके बाद तुम्हें पूछा है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1, अब R1 की रेजिस्टेंस पूरा टोटल रेजिस्टेंस निकालो, अब तुम्हें R1 की रेजिस्टेंस इसकी पूछ रहा है, ठीक है, अब इसकी रेजिस्टेंस तुम्हें पता है पूरी कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस तुम्हें पता है, तुम निकाल लोगे पैरेलल में 1/R1 R2 लगा के, इसकी रेजिस्टेंस तुम्हें पता है और टोटल रेजिस्टेंस तुम्हें पता है कि टोटल तुम्हारा सर्किट की रेजिस्टेंस कितना 12 वोल्ट और करंट दौड़ा 2 एम्पीयर करंट दौड़ रहा है, तो तुम्हारा रेजिस्टेंस 12 वोल्ट और करंट 2 एम्पीयर है, तो तुम्हें रेजिस्टेंस किसका पता चल जाएगा, ये सर्किट पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस पता चल गया, पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये R1 R2 और ये टोटल सर्किट के बराबर, तो इसको बराबर करके R1 की वैल्यू निकालोगे, भैया यहाँ पर निकाल लिया, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल तुम्हारा सॉल्व होगा, क्लियर वाली बात है, बहुत ही ट्रिकी टाइप के थोड़े न्यूमेरिकल इस बार बनाया गया CBSE के थ्रू, लेकिन क्या कि ये सॉल्व होने लायक है, जब तक तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हारे सॉल्व होंगे, और कोई बच्चा अंधुक्का चला जाएगा भैया मैं तो कर लूंगा न्यूमेरिकल सॉल्व, तो नहीं बनेंगे, ये लेटेस्ट पैटर्न के न्यूमेरिकल, ये बोर्ड के पेपर में आएगा भाई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, और इसी पैटर्न के आने वाले, इसलिए मैं तुम्हें बोला आंख भर के इसको लगा लो, इसको प्रैक्टिस कर लो भाई, इसी पैटर्न के आएंगे तुम कर लोगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कर लोगे, डरना नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, और आगे तुम्हारा क्या है कि द स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन आर और आर ऑफ अ वायर एंड इस लेंथ, मैंने तुम्हें बोला था लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, मैथमेटिकल सिंबल से बोल रहा है, तो रेजिस्टेंस तुम्हें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम्हारा लेंथ ऑफ वायर होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो तुम्हारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, इन दोनों को जब मिला देंगे तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए का फॉर्मूला बन जाता है, अब बोल रहा है यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है, पहले एक नंबर हो गया, यूजिंग द फॉर्मूला
अब बोल रहा है कि डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रेजिस्टिव एरिया किसी भी चीज का, वायर का एरिया जो इस तरीके का एरिया होता है, इसका क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है, और इसका लेंथ किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। तो अब तुम्हें जब वायर को रेजिस्टिविटी में लिखोगे, तुम लिखोगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वायर, ये जो वायर है जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो तुम्हारा क्या है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको तुम रेजिस्टिविटी बोलोगे। ये क्वेश्चन तुम्हें रट लेना, बिल्कुल न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पेपर में आएगा, तुम्हें लिख के चले आना, क्योंकि न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, समझ रहे बात को। ऐसे डेफिनेशन अभी तक सीबीएसई ने नहीं पूछा था, पहली बार पूछा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें थोड़ा समझ के रहना पड़ेगा, सीबीएसई नए नए टाइप के क्वेश्चन डाल रहा है, क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि अब यहां पर फिर से एक न्यूमेरिकल, फिर न्यूमेरिकल जितने आए सारे न्यूमेरिकल है भाई, मैं तो खुद देख रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ न्यूमेरिकल ही है, मतलब पहले एक एमसीक्यू बन जाता है, आजकल तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल ही बोर्ड के एग्जाम में पेपर में आएगा, क्लियर वाली बात है। इसमें तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक सर्किट है, तो उसमें तुम्हारा 230 वोल्ट जा रहा है। अब तुम्हें बोल रहा है कि कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन हीटर एक्स, तो पावर VI निकाल, डायरेक्ट निकाल लोगे। अब तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हारा कि द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल्ड देन वाई ऑफ डबल ऑफ वाई, तो कैलकुलेट द करंट इन हीटर वाई, अब हीटर में वाई में करंट पूछ रहा है, दोनों हीटर है, अब इसका रेजिस्टेंस डबल हो गया, इसका रेजिस्टेंस 2R हो गया, तो इसका करंट पूछ रहा है। तुम्हें पता करंट कितना दिया हुआ सर्किट में, 3.5 एम्पीयर दिया हुआ था, 3.5 करंट दिया हुआ था, इसका करंट कितना तुम्हारा 3.5 इसमें भी जा रहा था। तुम्हें पता है जैसे करंट जो रहता है तुम्हारा आई, जो करंट रहता है वो तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस रहता है, तो करंट जब डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस तुम्हारा आधा हो जाएगा, या रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो करंट दुगना हो जाएगा, रेजिस्टेंस जैसे डबल होगा तो करंट भी दुगना हो जाएगा, तो अब इसका रेजिस्टेंस क्या, वो डबल हो गया, इसका रेजिस्टेंस तुम्हारा डबल हो गया, तो इसका जो करंट है, इसका जो करंट है मान के चलो इसमें 3.5 एम्पीयर है, इसका रेजिस्टेंस डबल है 2R है, तो मतलब इसका रेजिस्टेंस तो R होगा, तो इसका 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 करंट कितना होगा, तो 7 एम्पीयर होगा। तुम दिमाग लगा लो, ये रेजिस्टेंस आधा है तो करंट डबल होगा इसका, तो ये तुम दिमाग लगाना कि ये रेजिस्टेंस डबल होगा, इस तरीके से तुम्हें इसको निकालना। ये भी थोड़ा टिकी साइड का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारे पेपर में आएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, फिर से एक न्यूमेरिकल, अब यहाँ भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अब यहाँ एक सर्किट दिया हुआ है, इन अ गिवन फिगर 2x and y कैरेक्टरिस्टिक सीरीज द पावर इज डिसिपेटेड इन कॉम्बिनेशन P1 by P2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अब तुम पावर निकालोगे, अब P1 by P2 दोनों पावर निकालोगे और P1 by P2 डिवाइड कर दो, ये थोड़ा इजी है, P1 by P2 तुम्हारा 2/9 निकलेगा, इजी क्वेश्चन है, अच्छे से तुम्हें बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा इजी बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब तुम्हारा पूरा ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंटेनर डिपेंड, ये जो क्वेश्चन है भाई, ये जो तुम दुनिया छोड़ देना भाई, ये जो क्वेश्चन है भाई 100% गारंटी तुम्हारे पेपर छपने वाला है, इस बात की गारंटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, लेंथ ऑफ वायर, सबसे पहले तुम्हारा पूछता है, बोलता है लेंथ ऑफ वायर, ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंटेनर डिपेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, तुम्हारा टेंपरेचर, ठीक है। मैं पहले तो मैं बता रहा हूं, लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगा तो तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और तुम्हारा क्या था, एक नेचर ऑफ मटेरियल, वो तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, आप ये प्लास्टिक है तो इसमें तुम्हारा क्या करंट फ्लो नहीं होगी, यही मेटल रहेगा तो तुम्हारा करंट फ्लो होने लगेगी, तो वही तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। उसका तो एग्जांपल 11.4 इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, न्यूमेरिकल 3 नंबर का आता है, उसका 11.6 जो एनसीईआरटी बुक में सोल्व किया हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है, तुम कुछ भी छोड़ देना भाई, इन एग्जांपल को मत छोड़ना, डायरेक्ट पेपर में आता, प्रीबोर्ड डायरेक्ट बोर्ड में भी आएगा, क्लियर वाली बात, इसको तुम कर लोगे। फिर हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि 11.7 11.8, ये भी तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसका तुम्हारा क्या 11.9 भी कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद तुम्हारा 11.10, उसके बाद 11.13, ये सारे एग्जांपल मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं, इतना न्यूमेरिकल करने के बाद ना भाई, न्यूमेरिकल तुम्हें कुछ नहीं करना, लेटर सिर्फ न्यूमेरिकल करना है, तो न्यूमेरिकल तुम कर लेना भाई, अच्छे से कर लेना, तुम उसमें कंजूसी मत करना, पेपर में 10 के 10 नंबर का वही आना, मतलब 80 मार्क्स में थे, 80 मार्क्स में इलेक्ट्रिसिटी में, 80 मार्क्स का टोटल पेपर होता, उसमें से तुम्हारा 10 नंबर का पेपर सीधा इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है, सोच लो कितना ज्यादा वेटेज है, समझ रहे हो, इन न्यूमेरिकल को मत छोड़ना भाई, गलती से मत छोड़ना, यही न्यूमेरिकल तुम्हें डायरेक्ट आने वाले हैं, पावर से रिलेटेड, रेजिस्टेंस रिलेटेड, ओम्स लॉ से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, इस टाइप के न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, ये वाला वो तुम कर लोगे। उसका तुम्हारा क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ गया, तो इतना तुम कर लोगे भाई, इस चैप्टर में तुम किंग बन जाओगे, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आता था, बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओगे इलेक्ट्रिसिटी में, इतना तुम कर लोगे, इलेक्ट्रिसिटी महारत हासिल हो जाएगी, न्यूमेरिकल में महारत हासिल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, अब हम लोग आते हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 पे, जो तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा इजी चैप्टर, जितना हार्ड तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी था उतना ही ज्यादा इजी है, ये 5 नंबर का तुम्हारे पेपर में आता है, ये 5 नंबर तुम्हारे फ्री के है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, अगर तुम 5 मिनट सुन लेते हो, नेक्स्ट 5 मिनट अगर तुम और सुन लेते हो, मैं इस बात की गारंटी देता हूं भाई, तुम टिके रहना, 5 नंबर तुम्हारे में कंफर्म करा दूंगा, उतना इजी चैप्टर है ये, 5 मिनट अगर तुम ध्यान देकर सुन लेते हो अटेंशन के साथ, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं भाई, इससे बाहर तुम्हारा नहीं आएगा, मैं 5 मिनट तुम्हें बता रहा हूं इससे क्या आने वाला, गारंटी के साथ, इससे आसान फिजिक्स में चैप्टर ही नहीं, फिजिक्स का सबसे इजी चैप्टर है, क्लियर वाले बात, मैं तुम्हें बताता हूं इसमें आता क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा टोटल 5 नंबर का आएगा, इसमें एक 3 मार्कर आएगा, एक 2 मार्कर आएगा, इसमें एमसीक्यू कम आते हैं, एमसीक्यू नहीं आते, इसमें सिर्फ 3 मार्कर 2 मार्कर वाले क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है भैया इसमें तुम्हारा, आता है ये वाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, भाई साहब छप गया, 100% कन्फर्म है, ये जो सोलेनोइड का डायग्राम है तुम्हारे प्री बोर्ड के और बोर्ड एग्जाम पेपर में छपने वाला है, कोई रोक नहीं सकता, बोर्ड में तो कन्फर्म आएगा, क्या आने वाला भैया बता देता हूं,
बोर्ड में तुम्हारा क्या था, ये डायग्राम आता है, ये सोलेनोइड है। सोलेनोइड में क्या होता है, सोलेनोइड एक वायर का रहता है, वायर आता है, सोलेनोइड का डेफिनेशन भी आता है। सोलेनोइड का डेफिनेशन क्या होता है, सोलेनोइड इज ए हेलिकल वुंड कॉइल सराउंडेड बाय सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, अब जब व्हेन करंट पासेस थ्रू अ सोलेनोइड इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो करंट। ठीक है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तुम्हारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और करंट को भी जनरेट करता है। कैसे, सबसे पहले तुम्हारा क्या, जब भी तुम करंट दोगे सोलेनोइड में, जब भी तुम करंट दोगे तो ये तुम्हारा क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट, ये मैग्नेट बन जाएगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, और तुम करंट नहीं देते और तुम एक सॉफ्ट आयरन कोर यहां पर लगा देते हो, सॉफ्ट आयरन कोर यहां पर रहना चाहिए, कोई आयरन का लोहा का टुकड़ा यहां रहना चाहिए, उसको तुम आगे पीछे करते हो तो यहां पर जो करंट है, यहां पर करंट इंड्यूस होने लगा, प्लस आने लगा या माइनस आने लगा, मतलब अपने आप करंट बनने लगेगा यहां पर, अगर तुम इसको आगे पीछे करोगे तो। और आगे पीछे नहीं करोगे, सिर्फ करंट दोगे, सिर्फ करंट दोगे तो यहां पर क्या, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ये मैग्नेट बन जाएगा। तो ये तुम्हारा सोलेनोइड होता है, क्लियर है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा सेकंड टॉपिक क्या है, तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब तुम्हारा ये राइट हैंड थंब रूल निकालता है, करंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट नीचे जा रही है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब करंट जैसे तुम्हें नीचे जा रही है, करंट नीचे जा रही है, यहां तो दिख रहा है, मान लो ये पेन है, करंट यहां नीचे जा रही है, अब करंट का डायरेक्शन तुम्हारा थंब होगा, करंट के डायरेक्शन मान लो करंट नीचे जा रही है, यहां पर करंट का डायरेक्शन तुम्हारा थंब होगा, राइट हैंड वाला होगा, थंब होगा। और तुम ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे थंब रख लोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, जिस डायरेक्शन में तुम्हारी ऐसे उंगली जाएगी उस डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। उंगली कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, उंगली ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब उंगली ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा तुम्हारा, क्लॉकवाइज, CLO CKWIS, क्लॉकवाइज। ये याद रखना, ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा, ये क्लॉकवाइज मतलब कि तुम्हारा ये लिखने के लिए आएगा तुम्हारा, तुम ध्यान में रख लेना, क्लॉकवाइज और उल्टा रहता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या आएगा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये तुम्हें तीन प्रॉपर्टीज याद कर लेनी है। और ये डायग्राम तुम्हें आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये डायग्राम तुम्हें आता है कि बार मैग्नेट किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनती है, डायग्राम याद कर लेना, ये पेपर में आता है। और प्रॉपर्टीज बताता है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर क्राउडेड पोल्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इन फ्रॉम साउथ पोल में एंड हो जाता है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, यहां से निकलता है, यहां से एंड हो जाता है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा इससे सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखो ये जो चीज है ना भाई, छप गया पेपर में, ये छप गया हर साल पेपर में, जब भी मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन आता है यही वाली चीज आती है। क्या आती है, यहां तुम्हारा करंट पास होगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन करा दूंगा, यहां तुम्हारा करंट पास होगा वायर से, अब यहां मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अब इससे तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये डायग्राम तुम्हें याद होना चाहिए, क्लियर वाली बात है। अब तुम्हारा क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहां पर तुम अगर लेफ्ट हैंड को इस तरीके से करोगे तो यहां तुम्हें पता होना चाहिए, फादर, इसको तुम फादर बोलना, इसको मदर बोलना, इसको चाइल्ड बोलना, फादर मदर चिल्ड्रन। ठीक है, अब फादर तुम्हारा क्या होगा, फादर तुम्हारा फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा तुम्हारा फादर। ठीक है, मदर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा मोशन होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, करंट होगा। जब करंट ऐसे जाएगी तो मैग्नेटिक, जब करंट मान लो ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है, तो मोशन इधर साइड होगा, समझ रहे बात, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन कभी भी आता है, क्लियर वाली बात, ये तुम जान लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्या मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये वाला है, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इंक्रीजेस व्हेन द करंट इन वायर इंक्रीजेस। अब तुम्हारा क्या, कंपास नीडल, कंपास रिलेटेड इससे एक ही चीज आएगी, मैं तुम्हें 5 मिनट बोल रहा था, 5 मिनट में तो मैं तुम्हें बता दी, एक ही चीज आएगी, ये कंपास रिलेटेड क्वेश्चन। कैसे बनते हैं भैया, मान के चलो किसी वायर में करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है इस वायर में, इस तरीके करंट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर तुम कंपास को रख दो, कंपास को रखा, द डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल इंक्रीजेस व्हेन द करंट इन वायर इंक्रीज। जैसे ही तुम करंट को यहां पर, मान के चलो पहले यहां पर 1 एम्पियर पार हो रहा था, तो डिफ्लेक्शन तुम्हारा इतना सा था। ठीक है, जैसे ही तुम करंट को 2 एम्पीयर यहां पर करोगे, जैसे ही करंट को 2 एम्पीयर कर दो, ये जो डिफ्लेक्शन है, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो यहां डिफ्लेक्शन बढ़ा, कंपास भी तो मैग्नेट का बना रहा था, तो यहां जैसे ही डिफ्लेक्शन भी डबल हो जाएगा, यहां 2 एम्पीयर में डिफ्लेक्शन डबल, 3 करोगे तो यहां डिफ्लेक्शन यहां हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरह का डिफ्लेक्शन बढ़ते जाएगा, जैसे तो मतलब करंट बढ़ेगा तुम्हारा, तो डिफ्लेक्शन भी कंपास नीडल बढ़ेगा, ये तुम्हें जानना पड़ेगा, ये पेपर में आता कैसे क्वेश्चन आएंगे दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल बिकम्स अपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। अब तुम्हारा क्या है, मान के चलो डायरेक्शन ऑफ करंट पहले ऐसे जा रही थी, करंट पहले ऊपर इधर जा रही थी, अब करंट उल्टी जाने लगी, अब करंट यहां काट के करंट ऐसे जाने लगी, करंट उल्टी जाने लगी, तो डिफ्लेक्शन पहले इधर साइड था, अब तुम्हारा क्या, डिफ्लेक्शन तुम्हारा उल्टी साइड होने लगा, इधर साइड होने लगा, तो मतलब करंट उल्टा होगा तो डिफ्लेक्शन का साइड तुम्हारा अपोजिट साइड होने लगा। पहले तुम्हारा क्या है, पहले तुम्हारा इधर ईस्ट के साइड जा रहा था, अब तुम्हारा नॉर्थ के साइड जाने लगा, समझ रहे बात को, तो उल्टा हो गया डिफ्लेक्शन, समझ रहे, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा डिस्टेंस, अब जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बन रहा है, जैसे जैसे तुम डिस्टेंस बनाओगे कंपास का, वैसे डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड जा रहा थी, अब यहां मैग्नेटिक फील्ड, अब कंपास को तुम यहां ले आओगे, तो यहां डिफ्लेक्शन पहले यहां पर इतना था, यहां पर थोड़ा सा और कम होने लगेगा, तो जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे डिफ्लेक्शन तुम्हारा कम होने लगेगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, अब इससे तुम्हारे क्वेश्चन कैसे आता है मेन मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब इससे तुम्हारे क्वेश्चन देखो कैसे था, उससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा डोमेस्टिक सर्किट वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, या पहले क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर डोमेस्टिक सर्किट देखेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे आता है फिर डोमेस्टिक सर्किट देखेंगे। अब क्वेश्चन तुम्हारा कैसे आता है, इससे ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है 100% कन्फर्म है, 100% गारंटी है कि भाई तुम्हारे पेपर में तुम्हारे छपने वाला है, तो प्री बोर्ड के लिए भाई तुम अच्छे से देख लो, 3 नंबर का तुम्हारे प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन जो आने के लिए कन्फर्म है, आने ही आ रहा, कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल कन्फर्म क्वेश्चन है। कैसे आएगा भैया, अब यहाँ पर वही वाला वायर दिया हुआ, याद होगा तुम्हें वही वाली चीज दी हुई है, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अब यहाँ पर कंपास दिया हुआ है, अब कंपास में यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि मोना इज डूइंग एक्सपेरिमेंट विद मैग्नेटिक कंपास एंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, सी ऑब्जर्व दैट सी मूव्ड द कंपास अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर,
डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल रिड्यूस, ठीक है। अब जैसे तुम करंट कैरिंग वायर से दूर ले जा रही, वहां डिफ्लेक्शन कमजोर हो जा रहा। अब बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल रिड्यूस्ड व्हेन मोना मूव्ड वायर। अब जैसे ही कंपास को पहले यहां रख दिया, अब जैसे दूर कर दी कंपास को, डिफ्लेक्शन कम हो गया। मैंने तुम्हें बताया क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस से तुम्हारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल तुम्हारा क्या रहता है, डिफ्लेक्शन रहता है, डिफ्लेक्शन रहता है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उसलिए तुम्हारा डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर में दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है तुम्हारा कम हो जाएगी वहां पर, ठीक है। सेकंड पूछ रहा है, मेंशन द थिंग दैट कुड हैव बी चेंज इन अ सर्किट टू हैव वायर दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन नीडल। अब इंक्रीज, अब बोल रहा है कि एक कोई ऐसी चीज बताइए जिससे डिफ्लेक्शन बढ़ जाए। डिफ्लेक्शन कब बढ़ रहा था, जब वायर में करंट बढ़ा, जब वायर में जैसे करंट बढ़ेगा, करंट पहले एक एम्पियर था, करंट को दो एम्पियर कर दो, तो जैसे ही करंट दो एम्पियर होगा तुम्हारा डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा वायर में, ठीक है। अब तीसरा पूछ रहा है, एक्सप्लेन द रीजन व्हाई व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर इन केस ऑफ डिस्क्राइब फिगर। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, अब तुम्हें यहाँ थोड़ा दिमाग लगा रहा है, यहाँ तुम्हें दिया हुआ, यहाँ बड़ा वाला जो तुम्हारा डिस्टेंस है, ये जो तुम्हारा बैटरी बनी हुई, ये बैटरी बनी हुई, इसमें जो बड़ा वाला वो प्लस होगा और छोटा वाला नेगेटिव होगा। तो जहाँ बड़ा वाला वहाँ से करंट तुम्हारा जाता है, तो बड़े वाले से करंट जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ से ऐसे नीचे जा रही है। अब करंट की डायरेक्शन नीचे जा रही है, तो अगर तुम राइट हैंड थंब रूल से देखोगे, करंट की डायरेक्शन ऐसे नीचे जा रही है, अब तुम ऐसे करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या इधर साइड बन रहा, तो ऐसे मतलब क्लॉकवाइज बन रहा, तो यहीं पर तुम्हारा क्लॉकवाइज देगा। इस तरह से क्वेश्चन को तीन नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, इससे बाहर तुम्हारा नहीं आया, क्लियर वाली बात है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है? हम मैंने यहाँ पर बोला था डोमेस्टिक सर्किट, ये भी पेपर में कभी बनाने आ जाता है। डोमेस्टिक सर्किट में तुम्हारे तीन वायर रहता है, जो तुम्हारे घर में करंट आता है। पहला तुम्हारा अर्थ वायर रहता है, जो जमीन में गड़ा रहता है, दूसरा लाइव रहता है, तीसरा न्यूट्रल रहता है। लाइव वायर का काम कर रहा है, कलर कोडिंग है वायर की, लाइव वायर का काम कर रहा है, पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है, बीच वाला तुम्हारा न्यूट्रल रहता है, अर्थ वायर जो रहता है न्यूट्रल रहता है, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा क्या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, ये वो है, ये तुम्हें बना हुआ आता है, इसमें तुम्हें कलर कोडिंग पूछता है, 220 वोल्ट रहती है तुम्हारी। मेन तुम्हें ये नहीं आएगा, मेन तुम्हें पूछेगा कि अर्थ वायर का काम क्या है, मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। तुम्हारा शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, तुम्हारा जब भी वायर तीन तरीके का होता है, मैंने तुम्हें बताया। अब जब तुम्हारा रेड वाली वायर और ब्लैक वायर, व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टेक्ट एंड इट कैचेस फायर, इज नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये अर्थ वायर का कोई काम नहीं रहता इसमें। उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज या तो तुम्हारा लीड से बनता है, टीन से बनता है। कारण क्या है, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या है, इट्स अ सेफ्टी डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ सर्किट फ्रॉम क्या बोलता है, शॉर्ट सर्किटिंग और फॉर ओवरलोडिंग, और क्या क्या सर्किट ब्रेक हो जाता है, तार जलने से बताता है। क्योंकि मान लीजिए शॉर्ट सर्किट, अब बीच में तुम्हारा फ्यूज लगा हुआ है, अगर फ्यूज लगा तो इससे शॉर्ट सर्किटिंग, उससे पहले ही तुम्हारा फ्यूज पिघल जाएगा, ठीक है, तो वो तुम्हारा सर्किट बच जाएगा। और अर्थ वायर का काम क्या होता है, यही पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है कि अर्थ वायर का काम क्या होता है। जनरली अर्थ वायर का काम तुम्हारा क्या होता है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। आगे क्या था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर एंड व्हाई इट इज नेसेसरी इन इन मेटल का अप्लायंस में नेसेसरी क्यों है। मान चलो ये कूलर है, अब ये कूलर में तुम्हारा क्या है कि इसमें तुम्हारा अर्थ वायर लगा हुआ है। अब मान लो अगर इसमें अर्थ वायर नहीं रहेगा, तो मान लो तुम कूलर इलेक्ट्रिसिटी का, मान लो यही कूलर, ये बोर्ड कूलर है। अब मान के चलो मैं इस बोर्ड को छूंगा, तो इसमें तुम्हारा क्या है, मेरे को करंट मार देगा। मान के चलो करंट मार देगा, अब इस बोर्ड में तो अर्थ वायर लगा हुआ, तो अर्थ वायर मतलब क्या है, इस बोर्ड में जो करंट, मान लो बॉडी में कभी कभी बॉडी से लाइव वायर रेड वाला टच हो जाता है, तो करंट तुम्हें ना मार के क्या होता है कि इसमें अर्थ वायर रहता है, वो अर्थ धरती पर लगा हुआ रहता है, तो धरती क्या होता है कि उसको खींच लेती है, तो धरती खींच लेती है, तुम्हें क्यों मारेगा, समझ रहे बात को। अर्थ वायर धरती में करंट को, जैसे मान लो लाइव वायर बॉडी में टच हो गया इसका, तो ये जो बॉडी से टच होने के बाद उसको धरती खींच लेती है, तो वो धरती में क्या है, तुम्हें करंट नहीं मारता, इसलिए तुम्हारा ये क्या बोलता है, ग्रीन वायर इंपॉर्टेंट, ग्रीन वायर जो अर्थ वायर रहता है, क्लियर वाली बात है। तो दूसरा तुम्हारा क्या है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट, मैंने तुम्हें बोला प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। फिर व्हेन डज द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, मैंने तुम्हें बोला लाइव वायर प्लस और माइनस जब टच हो जाते हैं तब तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है। उसके बाद तुम्हारा लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने तुम्हें बताया था। इतना अगर तुम कर लोगे इस चैप्टर में, बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर आ गया ना भाई, हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें बता दिया चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है, और चलते नेक्स्ट चैप्टर पर। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स के एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। भाई साहब इससे भी सिर्फ न्यूमेरिकल ही तुम्हारा आता है, सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा और थोड़े मोड़े तुम्हारे एमसीक्यू आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें तुम्हें दिमाग से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा। कहां से न्यूमेरिकल आएगा, डायरेक्ट मैं तुम्हें बता दूंगा, जा रहा है इसमें इधर उधर की चीजें करोगे दिक्कत में पड़ जाएगा, उससे तुम्हारा काम नहीं होगा। कहां से क्वेश्चन आएगा मैं डायरेक्ट तुम्हें बताऊंगा। देखो क्या होता है इसमें, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बार तुम्हारा 8 नंबर का ही आ रहा है। इसमें तुम्हारा एक 4 नंबर का केस स्टडी, एक 2 मार्क और 2 एमसीक्यू। पहले ये 10 से 11 नंबर का आया करता था, पर इसका वेटेज अब सीबीएसई वाला ने थोड़ा सा कम किया जा रहा है, कम नहीं किया, 2 नंबर का कम किया है। ये 8 नंबर का इंटैक्ट वेटेज अभी भी ये सबसे ज्यादा इसका बोर्ड एग्जाम में वेटेज रहता है कभी कभी, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्या है, इमेजेस फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर सबसे इमेजेस जो फॉर्म होती है उसी से तुम्हारे न्यूमेरिकल बनेंगे। यहाँ कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर से तुम्हारी 6 तरह की इमेजेस फॉर्म होती है। ये 6 इमेजेस तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे तुम्हारे
इमेज जब तुम्हारा, जैसे तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्या, जैसे इमेज तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो तुम्हारा जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज तुम्हारा कहां बनेगा, ये तो मैं बताना रहता है। जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा 2C पे, 2C पे, इसमें सी पे था, इसमें 2C पे, तब तुम्हारा, फिर तुम्हारा यहां ऑब्जेक्ट 2C पे, तो तुम्हारा इमेज कहां बनेगा, इमेज यहां पे बन रही है। उसी तरह सारे तुम्हारे दिए हुए हैं, तुम्हारा तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा सी और एफ के बीच में, तब तुम्हारा इमेज कहां बनेगा, तो इमेज वहां पर 2C के उल्टा बनेगा, वर्चुअल वाला बनेगा तुम्हारा इमेज। तो ये तुम्हें छह हो, तुम्हें याद होना चाहिए एकदम कंठस्थ, रट लो इसको, अगर तुम रट लोगे नंबर कंफर्म है, नहीं रट पाओगे नहीं बनेंगे न्यूमेरिकल क्लियर वाले, इसको तुम रट लोगे पहली चीज करोगे, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हारा क्या इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से दो ही बनते हैं क्योंकि वर्चुअल बनेंगे, तो ये तुम्हारा एक ये वाला केस है, एक ये वाला केस है, क्लियर वाली बात है। उसको तुम्हारा क्या यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, तो ये तुम्हें यूजेस कुछ पता होना चाहिए, दो नंबर के पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के साथ साथ, तो यूजेस पता होनी चाहिए। उसको तुम्हारा क्या मिरर फॉर्मूला, अब मिरर फॉर्मूला तुम्हारा क्या इसके न्यूमेरिकल आता है, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1 by u plus 1 by f = 1 by v plus 1 by u = 1 by f, ये तो तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, और इससे साथ मैग्निफिकेशन और एक फॉर्मूला, इससे भी न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आता है, ये तुम्हारा क्या मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज h डैश बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ इक्वल टू माइनस v बाय u, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, इतना तुम करोगे, इससे न्यूमेरिकल आएंगे, मैं दिखाऊंगा कैसे आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन, तुम्हें पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, तुम्हें पता है कोई भी चीजें आ जाती है तो तीनों एक सेम प्लेन में लाई करते हैं, आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब तुम्हारा क्या लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन, कभी पूछ लेता है कि लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन क्या, वही चीज है, तुम्हारा सेकंड लॉ तो सेम होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, और इसका एक स्नेल्स लॉ होता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, तो इससे तुम्हारे आजकल न्यूमेरिकल थोड़े कम आते, थोड़े कम आते हैं, ये तुम दोनों लॉ याद रखना, और ये तुम्हारा स्नेल्स लॉ थोड़े कम न्यूमेरिकल आजकल आते, लेकिन आते मेन तुम्हारा कहां से आएगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, आगे तुम्हारा यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म, ये डायग्राम कभी कभी आता है, रिफ्लेक्शन होती है, लाइट लाइट है यार, रिफ्लेक्शन कैसे हुए लाइट, लाइट में लाइट को इस तरीके सीधे जाना चाहिए, यहाँ पर डाइवर्ज होकर यहाँ से इस तरीके से पैरेलली निकल गया, लेटरल शिफ्ट बताना होता है, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा क्या कि तुम्हारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल, कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से भी आजकल न्यूमेरिकल थोड़े कम आता है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, कहां से आता फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, आता है कम आता, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, कहां से आता मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। अब तुम्हारे यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ये तुम्हारे आ जाते कभी दो दो नंबर का, तो याद रखना, कनकेव और कन्वेक्स लेंस के बारे में, लेंस आ जाते तुम्हारे, मिरर भी आते हैं, लेंस भी आते हैं, ठीक है। लेंस क्या, ये तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह हो गया, वो सारी चीज यूजेस होते हैं, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या है, इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस, अब कन्वेक्स लेंस में कौन कौन सी इमेज, इससे भी तुम्हारे न्यूमेरिकल बनेंगे, ध्यान रखना कन्वेक्स लेंस वाले भी, इसी को तुम्हें को याद रखना है, कि तुम्हारा 2C पे, जो तुम्हारा सी पे रहेगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनेगा, 2C पे रहेगा तो कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में रहेगा तब कहां बनेगा, तो ये तुम्हें याद रखना, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। छह तुम्हें फिर से याद रखना पड़ेगा, ये लेंस वाला भी, इस बार उसके बाद तुम्हारा क्या इमेज, इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस, कनकेव लेंस वाला भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है पावर ऑफ लेंस, तो मैंने तुम्हें बताया कि पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ होता है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस 1 बाय फोकल रहता है, उसको डायोप्टर में नापा जाता है, और तुम्हारा फोकल लेंथ जो रहेगा वो मीटर में रहेगा, ठीक है। पावर को ऐड किया जाता है P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरह पावर ऐड हो जाता है। लेंस फॉर्मूला तुम्हारे न्यूमेरिकल फिर से मैं बोल रहा हूं आएंगे 1 by v minus 1 by u = 1 by f, ये वाला, और उसका मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v / u, उसमें माइनस v / u था, इसमें v / u है, क्लियर वाली बात है। इसमें तुम्हारा क्या होता है माइनस वन, यहाँ पर यहाँ माइनस लगा हुआ रहता है, यहाँ पर यहाँ उसमें प्लस था, यहाँ माइनस लगा हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हारा होगा, उसमें तुम्हारा यहाँ मेन न्यूमेरिकल कहाँ से बनेगा, अब मैं दिखा रहा हूँ। अब ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, ये जो लेंस वाला डायग्राम वाला, ये जो टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, 100% कन्फर्म है तुम्हारे पेपर में आने वाला है। तो क्लास 10 वाले अच्छे से देख लो भाई, क्लास 10 वाले अच्छे से देख लो, ये टेलीस्कोप वाला न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, 100% कन्फर्म है, ये 4 नंबर का तुम्हारे बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आने वाला है, मैं तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। इसमें तुम्हारा क्या है, एक टेलीस्कोप बना हुआ, एकदम डरा देगा बच्चों को कि भैया टेलीस्कोप बना, एकदम बच्चा डर जाएगा, देखिए भैया टेलीस्कोप बना हुआ क्या चीज बनी हुई है, कुछ नहीं है भाई क्वेश्चन में, मैं दिखा रहा हूं। अब इसमें पूछ रहा है कि द एबव इमेज शो दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ टेलीस्कोप रेवोल्यूशन वेज इन लुकिंग इन द स्काई, स्काई वगैरह देखने के लिए यूज किया जाता है, ये बोल रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ इमेज ऑफ द स्टार्स इज सीन बाय द ऑब्जर्वर इन आईपीस, अब इमेज कौन सी बन रही है, तो अब इमेज तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर कोई रियल इमेज बन रही है, वर्चुअल नहीं, वर्चुअल बनने का मतलब क्या कि कोई भी लेंस है, अब यहाँ से यहाँ चीजें गई, अब इससे बाईपास होकर चीजें बन रही है, मतलब कि जैसे तुमने देखा होगा ना इस टाइप के लेंस में कि क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट किया, अब यहाँ से किया, अब इससे बाईपास होकर इमेज बन रही है, तो ये बाईपास होकर बन रही है, सीधा इमेज बन रही है, सीधा इमेज मतलब कि यहाँ पर डॉटेड डॉटेड इमेज नहीं बनती, वो तुम्हारा वर्चुअल होता है, ये रियल इमेज बन रही है, तो इससे मतलब क्या है, रियल इमेज है पहली चीज, तो ये तो इमेज तुम्हारी क्या रियल है, मैंने इसका सोल्यूशन भी दे रखा, तो इसकी इमेज रियल होगी, रियल इमेज बन रही, पहली चीज तो ये कि रियल इमेज बन रही, ठीक। दूसरी चीज तुम्हारा व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, अब मिरर कौन सा यूज किया गया ये पूछ रहा है, अब व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड, अब मिरर तुम्हें दिख रहा है कर्व वाला मिरर है, कर्व वाला मिरर, कनकेव मिरर यूज किया गया, तो यहां तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ क्या, कनकेव मिरर,
पेन के मिरर यूज किया गया, ठीक है। अब तुम्हें यहां दिखा, अब उसके बाद तुम्हें पूछा तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रीजन व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड इन आईपीस। आईपीस में कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस, ये वाला आईपीस जो देखने वाला है दूरबीन लगा के देखते हैं, तो ये तुम्हें दिख रहा है ये कन्वेक्स लेंस है, ये लेंस जो है कन्वेक्स लेंस है, तुम्हें दिख रहा होगा, मैं मिटा दूं तो यहां दिख रहा है कन्वेक्स लेंस है, तो यहां पर आंसर तुम्हें दिया जाएगा, यहां पर देखो कन्वर्जिंग लेंस, सीबीएसई ने आंसर दिया कन्वेक्स होगा, ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स कन्वेक्स को ही कन्वर्जिंग लेंस बोलता है, तो इसी को कन्वेक्स लेंस, ये आंसर सही है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेन मिरर इन अ टेलीस्कोप। अब प्लेन मिरर का टेलीस्कोप में क्या रोल है, अब प्लेन मिरर का ये तुम्हारा 45 डिग्री में लगा हुआ रहता है, ये तुम्हारा क्या करता है लाइट को डाइवर्ट कर देता है उस टाइम, मतलब कि रीडायरेक्ट कर देता है लाइट को, तो यहां पर दिया हुआ तुम्हारा कि द प्लेन मिरर इज लिटरली इनवर्ट रीडायरेक्ट कर देता है लाइट को, तो ये तुम्हारा दो नंबर का क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन क्यों किया पता है, दो नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए यहां बताया था कि कन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बताया गया था, यहाँ कन्वर्जिंग आईपीस में जा रहा है, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन था, देख के इतना डर लग रहा था भैया क्या है, क्या चीज है, देख के डर रहा था, कुछ नहीं था, बस वही पूछा था इमेज रियल है कि वर्चुअल है, आईपीस का क्या काम है, कौन सा क्या मिरर है, बस एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखना बोर्ड में भी आ सकता है, क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन सेवल और छपा हुआ है, क्लियर वाली बात है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, अब यही हमने सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन नोट कर लिया होगा तुमने, अब उसके बाद तुम्हारा एक और क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भाई, ये भी न्यूमेरिकल, तुम अच्छे से देख लो भाई, दो नंबर का कंफर्म है, ये भी न्यूमेरिकल तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आने, बोर्ड के पेपर में बोल रहा, बोर्ड के पेपर में आने वाला है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं। अब इसमें तुम पूछ रहा, अब इसमें तुम्हें कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, अब इसमें बोल रहा एनालाइज द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड। अब यहां पर इमेज रियल नहीं, डॉटेड मैंने तुम्हें बोला था वर्चुअल है, अब तुम्हें पता है यहाँ ऑब्जेक्ट से कि अब यहाँ डाइवर्ज हो रहा है, मतलब यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, मतलब कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, मतलब इस टाइप की लेंस होगी, कन्वर्जिंग लेंस होगी, कन्वर्जिंग लेंस तो कौन सा कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस यूज होगी, तो यहाँ पर द लेंस इज कन्वेक्स लेंस, देखा मैंने बोला था। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या, वर्चुअल है, मैंने तुम्हें बोला डॉटेड वाला, यार डॉटेड दिख रहा है तुम्हें, तो ये डॉटेड वाला था मतलब वर्चुअल है, यहाँ वर्चुअल इमेज बन रही, रियल नहीं है, वर्चुअल है, मतलब जो जो चीज मतलब कि असली में नहीं होती नजर आती है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि द इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इमेज और डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हुआ, एंड द इमेज इज ट्वाइस, मतलब कि 2x, मतलब मैग्निफिकेशन 2 है, एम की वैल्यू यहाँ पर 2 है, एम की वैल्यू मैग्निफिकेंट की 2 है, और यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पूछ रहा है, तो अब तुम्हें क्या बोलता है, इमेज डिस्टेंस पता है तुम्हें, वी पता है, और मैग्निफिकेशन पता है, तो यू तुम निकाल सकते हो आराम से, तो यू की तुमने वैल्यू निकाल दी, अब -15 सेंटीमीटर तुमने यू की वैल्यू निकाली, तो ये तुम्हारी यू की वैल्यू निकल गया, आराम से निकल गया, मैग्निफिकेशन ये सी न्यूमेरिकल आते हैं, दो नंबर कन्फर्म हो गए। अब आगे तुम्हारा क्या है, आगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रे इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर, इन विच एंगल इंसिडेंस इज इक्वल टू जीरो, कनकेव मिरर, पहले तो तुमने कनकेव मिरर पकड़ लिया, अब कौन सा एंगल है इसका इंसिडेंट एंगल जो रहता है जीरो रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू जीरो, अब इंसिडेंट एंगल जीरो मतलब कि जहां से लाइन जा रही है वहीं से वापस भी आ जाए, तो तुम्हें पता हो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब भी जाती है इसमें मिरर में, कनकेव मिरर में तुम्हारी, तो क्या होती है जहां से जाती है, जहां से ये जाती है वहीं से वापस आ जाती, तुम्हें पता होगा, तुमने देखा होगा, मैंने जो 6 फिगर याद करने बोला तो उसी में से एक फिगर ये भी है, तो तुम्हें याद रहता तुम बता देते, तो मैंने तुम्हें इसलिए याद करने बोला था, इंपॉर्टेंट तुम्हारा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, ये असर्शन दिया हुआ है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए इमेज बिहाइंड इट एंड द इमेज फॉर्म्स इज वर्चुअल, ठीक बोल रहा है, कन्वेक्स मिरर जो तुम्हारा रहता है वर्चुअल इमेज फॉर्म करता, सही बोल रहा है। उसका तुम्हारा क्या, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, ये दोनों बात सही है, लेकिन क्या है कि ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, दोनों बात सही है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है, तो ये तुम्हारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या एग्जांपल नंबर 9 तुम कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 9.2 भी कर लेना, चर्चा नंबर का ये आ सकता है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, इसको हल्के मत लेना, बिल्कुल पेपर में आया, 6 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ये पेपर में आता है, क्लियर वाली बात है, इसको कर लेना। आगे बढ़ते हैं, फिर 9.3 कर लेना, 9.4 कर लेना, ये भी पेपर में आता है भाई, इसको भी हल्के, मतलब बोर्ड लेवल के लिए मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा प्री बोर्ड में छपेगा, बोर्ड में भी छपेगा, क्लियर वाली बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको भी तुम कर लेना। उसको तुम्हारा क्या कि फाइंड द फोकल लेंथ पावर ऑफ लेंस वाला न्यूमेरिकल, कि पावर ऑफ लेंस से तुम्हारे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो तुम्हारा, उसका डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर इन अ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इट इज प्रेस्क्राइब्ड इन डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। अब कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, ये तुम्हें पूछ रहे, तो तुम्हें दिखा प्लस है, अब प्लस है, प्लस का मतलब तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा प्लस का मतलब तुम्हें इसको हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मैं ह्यूमन आई कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें समझाऊंगा, तो तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया तो मतलब जो तुम्हारा लेंस है वो तुम्हारा कन्वर्जिंग हो गई वाला, तो कन्वर्जिंग लेंस है तुम्हारा, ठीक, क्लियर वाली बात है। अब मैंने नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें समझा दिया, पूरी वीडियो देखो समझ में आ जाएगा तुम्हें, क्लियर वाली बात है। अब वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन अ कन्वेक्स लेंस द रियल इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अब तुम्हें बोल रहा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट
और इमेज पूछ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, फिर वही वाला जो छह क्वेश्चन थे, जो छह मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाए थे उसी में से एक क्वेश्चन फिर से आया। तो भाई मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, उन छह पर तुम कमांड कर लेना, अगर नहीं करोगे इन सारे एमसीक्यू छूटेंगे, क्वेश्चन छूटेंगे, क्लियर वाली बात है, ठीक है। उसके तुम्हारा क्या दो स्पेरिकल लेंसेज को मिलाएंगे, तुम्हारा क्या होगा, बोथ कनकेव मिरर बन जाएगा, तो ये भी तुम्हारा एमसीक्यू अच्छा है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव, तुम्हारा ये न्यूमेरिकल, अब ये सारे एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल, भाई इससे बाहर तुम्हारा पेपर नहीं आता, तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन आई हो गया, तुम्हारा जो लाइट रिफ्लेक्शन हो गया, इन सारे में एनसीईआरटी के अंदर से ही न्यूमेरिकल आता है, इससे बाहर से नहीं आते। अगर ये न्यूमेरिकल तुम कर लोगे आरडीआरएस वगैरह जो तुम मैथ्स में लगाते हो, इसमें तुम्हारे बहुत सारे रेफरेंस बुक दुनिया भर के, तो उन सारे रेफरेंस बुक को लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं न्यूमेरिकल से तुम्हारे बोर्ड में पेपर आ जाएगा, समझ रहे बात को, तो इन्हीं में से पेपर का तो भटकने की जो, तो इनको तुम अच्छे से कर लेना, इनको नहीं छोड़ोगे भाई बिल्कुल, तुम किंग बन जाओ इस चैप्टर में, किंग बन जाओ गारंटी के साथ बता रहा, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, इससे बाहर तुम्हारा पेपर आ नहीं सकता, वुमन आई आगे इससे बाहर पेपर नहीं आ रहा, तो ना तुम कर लोगे लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में 8 के 8 नंबर कन्फर्म है, रोक नहीं सकता 6 साल होगी इस पेज पर, बस न्यूमेरिकल अच्छे से करना क्योंकि आएगा तो इससे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, अब हम लोग आते हैं आज के लास्ट चैप्टर में, जो तुम्हारा वुमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ये तुम्हारा टोटल 5 नंबर का आने वाला, इससे तुम्हारे एमसीक्यू भी बनेंगे फिजिक्स में, मतलब तुम्हारा क्या है, एक तुम्हारा 3 मार्कर आएगा और इसमें तुम्हारा 2 एमसीक्यू बनेंगे, इजी चैप्टर, जल्दी से कंप्लीट करा देता हूं, क्या आने वाला डायरेक्ट बताता हूं, इसमें तुम्हारा कंफर्म है, ये जो दो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, ये दोनों डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, इस बात की 100% गारंटी कंफर्म है, ये दोनों में से एक डायग्राम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में छपने वाला है, तो ये दोनों डायग्राम तुम अच्छे से देख लो भाई, दोनों में से एक डायग्राम 100% कंफर्म है कि 3 नंबर का तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में छपने वाला है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोला, 100% कंफर्म है, तो ये दोनों डायग्राम तुम अच्छे से करना, इसमें तुम्हारा क्या आएगा, इसमें तुम्हारा सबसे पहले क्या है कि ह्यूमन आई डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन, ह्यूमन आई के डिफेक्ट जो हर साल बोर्ड में आता है, इससे बाहर पेपर ही नहीं आता ह्यूमन आई में, तुम्हें क्लियर करो, इससे बाहर पेपर आता ही नहीं ह्यूमन आई में, उसमें डिफेक्ट्स पूछता ह्यूमन आई के, पहला तुम्हारा क्या मायोपिया, मायोपिया मतलब क्या कि दूर की नजर जो कमजोर रहती है उसको मायोपिया बोलते हैं, दूर की नजर कमजोर, बच्चे लोगों को वही होता है, मुझे भी वही है, मायोपिया ही है, मायोपिया मतलब दूर की नजर कमजोर रहती है, ये तुम्हारा ठीक कैसे होता है, करेक्शन बाय मायोपिया, ये डायग्राम पूछा करेक्शन कैसे होता है इसका, तो ये करेक्शन वाला डायग्राम पूछेगा मायोपिया का, इसमें तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा कनकेव लेंस से ठीक होता है, कनकेव लेंस से ठीक होगा मायोपिया, ठीक है। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया, जो सामने की नजर कमजोर होती है, तुमने देखा होगा पेरेंट्स के चश्मे में गोल गोल लगा हुआ रहता, जो गोल गोल जो लेंस रहता है वो तुम्हारा सामने की नजर कमजोर ठीक करने के लिए रहता है, मतलब सामने उसमें तुम्हारा क्या हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसमें कन्वेक्स लेंस रहता है, गोल वाला लेंस, ई वाला लेंस रहता है, समझ रहे बात को, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, करेक्शन डायग्राम भी तुम्हें आना चाहिए, या हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन, एक तुम्हारा होता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया तुमने देखा होगा दादी ज्यादा जी लोगों को होता है, इसमें तुम्हारा दोनों खराब, तुम्हारा मायोपिया और कनकेव कन्वेक्स दोनों होता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जब दोनों साथ में होता है तब तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा क्या है कि कनकेव और कन्वेक्स जब दोनों साथ में लगते हैं तब तुम्हारा प्रेस बायोपिया होता है, क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा 3 चीजें आएगी, इससे बाहर तुम्हारा पेपर नहीं आएगा, इसी में तुम्हारा पेपर आने वाला है, क्या आने वाला आप दिखा रहा, ठीक है। अभी तुम उसको तुम अच्छे से रट रहे हो, 3 नंबर कंफर्म है। अब तुम्हारा क्या, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया, भाई साहब छप गया, मैं तुम्हें बोल नहीं सकता, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है तुम देख लो कंफर्म है कि तुम्हारे 3 नंबर का तुम्हारे बोर्ड के पेपर में ये तुम्हें छपा हुआ नजर आ रहा होगा, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन तुम देख लो भाई, डायग्राम तुम देख लो भाई, 3 नंबर का तुम्हारे बोर्ड के पेपर में ये तुम्हें नजर आ जाएगा, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, अभी ये तुम्हें देख लो ना। अब तुम्हारा क्या, इसमें तुम्हारा क्या आता है, हर साल ऐसे ही होता है, अब इसमें तुम्हारा क्या आएगा, बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, अब हाइपरमेट्रोपिया में डिफरेंस पूछ रहा था, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, डिफेक्ट कैसे डिफिकल्टी इन फोकसिंग नियर ऑब्जेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया मतलब सामने वाला, नियर वाला खराब होता है, नियर, ठीक है। मैंने तुम्हें मायोपिया मतलब दूर वाला, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि फार वाला, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मेरे में फार वाला दिखा दी, ये फार वाला चश्मा, तो फार वाला दूर वाला नजर खराब होता है, उस समय तुम्हारा क्या होता है, मायोपिया होता है, क्या, ठीक है। अब तुम्हारा इन द टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, ठीक है, अब तुम्हारा ये तो तुम्हें अलग हो गया, अब तुम्हारा क्या है, बी नंबर में डायग्राम तुम्हें दिया हुआ, नीचे यहाँ डायग्राम दिया हुआ, अब बोला था डायग्राम शोज द स्पेशल केस ऑफ एन आई डिफेक्ट, अब आई डिफेक्ट का एक केस दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफेक्ट दैट इज शोन इन द फिगर, अब इसमें डिफेक्ट क्या है, अब तुम्हें दिख रहा है ये वाला, तुम्हारी इमेज यहाँ रेटिना में नहीं बन रही, रेटिना होती है यहाँ पर, तो रेटिना में इमेज आगे बन रही है, इसको थोड़ा सा और तुम्हें क्या है, इसको थोड़ा और बेंड होना चाहिए, यहाँ इमेज बनना चाहिए था, तो ये बेंड कैसे होगा, बेंड तुम्हारा इस लेंस से होगा, ये तुम्हारा कन्वेक्स लेंस से बेंड होगा, तुम रेज जाएगी तो यहाँ थोड़ा बेंड करेगी, इसको बेंड करेगी फिर ये जाके यहाँ बेंड होगा, समझ रहे हो, तो इससे हमें पता चलता है कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का मतलब हाइपरमेट्रोपिया है, तो डिफेक्ट का नाम तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया, तो इमेज सो द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या बोल रहा है, स्टेट द केस ऑफ दिस डिफेक्ट, केस क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल होने से हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, ठीक है, और फोकल लेंस जब बड़ा हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ इफ अ कनकेव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट, अब कनकेव लेंस तो यूज नहीं हो सकता, हाइपरमेट्रोपिया है, तो यहां तुम्हें लिखना पड़ेगा कि नो, सीबीएसई कंफ्यूज कैसे कर रहा है, नो, अब तुम्हें आंसर में लिखना पड़ेगा नो, कनकेव लेंस वुड डाइवर्ज, ये डाइवर्ज कर देगा और इसको मिलाने की जगह और ऊपर कर देगा, इसको ऊपर कर देगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, जब यहां पर काटता, जब यहां पर इमेज कटती, मैं थोड़ा सा तुम्हें रब करके दिखा दे रहा हूं,
जब यहां पर इमेज कट रही होती है ना, तब हमें डाइवर्ज करना होता है। हमें तो क्या करना, कन्वर्ज करना। तो कन्वर्ज करने के लिए तुम्हारे ये वाले यूज होते, यही तुम्हारा आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको तुम अच्छे से कर लोगे, बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, किंग बन जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। क्लियर वाली बात, यही तुम्हारे पेपर में आएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई बॉल। अब इस पर तुम्हें डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं, इसमें तुम्हें पता करना सिलेरी मसल क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, कि तुम्हारा फोकल लेंथ को रेटिना क्या होता है, जहां इमेज बनती है इसको रेटिना बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या होता है, जो उल्टी इमेज बनती है उसको सीधा कर देता है। बस यही दो चीजें, कॉर्निया क्या होता है, पुपिल क्या होता है, ये दो चीजें डायग्राम नहीं आता। मैं तुम्हें क्लियर करूं, डायग्राम बहुत कम आता है, इसके फीचर्स तुम्हें आ जाते हैं। क्लियर वाले जो बोला वो आता है। अब तुम्हारा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये वाला डायग्राम तुम्हें आ जाता है। ये तुम्हारा आया था कि एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, जैसे तुम्हारी लाइट गई, अब तुम्हारी लाइट यहां पर ऐसे बेंड हुई, फिर ऐसे गई, तो ये तुम्हारा डायग्राम आता है, इसको तुम याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये कॉपी में बना लेना है। और तुम क्लियर वाली बात, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। अब इससे भी क्वेश्चन तुम्हारा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट क्या होता है, तुम्हारा एक व्हाइट लाइट जाती है, एक प्रिज्म में आती है। अब इस सब, अब प्रिज्म में क्या होता है, लाइट की लाइट, व्हाइट लाइट में सात कलर होते हैं, तो वो क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, वो सात कलर बढ़ जाते हैं, सेवन रंग में बढ़ जाते हैं। ये जो सात रंग में बढ़ते हैं, इसको तुम सेवन कलर है, ये तुम्हारा नीचे तुम ऐसे लिखो, विव ग्योर, वी आई बी विव जी वाई ओ आर, विव ग्योर बोलते हैं। विव ग्योर मतलब क्या, वॉयलेट इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, विव ग्योर में बढ़ जाती है, नीचे से तुम लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ से विव ग्योर लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, ऐसे तुम याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ है। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट, ये भी तुम्हारे पेपर में आता है, सीबीएसई वालों का फेवरेट दे रहे बनाने के लिए। इसमें तुम्हारा होता क्या कि सबसे पहले एक व्हाइट लाइट एक प्रिज्म में गया, ये प्रिज्म से सात कलर में निकली, अब ये सात कलर एक और प्रिज्म में घुस गई, ठीक है, फिर एक व्हाइट बनकर निकल गई। तो ये तुम्हारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें बनाना है, डायग्राम इंपॉर्टेंट। क्लियर वाली बात, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई कैन फोकस, यहाँ पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में बोला गया। कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन तुम्हारा क्या होता है, मैं बता देता हूँ, द एबिलिटी ऑफ सिलेरी मसल टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। सिलेरी मसल आंख में होते हैं, जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, समझ रहे हो, उससे क्या होता है, पावर ऑफ, तुम देखते हो कभी बहुत लाइट से आते हो और कहीं डार्क रूम में जाते हो, तुम्हें दिखता ना बहुत अंधेरा लग रहा है, तो वही क्या होता है, सिलेरी मसल को टाइम लगता है फोकल एडजस्ट करने में, इसलिए अंधेरा दिखता है। ठीक है, तुम्हारा क्या था, ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग इस फोकल लेंथ इन ह्यूमन आई ड्यू टू एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, उसका था ह्यूमन आई कैन, द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज, कहां पर फॉर्म करता है, मैंने तुम्हें बोला रेटिना में फॉर्म करता है, ये तुम्हारे एमसीक्यू आ सकता है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन तुम्हारा क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर को सामने चीज आ जाएगी तो हमें नजर आएगी, धुंधली आने लगेगी, समझ रहे हो बात को। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कैच बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल, मैंने तुम्हें बोला सिलेरी मसल करती है, तो इतना तुम कर लोगे, एमसीक्यू में भी किंग बन जाओ, इससे एमसीक्यू बनते इसलिए दिखा दिया। क्लियर वाली बात है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि देखो, अब तुम्हारा मेन चीज है यहाँ पर, अब तुम्हारा क्या, व्हेन लाइट एंटर्स थ्रू एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स, इसका क्या है, तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ये मेन चीज नहीं है। मेन चीज तुम्हारा क्या है, न्यूमेरिकल जो डायोप्टर पे बनता है, ह्यूमन आई पे जो न्यूमेरिकल बनता है, वो सबसे मेन चीज है, उससे तुम्हारे क्वेश्चन अलग से बनेंगे। क्लियर वाली बात है, जब भी तुम्हारा कुछ बनेगा इसे बनेगा, कैसे बनेगा, ए पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट व्हेन कीप्ड बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर से दूर के डिस्टेंस को वो नहीं देख पा रहा उसको। ठीक है, द डिफेक्ट इज टू बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस तुम्हें निकाल, अब तो पावर ऑफ लेंस का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 बाय फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ दिया 2 मीटर। अब तुम पावर जब निकालोगे तो 2 मीटर से तुम निकालोगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, तो 0.5 प्लस में होगा कि माइनस में होगा। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जब भी तुम्हारा दूर वाली चीज नहीं देख पा रहा, तो तुम्हारा पावर मायोपी है, जब भी होगा दूर वाली चीज नहीं देख पा रहा, पावर नेगेटिव में होगा। यहाँ तुम्हें दोनों ऑप्शन दिए, मैं +5 डायोप्टर और -5 डायोप्टर, तो यह पावर नेगेटिव होगा क्योंकि दूर वाली चीज, 2 मीटर से दूर वाली चीज वो नहीं देख पा रहा, तो उसको क्या मायोपिया हुआ, मायोपिया जैसे मेरे को मायोपिया, दूर वाली चीज नहीं दिखती, इसका पावर नेगेटिव में, इसका पावर भी नेगेटिव में, तो इसीलिए तुम्हारा पावर नेगेटिव में होगा। ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज है। अब पावर का दो फॉर्मूला था, P=1/focal length, जिसको फोकल लेंथ भी तुम्हारा मीटर में होगा और उसको डायोप्टर में नापा जाता है, और पावर जुड़ जाती है, P1+P2+P3, जितने पावर होते हैं, दो पावर है, मान लीजिए एक कोई लेंस है और ये कोई लेंस है, इन दोनों लेंस का पावर जुड़ जाता है, ये दो डायोप्टर है और ये दो डायोप्टर, टोटल मिलाकर 4 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक, क्लियर वाला, तो ये तुम्हारा ऐसे लेंस का पावर जुड़ता है। क्लियर वाली बात, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग ईच मायोपिक आई, पूछ रहा बोरा मायोपिक आई एंड दूसरा तुम्हें बोरा हाइपरमेट्रोपिक आई, दोनों को तुम्हें बताना है, मायोपिक आई भी बताना है और हाइपरमेट्रोपिक आई भी बताना, दोनों चीजें तुम्हें बतानी है। क्लियर वाली बात है, तो मायोपिक आई करेक्शन डायग्राम नहीं पूछ रहा, बोरा मायोपिक आई दिखाओ और हाइपरमेट्रोपिक आई दिखाओ, तो वो तुम्हें एनसीईआरटी में डायग्राम दिया होगा कि मायोपिक आई कैसा होता है, उसके बाद उसको करेक्ट करके भी दिखाया गया, तो मायोपिक आई वाला डायग्राम बता देना, क्लियर वाली बात है, काम हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है, पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -4.5 डायोप्टर, -4.5 डायोप्टर का माइनस है पावर, मतलब इसको मायोपिया है, पावर माइनस में। अब बोल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इज ही सफरिंग, सी सफरिंग फ्रॉम, तो मायोपिया सफरिंग कर रही है भाई, तुम लिख लेना फोकल लेंथ वगैरह, बता नहीं ये न्यूमेरिकल तुम कर लेना। उसके बाद बोल रहा है, हाउ वुड यू यूज 2 identical prism सो दैट अ नैरो बीम ऑफ लाइट, अब वही बोल रहा है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट पूछ रहा है। अब ये डायग्राम तुम बना दोगे कि कैसे एक प्रिज्म से जाके और 7 पार्ट्स में बढ़ता है, फिर 7 पार्ट्स वाला एक पार्ट, ये डायग्राम तुम बना दोगे, पूरे पूरे नंबर से मिल जाएंगे। क्लियर वाली बात है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे तुम्हारा क्या ये पर्सन नीड्स ऑफ पावर ऑफ लेंस, वही वाला एनसीईआरटी के तीनों न्यूमेरिकल है, अच्छे से तीनों न्यूमेरिकल करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हारे दो फॉर्मूला लगेंगे, पहला पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ इन मीटर, 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर, और इसको डायोप्टर में निकाला जाता है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर, और इसको डायोप्टर में पावर को निकाला जाता है, पावर जुड़ जाता है पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, इस तरीके से जुड़ जाता है। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से कर लेना, ये आ जाता है डायोप्टर वाला, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या कि अब और देखो, अब रेनबो वाला क्वेश्चन, नेम द नेचुरल फिनोमेना इन एटमॉस्फेयर दैट इज कैज्ड ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये भी को पेपर में छप जाता है, गारंटी के साथ छप जाता है। अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट व्हाइट लाइट, पहले डिस्पर्शन ऑफ लाइट व्हाइट लाइट क्या होता है, तो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है तुम्हारा, बोला नेचुरल फिनोमेना बता, नेचुरल फिनोमेना पूछा, रेनबो होता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज अ प्रोसेस बाय विच अ व्हाइट लाइट इज सेपरेटेड इनटू सेवन इंडिविजुअल कलर। अब व्हाइट लाइट क्या होता है, उसमें सात कलर होते हैं, लेकिन क्या वो एक साथ जब चलता है पता नहीं लगता, लेकिन जैसे ही उस प्रिज्म में आता है, प्रिज्म में अगर प्रिज्म क्या होता है, तिरछा होता है, सबकी स्पीड अलग अलग हो जाती है, उसमें अलग अलग मीडियम रहता है ना, सबकी स्पीड वेवलेंथ सबके अलग होते हैं, सात लाइट होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, वो मिलते तब व्हाइट दिखते हैं, लेकिन जब क्या प्रिज्म में आता है तो इसका वेवलेंथ अलग, ये थोड़ा तिरछा है, इसका अलग, इसका अलग, इसका सब अपने अलग अलग कलर में बढ़ जाते हैं, तो वो सात कलर में बढ़ जाता है, ठीक है। व्हाइट लाइट में सात कलर होते हैं, क्लियर वाली बात है। और दूसरा तुम्हारा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सीइंग द एव फिनोमेना, जब रेनी वेदर होता है ना तब ये कंडीशन तुम्हें दिखती है, क्लियर वाली बात है। जब तुम्हारा रेनी वेदर होता है तब रेनबो दिखता है, ये फिनोमेना दिखता है, ठीक है। उसके बाद बोला व्हाट कैच डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, तो द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज कैच बाय डिफरेंट वेवलेंथ, मैंने बताया था तुम्हें, ऑफ लाइट हैविंग डिफरेंट स्पीड्स इन रिफ्रेक्टिंग मीडियम, सच दैट ए ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म में वही होता है। इसी तरह से तुम्हारा बारिश की बूंद तुमने देखा, क्योंकि इसमें भी अगर तुम जाती है व्हाइट लाइट तो तुम्हारा चेंज होता है। इसी तरह से तुम्हारा क्या होता है, बादल वगैरह रहते हैं उससे भी हो जाता है, उसी से रेनबो कैच हो जाता है, वही तुम्हारा रेनबो होता है, ठीक है। तो तुम्हारा सात कलर में तुम्हें नजर आता है, जो पानी की बूंद गिरी रहती है उसमें भी लाइट पड़ती है, सात कलर में वही चीज होती है तुम्हारी। तो अगर तुम यहां तक आ गए भाई, कांग्रेचुलेशन, बिल्कुल तुम टॉपर बन गए हो, तुमने अपने क्लास के टॉपर को पीछे छोड़ दिया, तो तुम आ गए, बिल्कुल तुम टॉपर की कैटेगरी में आ चुके हैं, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे हो गया, तुम आगे हो गए, इस बात की मेरी गारंटी, बिल्कुल तुम टॉपर की कैटेगरी में आ गए हो। अब तुम्हें कोई रोक छोड़ नहीं सकता, साइंस पेपर को ना भाई बिल्कुल उखाड़ के फेंक दो, कबाड़ के फेंक दोगे, प्री बोर्ड में तुम टॉपर बनोगे, बोर्ड एग्जाम तुम टॉपर बनोगे, इस बात की मेरी गारंटी, तुम क्योंकि तुमने प्रेम भैया से पढ़ाई कर रखी है, जिसने पिछले साल 97 टॉपर निकाले, 97 मतलब कि 97% वाले हजार बच्चे थे चैनल से, तो तुम भी टॉपर बनोगे, इस बात की मेरी गारंटी। बस तुमने सारे क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, सब कुछ कर लिया होगा, अब तुम्हें टॉपर बनने को रोक नहीं पाएगा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, तुम यहां तक आ चुके हो, कांग्रेचुलेशन, ठीक है। अब अगर अभी तक तुमने चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगी है, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो तुम्हें पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अभी तक तुमने मैथ्स पेपर लिख नहीं देखे, तुम यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, यहां पूरा मैथ्स का पेपर लिखे, यहां तुम क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तो टाटा।